हम लोग बात करते हैं इंडेक्स का। इंडेक्स का मतलब होता है जो आज के डेट पे निफ्टी एंड सेंसेक्स जो कि इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पे कि कई बार हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट में डिस्कशन कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंडेक्स जो होता है वो एक परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए बनाया जाता है, और ये जो होगा खास करके ग्रुप होगा, यानी कि किसी भी चीज़ का, जैसे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो है हमारे लिए, तो स्टॉक का इंडेक्स हो जाएगा। जैसे पहले बता रखा था इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए कॉमोडिटी का इंडेक्स है, कॉमोडिटी का इंडेक्स हमारे लिए CPI WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वैसे एग्जैक्टली अगर स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस मेजर करना है तो उसके लिए स्टॉक के कुछ ग्रुप बनाए गए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स। अलग अलग जगहों पे डेफिनेशन अलग अलग मिल जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इंडेक्स जो है मार्केट के टेम्परेचर मेजर करने का एक थर्मोमीटर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक आंसर है इस क्वेश्चन का कि मार्केट में चल क्या रहा है, यानी कि आपको ये जानना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसके आंसर अगर चाहिए तो उसके लिए आपको कहाँ जाने पड़ेंगे, इंडेक्स पे। तो यही सब कुछ लाइन लिखा हुआ है, इंडेक्स इज एन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ इज मार्केट डूइंग, मार्केट क्या कर रहा है इसका आंसर चाहिए तो इंडेक्स है ना। वी कैन ऑल्सो से इंडेक्स इज अ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ मार्केट। ये सब तो बस ऐसे ही है, इससे आपको कभी फीलिंग नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। मैंने आपको एक दूसरे तरीके से इसका डेफिनेशन दिया है। सिंपली वी कैन से इंडेक्स इज अ पोर्टफोलियो, यानी कि बंडल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सम स्टॉक सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सेक्टर और फ्रॉम सेम सेक्टर लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज, किसी एक एक्सचेंज में जो लिस्टेड स्टॉक है। ये मैंने दिया हुआ, मेरा बनाया हुआ डेफिनेशन है। तो अगर वैसे एग्जाम में आता नहीं थियरी कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें, ये बुकिश लैंग्वेज है, ये मेरा लैंग्वेज है, आपका प्रिफर करे बुक का प्रिफर करे, कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये सब आपका आता नहीं है क्या कहते एग्ज़ाम में ये सब। हाँ, इसका एप्लीकेशन आएगा, इसका यूज आएगा कि हम इसको यूज कैसे करते, वो सारा चीज़ है। तो हमने क्या बोला, ध्यान से देखिए, इंडेक्स जो है एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का मतलब ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज या आप बंडल ऑफ सिक्योरिटीज बोल सकते हो। तो बंडल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सम स्टॉक सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सेक्टर और फ्रॉम सेम सेक्टर, जैसे Nifty 50 जो है उसमें सारे सेक्टर के स्टॉक को हमने ग्रुप बना रखा है। वैसे ही अगर देखोगे तो निफ्टी बैंक, उसमें सिर्फ बैंकिंग कंपनी का ग्रुप बनाया हुआ है, तो एक सेक्टर का भी इंडेक्स हो सकता है, ब्रॉडर मार्केट का भी इंडेक्स हो सकता है, वो किसी एक एक्सचेंज के लिस्टेड स्टॉक पर डिपेंडेंट होगा। मेजर इंडिसेज ऑफ इंडिया आर Nifty 50, सेंसेक्स। सेंसेक्स का आप बहुत सारे जगह लिखा हुआ देखोगे, S&P BSE सेंसेक्स। जैसे आप अगर NSE को BSE को वेबसाइट पे चले जाइए तो वहाँ पे आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो सेंसेक्स नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये रहा BSE इंडिया। हाँ जी, ये मैं चला गया BSE की वेबसाइट पे, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, S&P BSE सेंसेक्स। इसका फुल फॉर्म जो है S&P BSE सेंसेक्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर BSE इंडेक्स सेंसेक्स। पहले निफ्टी का भी नाम यही हुआ करता था, S&P CNX Nifty 50। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर एक रेटिंग एजेंसीज हुआ करते थे, वो जिसने पहले इनिशियली बनाया था वो, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स। कुछ लोग सेंसेक्स का भी फुल फॉर्म निकालते हैं, वैसे ये BSE और NSE की वेबसाइट कभी भी लिख के नहीं देता ये फुल फॉर्म। फुल फॉर्म तो आपके नेम का भी होता है, होता है नहीं होता है, हर चीज़ का फुल फॉर्म होता है, लेकिन वो जो होते हैं आपका मनगढ़ंत कहानी होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे कुछ लोग निफ्टी होते हैं, निफ्टी के साथ भी एक फुल फॉर्म बनाने की कोशिश करता है, FTY को 50 बोलते जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, 50 निफ्टी 50 का मतलब 50 है, तो निफ्टी बैंक में भी तो निफ्टी लगा हुआ है, हमारा स्टॉक है, और जबरदस्ती का निकालता रहेगा। गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा। तो आप मुझे बताओ गूगल क्या है, गूगल आपको ये बताता है कि मैं करेक्ट दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ? गूगल कभी भी इस बात का ऑथेंटिसिटी नहीं है कि आपको सही मिल रहा है। गूगल तो एक सर्च इंजिन है, एक काम करता है, कहीं पे किसी ने कुछ भी लिखा होगा वो सर्च करके दे देगा, सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ लग रहा है, कुछ गलत चीज़ आप मान लीजिए नेट पे डालना चाह रहे हो, और आपका वेबसाइट इतना पॉपुलर हो जाता है कि गूगल के सर्च इंजन में आता है फर्स्ट पेज पे, तो आप कुछ भी चीज़ सर्च करिए आपको पहले नंबर पे आएगा। नहीं होता है तो एक काम करिए, कोरा पे जाके कुछ गलत गलत चीज़ लिख दीजिए, ठीक है, लिख दो आप कुछ गलत चीज़ लिख दीजिए, और वही सेम कीवर्ड से आप गूगल पे सर्च करिए, देखिए वो गलत चीज़ सब आपको सेम आपको गूगल के सर्च इंजन में टॉप में ही आता रहेगा, क्योंकि कोरा एक टॉप सर्च इंजन में आता है गूगल पे, तो उस पर आपको दिख जाएगा। तो वही सेम चीज़ है। तो गूगल पे अगर कोई चीज़ मिल गया निफ्टी का फुल फॉर्म, तो ये मत समझ जाना कि उसका फुल फॉर्म है। हाँ, अगर NSE ने डिक्लेयर करके दिया होता तो बात कुछ और है,
ठीक है, वापस आते हैं हम लोग। तो ये था दो तरह का इंडिसेज जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया में, एक एनएससी का इंडेक्स, एनएससी का निफ्टी और बीएससी का सेंसेक्स। चलो इसको थोड़ा सा और गहराई में जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा एनएससी में कितने कंपनी लिस्टेड है। ग्रुप ऑफ स्टॉक में देखा जाए तो हमारे इंडिया में दो एक्सचेंज है, कौन बताइए? एक है एनएससी और एक कौन है बीएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो अलग अलग मार्केट, जैसे दो अलग अलग मॉल में सेम सामान मिलते, ऐसे दो अलग अलग मॉल है। मान लीजिए किस चीज़ का मॉल है ये, स्टॉक खरीदने बेचने का, इसमें आप क्या कर सकते हो, सेम वैरायटी दोनों तरफ मिलेगा। जैसे मान लीजिए रिलायंस खरीदना है, एनएससी में भी जा सकते हो, रिलायंस खरीदना है बीएससी में भी जा सकते हो, दोनों में प्राइस भी ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। फिर कुछ लोगों के दिमाग में आते हैं, हर बार ये क्वेश्चन आता है, सर एक है ही तो दो दो का सेम होने का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा हुआ? फिर वही बात है, मैं SFM पढ़ाते हुए दूसरे को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, बताओ? सिंपल सी बात है। मैं कहता हूं कि अच्छा एक मॉल में तो हमारे एक सामान मिलता है, दूसरे मॉल बनने की जरूरत ही क्या है? अरे जब तक आपके कंपिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं आएगा तब तक कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होता है, समझ में? हमेशा याद रखिएगा। आप मुझे बताओ, आप लोग आज के रेट पे, चलो अब तो फिर भी थोड़ा सा नेट का पैक बढ़ गया, नहीं तो 150 रुपये से 200 रुपये का रिचार्ज कराओ, 150 रुपये का, और 1.5 GB एक दिन में यूज करो और अनलिमिटेड कॉल करो। क्या जियो आने से पहले कभी देखने को मिला था? जियो तो आप लोग के रहते हुए आया है ना, उससे पहले भी तो आप लोग ये क्या कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन का सर्विसेज यूज करते थे, क्या इतना सस्ता था? फ्री करो, जितना मर्जी कॉल करो, हम चार काउंट ही नहीं करेंगे, जितना मर्जी नेट यूज करो, एक दिन में 1.5 GB पैक देंगे, और वो भी कितने रुपये महीने का, 150 से 200 महीने का, कहाँ 400 रुपये के महीने में, तो 3 महीने, 400 रुपये के रिचार्ज पे तो 3 महीने चलते थे, बताओ कितना हो गया? 400 रुपये के रिचार्ज पे डिवाइडेड बाई 3, अब बताओ मोटा मोटा 150 रुपये के आसपास आपका खर्चा आता था। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी कंपेटिटिव इन्वायरमेंट आता है तो आपको कंज्यूमर हमेशा, याद रखने का, बेनिफिट किसको मिलते, कस अल्टीमेट कंज्यूमर को हमेशा बेनिफिट होता है। चलिए वापस आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, दो मार्केट है, इसमें कितने कंपनी लिस्टेड है, कंपनी वन कंपनी टू, 19 1900, 100 साइलेंट था इसमें, ये देखिए कंपनी 50, फिर ऐसे है कंपनी 1900, 1900 कंपनी लिस्टेड है। क्या 1900 के 1900 मार्केट में ट्रेड होते होंगे डेली? आपको अगर ये सब ढूंढना है तो आपको सब मिलता है, बस आप अपना थोड़ा सा जान पहचान दोस्ती बढ़ा लो, किससे, एनएससी और बीएससी की वेबसाइट से, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, थर्ड पार्टी पे भी जाने की जरूरत नहीं है। जब पेरेंट्स हमारे सामने है ही तो बच्चे को क्या करना बताओ, मनी कंट्रोल पे कुछ लोग बार बार जाएंगे, मनी कंट्रोल पे भी जाएंगे, जब हमें मेन डेटा चाहिए, मेन हमें रिसोर्सेज चाहिए स्टॉक का, तो हम इन्हीं लोगों पे रहेंगे। अब एनालिटिकल रेशियो चाहिए, कुछ और चाहिए, तो हम थर्ड पार्टी जाएंगे, जिसमें से पहला मैंने आपको नाम दिया था मनी कंट्रोल, दूसरा आप लोग investing.com पे भी जा सकते हो। इन्वेस्टिंग मैं दो वेबसाइट को यूज करता हूँ, एक मनी कंट्रोल को, ठीक है जी, और एक जो दूसरा है आपका, ये थर्ड पार्टी में मैं एक दूसरा यूज करता हूँ, investing.com, investing.com, ठीक है, ये ग्लोबल वेबसाइट है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा, और इसको मुझे लगता है एक बड़े बड़े कंपनी जितना चीज़ मैनेज नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा ये अपने वेबसाइट को मैनेज करने में, ग्लोबली मैनेज करने में ये अपना इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, investing.com। इसमें आपको अगर ग्लोबल इवेंट, अगर कौन सी दिन पे क्या आता है, हर चीज़ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इवन जिसको जीरोधा में अकाउंट नहीं है और उसको अगर कैंडल स्टिक का एनालिसिस करना होता है, तो उसमें से आज के डेट पे मैक्सिमम लोग जो होते हैं यहाँ पे जाते हैं, और एक charting.com भी है शायद, तो उस दो पे जो है वो वहाँ पे जा, मार्केट सम, मार्केट चार्ट सम, कौन सी मार्केट रेडार का तो मुझे नहीं आइडिया, चलो जो भी है मैं तो इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसमें भी आप लोग भी देख सकते हो, जैसे मैं अभी तो 50-50 का वॉच लिस्ट दे दिया है इसने, जीरोधा वाले ने, अभी आपको एक कितना वॉच लिस्ट देता है टोटल, पाँच पाँच वॉच लिस्ट, एक वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक ऐड कर सकते हो, एक वॉच लिस्ट में 50 50 50 50 50 50, कितने हो गए बताओ, 5 × 50 250 स्टॉक हो गए। एक टाइम हुआ करता था जब एक वॉच लिस्ट में 20 आया करता था, एक वॉच लिस्ट में 20 20 20 20 20, टोटल कितने स्टॉक को आप देख सकते थे, सिर्फ 100 को, और यहाँ पे 150 तो कौन सी होता है, एफएनडो, एफएनडो में 150 तो मेरे वॉच लिस्ट में समाता ही नहीं था, तो मैंने यहाँ यहीं पे वॉच लिस्ट बना के काम करते थे। आप अगर देखोगे तो मैं ही यही इन्वेस्टिंग, अभी भी मेरा वॉच लिस्ट जो होगा यहाँ पे बना होगा। लॉग इन आई डी क्रिएट करना पड़ेगा आपको,
ये देखिए लॉगिन आईडी क्रिएट करके जाओगे तो यहाँ पे आपको जब इस पे जाओगे तो देखो आपको अपना पोर्टफोलियो दिखेगा। मेरे इस पोर्टफोलियो के अंदर 150 स्टॉक डाला हुआ है, इसको मैं एक एक सेकंड में एनालिसिस कर सकता हूँ। ये देखो ये जो है मेरे पोर्ट वॉच लिस्ट के अंदर 150 स्टॉक इसमें डाला हुआ है। आप इसको 150 के अब डालने में तो बहुत टाइम लगता, तो इस सब का पहले सिस्टम मैंने लोगों को बता रखा था कि हम एक्सेल शीट में CSV फाइल सेव करके और उसको डायरेक्टली अपलोड करते हैं तो पूरे के पूरे 150 स्टॉक यहाँ आ जाता है। जिसके अकाउंट नहीं, अगर वो एनालिसिस करना चाहते हो तो इस स्टॉक इस पे जा सकते हो। जैसे हमें चार्ट देखना होता था, हम चार्ट पे जाके क्लिक करते थे, ठीक है ऑटोमेटिक यहाँ पे चार्ट आ जाएगा, सारे के कैंडल स्टिक चार्ट, इवन आपका राइट हैंड साइड में आपका इसका सिंबल आ जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका चार्ट रहते हैं। और इवन आपका देखो कितना बेनिफिट होता है कि 150 स्टॉक में आपको सीधा 1 सेकंड में देखना है कि हाइएस्ट गेनर कौन है 150 स्टॉक में, जो हमारा F&O स्टॉक में, यहाँ पे जाके परसेंटेज पे क्लिक करेंगे सॉर्टिंग कर देगा। देखो पूरे 150 स्टॉक में जो रिलायंस कैपिटल है वो सबसे सबसे ज़्यादा लूजर था 5% के आसपास, और सबसे टॉप गेनर जो था वो 150 में, 150 स्टॉक में पेज इंडस्ट्री, फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा कल 5% बढ़ा है। मान लीजिए मुझे अब ये लिस्टिंग हो गई, मतलब ये सॉर्टिंग हो गई, अब सॉर्टिंग के बेसिस पे मुझे क्या करना है, फटाफट चार्ट देखते जाना है, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे 15 से 20 मिनट के अंदर 150 चार्ट देखने, तो जब तक आपको ये सारा चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, ये कैंडल स्टिक चार्ट बना दीजिए, ठीक। अभी तो स्क्रीन थोड़ा सा मैंने जूम आउट किया है। अब इसमें देखिए मान लीजिए पेज इंडस्ट्री का मेरा ये ग्राफ आ गया, अरे कितना बढ़िया BTST बनता था ये, ठीक है जी। आप अगर देखोगे तो अगले दिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को अगले दिन ये गैप अप ओपनिंग होगी पेज इंडस्ट्री का 5% जो है, इसका चार्ट बहुत ज़बरदस्त है, वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त है। देखोगे अगर मंडे को थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहा, ठीक है, तो ये 1 से 1.5% की गैप अप ओपनिंग होगी। मतलब ये हो गए कि जितने पे क्लोज हुआ है और जो ओपन होगा उसमें 1-1.5%, कभी कभी 2% का भी क्या होगा इसमें अप मूवमेंट होगा। तो मान लीजिए शाम में किसी ने खरीदा होता और मॉर्निंग में निकल जाता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। बोलो कैसे दिख गया, मुझे चार्ट देखने से समझ आता है इसका। आप देखिएगा, नहीं होगा तो पेज इंडस्ट्री को मंडे को याद दिलाइएगा, देखिएगा आप इसका गैप अप ओपनिंग होगी, मेरे उम्मीद से 1-1.5% का होना चाहिए। अब ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट, तो मैं ऐसे क्या करा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बढ़िया था, ठीक है जी, बैंक ऑफ बड़ौदा उससे ज़्यादा बढ़िया, पेज इंडस्ट्री से ज़्यादा बढ़िया, कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। कुछ होता है अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये चार्ट का एनालिसिस क्या होता है। ये रेसिस्टेंस के ऊपर का क्लोजिंग दिया है, तो ऐसे ही है, टिक 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 करते जाओ, देखो 1-1 सेकंड में आपका चार्ट आता रहेगा, आपको जो है मेरे चार्ट देखने से ही समझ आता है। तो आप ये क्या हो गया, इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं investing.com को। एक तो आपके लिए क्या था, मनी कंट्रोल, वो तो है ही हमारे सामने, मनी कंट्रोल पे ये चार्ट, ये जो आपका चार्ट जो मैं अभी एनालिसिस कर रहा था वो रियल टाइम देता है, याद रखिएगा। जिसके पास अकाउंट नहीं होगा कल के डेट पे आपको एनालिसिस करना होगा तो आप यहीं पे जाके एनालिसिस करोगे investing.com पे, ये आपको रियल टाइम कैंडल स्टिक चार्ट बना के देते हैं। मनी कंट्रोल नहीं देता है रियल टाइम कैंडल स्टिक चार्ट आपको, वो आपको डिले करके देते हैं 1 हफ्ते का डिले, ठीक है, और 1 डे से रियल टाइम तो आपको मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। चलो वापस आए थे हम लोग, तो थर्ड पार्टी में आप दो वेबसाइट याद रखिए, और पेरेंट्स इसका कौन है, ये जितना भी डेटा उठाएगा वो यहीं से उठाएगा, याद रखिएगा, चाहे investing.com हो, चाहे मनी कंट्रोल हो, चाहे जितने भी आप, स्क्रीनर भी कभी एक दो बार मैंने यूज़ किया था, screener.com, तो वो कोई भी यूज़ करिए, डेटा सब एक ही जगह से उठाएगा। वो कहाँ से होगा, NSE से, क्योंकि प्लेटफॉर्म NSE है, वो NSE को पता है हर चीज़, तो NSE से वो लोग डेटा क्या करते हैं, उठाते हैं। इसका मतलब NSE से लोग परमिशन लेते हैं डेटा पिक करने का, उसके लिए पेमेंट भी करता है NSE को, समझ में आ गई बात। ऐसे फ्री में इसको डेटा नहीं मिलता, ये जितना जो आपको ये सोसाइटी जो डेटा वहाँ से रिसीव करते हैं थर्ड पार्टी वगैरह, उसको फ्री में नहीं मिलते, ये लोग कुछ ना कुछ पे करता है NSE को। चलो वापस आते हैं, हम थे अभी BSE पे और NSE पे। NSE पे टोटल कितने कंपनी लिस्टेड हो गए, 1900। क्या 1900 के 1900 कंपनी शेयर ट्रेड होता होगा क्या, हाँ या ना। चलो एक काम करता हूँ, मैं पुराने वाले पे चला गया, यहाँ पे देखिएगा मार्केट स्टैटिस्टिक्स कहीं पे दिखेगा, ये रहा लाइव में टॉप गेनर टॉप लूजर, यहाँ दिख रहा है आपको लाइव एनालिसिस में। अब मैं पुराने में नहीं पता, नया वाले में नहीं पता कहाँ कहाँ क्या है, मार्केट एनालिसिस लाइव वॉच, एक सेकेंड, एडवांस डिक्लाइन, यहाँ से आपको दिख जाएगा। ये देखिए टोटल कंपनी जो अभी लिस्टेड है आज के रेट पे 1955, दिख रहा है कुछ आपको, कुछ लोग बोलेंगे कहाँ से चले गए, फिर से मैं दिखाता हूँ, लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस में यहाँ पे एडवांस एंड डिक्लाइन दिख रहा है। अब न्यू वेबसाइट पे कहाँ दिख रहा है वो जाके आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ भी कहीं पे होगा एडवांस एंड डिक्लाइन करके, अब उसने वो बदल दिया है, लिस्ट में नहीं है, ट्रेड में
एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट डेटा में होना चाहिए, मार्केट डेटा में एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एडवांस मतलब बढ़ना, डिक्लाइन मतलब घटना, दिख रहा है कहीं पे जी? सिक्योरिटी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, कोई बात नहीं, वो तो सारे अवेलेबल होते हैं, होम पेज पे देख, नहीं यहीं पे हो, ठीक है। देखो अब मैं, वो धीरे धीरे होता है, यूज करते जाओगे यूज करते जाओगे मिल जाएगा, वो मैं इतने दिनों से यूज करता है इसलिए मुझे सब इसका याद है, ठीक है। तो उधर भी देखते रहेंगे कभी कभी। ये देखिए, आपको 1100 1136 स्टॉक अप मूवमेंट दिया था, 700 स्टॉक डाउन मूवमेंट दिया था, 118 स्टॉक में तो अनचेंज रहा, टोटल आपका 1955 हो गए, ठीक है। तो ये 1955 स्टॉक में से टॉप 50 को सेलेक्ट किया, टॉप 50 बोलोगे, टॉप 50 किसने डिसाइड किया? एनएससी ने डिसाइड किया, ठीक है जी। ये टॉप 50 बोलोगे, टॉप 50 किस किस एंगल से इसने इसको टॉप बोला? क्या महंगा स्टॉक को बोला, क्या सस्ता स्टॉक को बोला? कहते नहीं, महंगा स्टॉक से मुझे कोई मतलब नहीं। जैसे आज के रेट पे इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक कौन है? एमआरएफ। एमआरएफ इसके लिस्ट में नहीं है, समझ में आ गई बात? तो कोई जरूरी नहीं है महंगा तो है आएगा। ये कहते हैं पॉपुलर स्टॉक, जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव का मतलब जिसमें बहुत हर एक सेकंड पे ट्रेड होता है, हर एक सेकंड पे ह्यूज वॉल्यूम में ट्रेड होता है, यानी कि जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक है, जिसको लोगों को पसंद है और जिसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। अब जैसे देखो, अगर सिर्फ मोस्ट एक्टिव ही क्राइटेरिया नहीं है, अगर देखा जाए तो एस बैंक आज के रेट पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव है वॉल्यूम और क्वांटिटी दोनों के पॉइंट नजरिए से, क्योंकि ये वोलेटाइल बहुत ज्यादा है। अभी तक के सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पूछिए, पूरे 50 स्टॉक के अंदर एस बैंक का मिलता था, लेकिन अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले एस बैंक को निकाल दिया गया, किस में से? निफ्टी 50 में से। तो बताओ, मोस्ट एक्टिव था तो मोस्ट एक्टिव कहाँ रखा उसने? सिर्फ मोस्ट एक्टिव ही नहीं है, परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा, परफॉर्मेंस भी उसका खराब नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस भी खराब नहीं होना चाहिए, इसका मतलब प्रॉफिट जो जो कंपनी है जो थोड़ा सा भरोसेमंद है। अब उनको मानना है कि अब एस बैंक हमारे लिए भरोसेमंद नहीं बचा, तो भरोसेमंद नहीं बता तो क्या हो गया, आप निकल जाओ। एक टाइम पे आइडिया भी हुआ करता था, किसके अंदर? एनएससी के अंदर, उसको भी क्या कर दिए गए, निकाल दिए गए। जिससे भरोसा लोगों का टूटता जाता है उसको कहते तुम्हें अपने ग्रुप में हम नहीं रखेंगे। तो एक ये जो टॉप एक्टिव और जो भरोसेमंद स्टॉक है उसको एक ग्रुप में रख लिए और उस ग्रुप का नाम रख दिया, उसको बोला कि ये है हमारा निफ्टी, और 50 कंपनी होने की वजह से नाम क्या कर दिया इसको, निफ्टी 50। इसका फुल नाम याद रखना, सिर्फ निफ्टी नहीं है, निफ्टी 50 इसका नेम है। एक ग्रुपिंग, एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप का नाम रख दिए, ठीक है। ग्रुप जो सिलेक्शन क्या है इसमें याद रखना, 50 कंपनी नहीं बदलेंगे, कंपनी आते रहते जाते रहते, कंपनी आते रहते जाते रहते। अभी मैं चेक कराता हूँ ये 50 कंपनी में कौन कौन है, आइएगा ये आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे जाइएगा लाइव। मैं थोड़ा थोड़ा सा पहले नए पे जाता हूँ, नया पे नहीं मिलेगा तो पुराने पे आ जाऊंगा, ठीक है जी। चलते डेटा पे, यहाँ देखिए कुछ मार्केट डेटा पे इंडिसेज नजर आ रहा है, बहुत सारे इंडेक्स को इंडिसेज बोलते हैं, तो इंडिसेज पे हमने क्लिक किया। यहाँ कहते हैं कि देखो इतने सारे इंडिसेज है, ठीक है, इतने सारे इंडिसेज है, इसमें से देखो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, इंडिया विक्स। ये कोई कंपनी का वो नहीं है, ये किसी ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं है, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। वो अलग चीज़ होता है, ऑप्शन के डेटा से पता चलता है, जब ये बढ़ रहा होता है तो मार्केट में समझ आता है कि आने वाले टाइम पे वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा स्टॉक में, जब ये गिरता है तो लोगों को समझ आता है कि आने वाले टाइम पे वोलेटिलिटी जो होगा वो बहुत ही कम होगा। ये बहुत कम चल रहा है अभी 10 के आसपास, ठीक है। चलिए मेज किसको, ओहो अब देखो दुनिया इतना सारे चीज़ में नज़र नहीं गया, और किस पे नज़र गया, वोलेटिलिटी पे इनका ध्यान है, ठीक है। हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है, धीरे धीरे जब मार्केट देखने लग जाओगे तो ये भी समझ आ जाएगा। इसका मेजरमेंट का पूरा क्राइटेरिया लिखा हुआ, ये खास करके कॉल पुट के प्रीमियम से डिसाइड होता है, कॉल पुट, क्योंकि मार्केट में कितना वोलेटिलिटी रहेगा जब आप डेरिवेटिव पढ़ लोगे तो पता चलेगा। कॉल एंड पुट एक ऐसा स्टॉक ट्रेड है जिसमें मैंने बताया था कि 10,000 लगाइए 10 लाख बन सकता है एक दिन के अंदर, और 10,000 लगाइए 10,000 आपका जीरो पहुंच सकता है एक घंटे के अंदर। 10,000 जो है आपका जीरो पहुंचेगा, इसकी पॉसिबिलिटी 90% है। 10,000 आपका 10 लाख पे पहुंचेगा, इसकी पॉसिबिलिटी 10% है। समझ में आ गई बात? तो अब ये पॉसिबिलिटी जो है उसके बेसिस पे जो ये सामने वाले पार्टी है, अगर मान लीजिए आपने 10,000 को 10 लाख बनाया तो किसी ने तो आपको दिया, या आसमान से टपक के आया? आपने 10,000 को 10 लाख बनाया तो कोई तो है जो 10,000 को 10 लाख बना के दिया आपको, तो वो जो पार्टी होता है वो बड़े इन्वेस्टर होता है। समझ में आएगा? उसको राइटर कहते हैं हम लोग कॉल एंड पुट के लैंग्वेज में।
जब राइटर को लगता है रिस्क ज़्यादा है, कोई इवेंट है, कोई इवेंट होगा तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आप देखोगे बजट के टाइम पे 26-27 पे पहुंच जाता है, 32-32 पे पहुंच जाता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। उस टाइम पे क्या है, एकदम वोलेटिलिटी रहेगा, यानी कि ये मान के चलता है कि एक ही दिन में 5-7% के अप मूवमेंट की जैसे पॉसिबिलिटी आता है तो लोग जो होते हैं वहाँ पे कुछ प्रीमियम बढ़ा देते हैं। वो प्रीमियम को मेजरमेंट करके यहाँ पे ये वोलेटिलिटी इंडेक्स को बताया जाता है। अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो समझ जाना आने वाले दिन पे मार्केट क्या होने वाला है, ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। अभी वोलेटिलिटी इंडेक्स घटा है, 6% घटा है, बहुत कम, यानी कि आने वाले टाइम पे अभी मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं रहने वाला है, ये लोगों को लग रहा है। होने को कुछ भी हो सकता है, अगर न्यूज आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो एक्सपेक्टेशन है वोलेटिलिटी कम रहेगा। ठीक है, ये इतने सारे इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है, अब ये देखो सेक्टर वाइज इंडिसेज में निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी FMCG, निफ्टी IT, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी सेक्टर। समझ में आपको, इतने सारे इंडेक्स है। मैं अभी बात कर रहा था निफ्टी 50 का, थोड़ा देर के लिए 50 पे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, 50 पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये देखो ये 50 कंपनी के यहाँ पे लिस्ट आ गए। ठीक है, लिस्ट के साथ साथ ये सारे के सारे आपको हिस्ट्री भी दे रहा है, कितने में ओपन हुआ, हाई कितना हुआ, लो कितना होगा, सारी चीज़ बताता है। एक काम करिए, एक नज़र डालते जाइएगा कंपनी के नेम पे, तब हम बात करते हैं। ये देखिए कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, BPCL, SBIN, पावर ग्रिड, ICICI बैंक, UPL यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड करके है, ये खास करके ये केमिकल उसमें डील करता है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कुछ ये फर्टिलाइजर वगैरह जो होती है ना ये सब बनाते हैं। भारतीय एयरटेल, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ध्यान से देखते जाइएगा, किसी और को दिमाग में नहीं रखना। अभी थोड़ा देर के लिए देखो कि 50 कंपनी के लिस्ट में कौन कौन आ रहा है। ठीक है, IOC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सिप्ला, नाम सुना है, LNT, लार्सन ट्यूब्रो, देखते हो कभी कभी मेट्रो वगैरह का या इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह का काम जो हो रहे होते हैं वहाँ पे आपको LNT का बोर्ड लगा होता है, ये खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी कि किसी कंस्ट्रक्शन वगैरह में डील करता है। ये बजाज फिनांस, ये तो कितने बार नाम ले चुका हूँ मैं इसका, मारुति शायद नहीं सुना होगा आप लोगों ने, टेक महिंद्रा, HDFC, HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, आइसा मोटर, टाटा मोटर, अभी भी टाटा मोटर है इसमें। अभी टाटा मोटर जो हम बात कर रहे थे ना पीछे जो निकाला गया वो सेंसेक्स में से निकाला गया, यानी कि अभी आपको सेंसेक्स में और इसमें डिफरेंस नज़र आएगा। एक टाइम जैसे एक हफ्ते पहले तक अगर आप चेक करते तो सेंसेक्स में जितने 30 कंपनी है वो 100% 30 कंपनी इधर है। समझ में आ गया, जैसे अभी मैं सेंसेक्स का भी अगर आपको दिखाता हूँ, लेकिन सेंसेक्स में से टाटा मोटर को निकाला गया है 3-4 दिन, ये फ्राइडे को, एक हफ्ते हुए, टाटा मोटर को निकाला गया है, एस बैंक को निकाला गया है, और उसके बाद वेदांता को निकाला गया, तीन स्टॉक को निकाले गए हैं और उसमें तीन स्टॉक आए हैं। उसमें से जो तीन स्टॉक आए हैं वो है, एक नेस्ले इंडिया, नेस्ले आया है, एक आया है नेस्ले, भूल गया तो क्या जाता है जाके देख लेंगे। ठीक है जी, एस बैंक, वेदांता, टाटा मोटर, तीन को निकाला सेंसेक्स में से, तीन को डाला, उसमें से एक नेस्ले आ गया, एक कौन आ गया पता नहीं कौन आ गया। चलो वापस आते हैं, बजाज फिनसर्व, ये उसी का है, बजाज फिनसर्व बाप है, ये बेटे हैं, कौन, HDFC फाइनेंस, ये सब्सिडियरी है। ठीक है, ये सब्सिडियरी है बजाज फिनेंस, ये होल्डिंग है बजाज फिनसर्व, दोनों आपको सेम चलेगा। अगर बजाज फिनसर्व खरीद रहे हो इसका मतलब बजाज फिनेंस तो अपने आप आ गए आपके पास, 60% बिजनेस आपका बजाज फिनेंस आ गए, 40% कोई और आएगा आपका। ठीक है, चलो वापस आते हैं, जैसे बजाज ऑटो भी आएगा इसमें, किसमें, बजाज फिनसर्व वाले में, तो आइए सन फार्मा, वेदांता, ये अभी भी इसमें है, उसमें से निकल चुका है, किसमें से, सेंसेक्स में से निकल चुका है, डॉक्टर रेड्डी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, HDFC बैंक, बजाज ऑटो, TCS, ग्रासिम, NTPC, गेल, सुना है क्या, गैस अथॉरिटी, हाँ जी, CMA वाले को बस ज़्यादा नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि CMA वगैरह के, CMA, PSU जितने हैं ना, IOC, HPCL, इट्स गेल, इन सबको ज़्यादा अपॉइंटमेंट देते हैं, कौन, ये सारे गवर्नमेंट कंपनी जो है CMA वाले को ज़्यादा हायर करते हैं। टाटा मोटर, सॉरी हीरो मोटर, एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया, ये तो पहले से ही था, इसमें तो पहले से ही था, आईबुल को हटाया है तो मैंने तो न्यूज़ देखा था किसी और का, चलो को हो सकता है, जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड, ITC, इसका नाम सुना है, कैसे सुना, आशीर्वाद, गुड, और आशीर्वाद आटा जो खाते हो, ITC का ही तो है, क्लासमेट, क्लासमेट यूज़ करते हो, इतने पैसे वाले हो आप लोग,
फिर तो डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए था। चलो बचपन में करते थे, अच्छा वापस आ जाओ। हाँ जी और बोलो। सनफिस्ट बिस्किट खाते हो ना, सनफिस्ट इसी का है। और होटल साइट इसी का, टोबैको, यही तो नाम, ये तो पहले आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसका जो ITC का 60% रेवेन्यू वो कहाँ से है, टोबैको से, याद रखिएगा। कौन सी एक दो ब्रांड बता देना। गोल्ड फ्लैग, विल्स भी है शायद, कुछ विल्स है, पिछले बैच में तो बोला था। अब मैं नहीं स्मोक करता तो मुझे नहीं मालूम। हिंदुस्तान यूनिलीवर, यस को तो, ये तो आपको पता ही है। ITC दो चीज़ में डील करता है, FMCG एंड फिर कुछ जो हो गया वो टोबैको वाले, दो चीज़ों को मर्ज करोगे तो ITC होगा। ये भी एक अच्छे ब्रांड के नाम पे आता है। ONGC, अदानी पोर्ट्स, ये नहीं सुना होगा, अदानी, अदानी अंबानी नहीं सुनते रहते हो, वही अदानी है ये। अदानी पोर्ट्स हिंडाल्को मेटल में डील करता है, JSW स्टील, अल्ट्रा सेमको, ये सीमेंट, अल्ट्रा टेक सीमेंट नहीं सुन देखते हो, बिरला ग्रुप का, टाइटन, ये तो खूब सुना होगा, कोटक महिंद्रा बैंक, ब्रिटानिया, इंफ्राटेल, विप्रो, एस बैंक। इसमें से मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ध्यान से सुनने रहे हो, मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स में से गया। चलो ना दिखाता हूँ सेंसेक्स में, आइए वापस। अब थोड़ा देर के लिए हम लोग सेंसेक्स पे भी चलते हैं। ये रहा, मैंने सेंसेक्स पे क्लिक कर दिया, मुझे 30 कंपनी का लिस्ट आ गया। यानी कि इधर देखो 50 कंपनी का ग्रुप बनाया और नाम रख दिया। इधर देखो BSE में कितने कंपनी लिस्टेड है, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 30, याद रखना। और कंपनी यहाँ तो 5,000 है, समझ में आ गए। लेकिन उस 5,000 कंपनी में से 30 कंपनी का ग्रुप बनाया, सिर्फ 30, याद रखना सिर्फ 30। और उस 30 कंपनी का नाम क्या रख दिया, सेंसेक्स। वैसे फुल फॉर्म क्या है इसका, S&P, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर। और सिर्फ S&P बोला जाएगा तो फिर वो ग्लोबल, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बन जाएगा। S&P 500 जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500। ये कि एक बार मैंने फॉरेन एक्सचेंज में इसका डिस्कशन किया था। और S&P सेंसेक्स बोलेगा तो फिर यहाँ का बन जाएगा, S&P 500 बोलेगा तो वहाँ बन जाएगा। तो इसलिए S&P से मत कन्फ्यूज होना आप। ये एक रेटिंग एजेंसी हुआ करते थे जो बार बार इसके जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे। चलो वापस आते, देखिए हमारे पास 30 कंपनी का लिस्ट आ गया। मैं इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। ये रहा अल्फाबेटिक व्यू में, मैंने यहाँ पे, अरे आ जाना, नखरेबाजी ज़्यादा करता है। ये रहा अल्फाबेटिक व्यू में, हमने डाल दिया। तो सबसे पहले आ गया आपका एशियन पेंट, उधर था या नहीं था, नहीं था। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी मैं कहाँ गया, निफ्टी 50 इधर निकल के आया था क्या, इसको मैंने कर दिया क्लोज। इसको मैंने, एक काम करते, इसको भी ना अल्फाबेटिक व्यूज में मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, लो यहाँ पे क्लिक, हाँ आ गया। ये देखो अदानी पोर्ट्स, और दूसरा क्या है इसके बाद, एशियन पेंट है ना, उधर क्या था, एशियन पेंट, देखते जाइएगा। एक्सिस बैंक है उधर, है ना, इधर भी। ये क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा तू इधर कर देना, हाँ जी अगल बगल में, हाँ जी एक्सिस बैंक, ओके जी। अब उसके बाद बजाज ऑटो था, बजाज फिनेंस, ये नहीं था शायद, ये तो था भारतीय एयरटेल, नहीं था निफ्टी में, नहीं था ये, रहा ना भारतीय एयरटेल, BPCL उधर है, नहीं है, SCL टेक था उधर, नहीं था, था HDFC, था HDFC बैंक, दो अलग अलग है, ठीक है। हीरो मोटर, अच्छा नहीं था, हाँ ये नहीं था, ये कहाँ था, ये कहाँ है बताओ, इसको कहाँ बोलते हैं, ये है कहाँ बताओ, हीरो मोटर भी है, ओके। अभी तक याद रखना जो इसमें दिख रहे हैं सारे इसमें दिख रहे हैं आपको, हीरो मोटर, हिंदुस्तान यूनिलीवर था, ICICI बैंक नहीं था, कोई बात नहीं, देख लेते एक बार तसल्ली कर लेते, कहाँ गया ICICI बैंक, ये रहा ICICI बैंक। चलो अब देखते हैं उसके बाद, इंडसइंड बैंक ये भी था, इन्फोसिस ये तो आंख बंद करके था, ITC, कोटक महिंद्रा नहीं था, कहाँ था बताओ, ये कहाँ था, इसको कहते आना क्या, कोटक महिंद्रा बैंक है क्या, है देखो तो कहाँ है ना, आई वापस। LTV था, M&M, ओके, मारुति था, अब कौन रहा, नेस्ले, नेस्ले अभी इधर आया है, NTPC नहीं था, ओके देखते एक बार, ये रहा NTPC, ओके। अब उसके बाद देखो ONGC भी था, पावर ग्रिड, पावर ग्रिड
नहीं था। चलो ये रहा, कहाँ गया? पावर ग्रिड। समझ में आ गए? चलो पावर ग्रिड भी मैच हो गए। अब आते वापस, रिलायंस, SBI, सन फार्मा था या नहीं था? था ना। ये नेस्ले कहाँ गया? अच्छा एक आ गया। ओके 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 ठीक है। सन फार्मा था, टाटा स्टील था। ये देखो ना, टाटा, कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर ऐसे ही था बोल दे रहे हो। ये देखो कहाँ गया, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, सब है। क्यों टेंशन ले रहे हो आप, आओ ना इधर। अच्छा हाँ, इधर टाइटन आया है। नहीं आया इधर, ये रहा ना टाइटन, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। किसमें? एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले ये आया है। एक नेस्ले आया है, एक टाइटन आया है, ये आया है अल्ट्रा से, अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है, ये तीन आया है। तभी नहीं याद आ रहे थे, अब देखने से याद आ गया। नेस्ले, टाइटन और अल्ट्रासेम को, और इसमें से निकाला जो गया था वेदांता, एस बैंक, ठीक है, और टाटा मोटर। देख रहे हो इसमें टाटा मोटर दिख रहा है कहीं पे? अभी नहीं दिख रहा है। और उधर टाटा मोटर है, अभी भी है, बट कोई बात नहीं। यहाँ जो 30 है ना, वो 30 के 30 उधर है, अभी भी ये पूरे 30 उधर है। जैसे आपको नेस्ले इधर लाया गया, लेकिन उसमें नेस्ले पहले से था। समझ में आ गए? टाइटन अभी सेंसेक्स में अभी आया है, टाइटन उसमें पहले भी था। जैसे इसमें से वेदांता निकाला गया है, तो वेदांता भी उसमें था। समझ में आया कुछ? जैसे एस बैंक इसमें से निकाला गया, तो जैसे पहले एस बैंक भी था, तो पहले एस बैंक उधर भी था। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये 30 कंपनी अभी हम देख रहे हैं, वो 30 कंपनी अभी भी उधर है। मुझे लग रहा था कुछ चेंज हो गया होगा। नहीं, जिस जिस कंपनी को इधर लाया गया है, वो सारे कंपनी निफ्टी के अंदर पहले से है। समझ में आ गए? चलो वापस आइए। टाटा स्टील देख ले, TCS भी था, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, वो तो पहले से ही था उधर, अभी तो बताया था ना अल्ट्राटेक सीमेंट। ये देखो ना अल्ट्रासेम को, कहाँ गए? अल्ट्रासेम को दिख रही है। अब आइए वापस, अल्ट्रासेम को बस हो गए। ट्रेड कम होने से नहीं हट जाता है, भरोसा कम होने लग जाता है, हट जाता है। वो भी हटेगा, टेंशन मत लो ना आप, ठीक है। सेंसेक्स में भी फेरबदल कर दिया ना, एस बैंक को सेंसेक्स तो निकाल दिए, अब बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा उधर से भी निकलने का, किधर, निफ्टी से भी। जब निफ्टी से अब वो निकलेगा, तो कोई और आएगा वहां पे। अब आप सोचिए ध्यान से, यहां देखिए, जो 30 कंपनी आपने अभी देखा है, किसके अंदर? सेंसेक्स के अंदर। वो 30 के 30 इधर है, और 20 और एक्स्ट्रा भी है। ध्यान से देखो, 30 कंपनी जो सेंसेक्स में है, वो 30 के 30 निफ्टी में भी है, और 20 फिर आपका इधर एक्स्ट्रा भी है। और वो जो 20 एक्स्ट्रा है, उसका कुछ औकात ही नहीं है। बोलोगे औकात क्यों नहीं? अभी जब हम रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, तो वहां से आपको समझ आ जाएगा। तो आइए वापस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 1900 कंपनी में से 50 का लिस्ट ग्रुप बनाया और उसका नाम रख दिया निफ्टी 50, और अगर इसमें से 5000 में से 30 कंपनी को सिलेक्ट किया, उसका नाम रख दिया S&P सेंसेक्स। अब ये बनाने की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ग्रुप बनाया गया? चलिए अब इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, देखो जैसे मान लीजिए हमें यहाँ क्लास का परफॉर्मेंस मेजर करना है, मैं क्या करूँगा, हर दिन क्लास के बाद सबसे फीडबैक लेता रहूँगा। अच्छा आज बताओ क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, मैंने जो पढ़ाया सही से पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अगर ये सब पूछने लग जाए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और हो सकता है ये प्रोसेस बहुत बार हम कर भी ना पाए। और मान लीजिए हर से पूछने लग जाए, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, फिर अगले दिन आता है फिर अगले दिन नहीं आता है, सोते रहते हैं, लेट आते रहते हैं, पहले जाते रहते हैं। अब उन सब की वजह से हमारा परफॉर्मेंस जो वो सही से दे नहीं पाएगा। समझ में आ गया? तो वो होगा क्या होगा, हमारे परफॉर्मेंस को बेकार करेगा, मतलब वो फीडबैक को बेकार करेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे स्टूडेंट को क्या करते हैं, फीडबैक में रखते हैं, मतलब एक ग्रुप बना देते हैं। 5 स्टूडेंट का या 10 स्टूडेंट का हमने ग्रुप बना दिया। अब वो 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्लास में हर दिन आते हैं, हर दिन आते हैं क्लास में, हर दिन आते, वो हमने 10 स्टूडेंट को रख लिया। अब उसमें से अब हम क्या कर रहे हैं, उस जाने से पहले उस 10 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट को कहते हैं हर दिन फीडबैक दे के चले जाओ। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, सारे स्टूडेंट को मैंने नहीं रखा, सारे स्टूडेंट से मैंने फीडबैक नहीं लिया, वो 5 स्टूडेंट से मैंने हर दिन फीडबैक लेते जा रहा हूँ, और मैं उनके समझता हूँ कि मैंने आज जो बताया वो समझ आया नहीं आया। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे को क्लास का परफॉर्मेंस पता चलता रहेगा। एग्जैक्टली वही सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाया, कहते हैं कि देखो 5000 कंपनी के स्टॉक को देख के हम स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उस 5000 में से 2000 में कभी ट्रेड ही नहीं होता होगा। उसको देख के हम क्या बोलेंगे कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, हमारा इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, हमारा इकोनॉमी बुरा कर रहा है। बताइए आप मुझे, जो कभी मार्केट में ट्रेड ही नहीं होता है, बहुत कम वॉल्यूम में ट्रेड होता है, क्या वो हमारे को सही फिगर दे पाएगा? नहीं। उसने बोला जो एक्टिव है उससे हम डिसाइड करेंगे, ठीक
ठीक है, तो बोलोगे एक्टिव तो 1000 भी होगा, कहते हैं हाँ 1000 होगा, लेकिन मार्केट कैप उन लोगों का इतना छोटा छोटा है कि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अगर 30 कंपनी को रख ले तो हम इसका परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, एक सैंपल साइज बनाया, 5000 में से कितने सैंपल उठाए इसने, 30। निफ्टी वालों ने, सेंसेक्स एनएससी वालों ने कितना सैंपल साइज उठाया, 50। वो बाद में बनाया अपना, बाद में 50 रख लिया, ये पहले बना हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1985 में, किसका, सेंसेक्स का, सेंसेक्स का जन्म 1985 में हुआ था, बहुत पहले। उस टाइम लोगों को लगा कि सैंपल साइज हमारा 30 ठीक है, तो आज भी वो सैंपल साइज हमारा चलता जा रहा है। तो 30 कंपनी का ग्रुप बना दिया, और अब इसने क्या बोला देखिए कि कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब हम मेजरमेंट पे आ जाते हैं, फिर हम उसको फिर दोबारा वापस आएंगे जी, किस पे, निफ्टी सेंसेक्स पे दोबारा आएंगे। मेजरमेंट पे हमने थोड़ा सा बहस कर लिया था पीछे, दोबारा अब हम बात करते हैं, देखिए कैसे मेजरमेंट होता है। ये क्या हो गया, दिल से समझ लीजिएगा इसको, आगे बहुत काम आएगा ये। इसका डिविडेंड वगैरह का एडजस्टमेंट में लॉजिक नहीं निकल पा रहा होता है, 100 में से 90 को लॉजिक नहीं पता होता है कि निफ्टी में कैसे डिविडेंड का एडजस्टमेंट होता है। अभी से अगर दिल से समझे रहोगे तो आगे आपको सारे समझ आएगा। ये देखिए मैं मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स कैसे मेजर किया जाता है। जैसे आज के रेट पर अगर आप देखने जाते हो तो देखिए सेंसेक्स कितने का चल रहा है, सेंसेक्स 41,500 का चल रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू में इग्नोर कर रहा हूँ, 41,500 का चल रहा है हमारा सेंसेक्स। निफ्टी कितने का चल रहा है, देखो निफ्टी टॉप में दिख रहा होगा हमारा कहीं पे, ये रहा निफ्टी चल रहा है, नहीं दिखा रहा है, पागल है क्या है, कहाँ दे रहा है, टॉप में भी तो आना चाहिए था यहाँ पे, ये रहा कितना चल रहा है, देखो 12,250 मोटा मोटा, ठीक है 12,350 बस जाए जिस टाइम, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, इस बार बेचना तो है ही, वापस आते हैं 12,250 और उधर कितना 41,500, ये क्या है ये, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, वो तो 30 कंपनी का ग्रुप है, तो 50 कंपनी का ग्रुप है, इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, कौन ऊपर भी जाते होंगे नीचे, वो तो सेंसेक्स भी ऊपर और नीचे जाते होंगे, 30 कंपनी की फ्लक्चुएशन, ये फ्लक्चुएशन को मैंने कहाँ बात किया, मैं तो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये 12,000 है और वो 41,000 है, वो 41,000 है, ये 12,000 है, ये देखो ना ये 30 है, 30 कंपनी का ग्रुप है ये, 30 कंपनी का ग्रुप है ये, 41,000 पे चल रहा है 30 कंपनी के ग्रुप का वैल्यू, और 50 कंपनी तो ज्यादा हुआ जबकि वो पूरे के पूरे 30 इसके अंदर है ना, तो ये क्या हो गया 12,000 चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये नया है वो पुराना है, तो नए पुराने से पॉइंट में कैसे फर्क गया, बेस पे भी डिपेंड करता है, तो बेस में बता दो, इसका बेस 1,000 है, उसका बेस 100 है, इसका बेस 1,000 है, इसका बेस 100 है, यानी कि इसको कैसे समझोगे, देखिए मैं डिफरेंस तो पूछा ही नहीं है, मैंने तो ये पूछा है 12 और 41 का रीजन दीजिए, 12,000 और 41,000 का रीजन दीजिए, 10 CA में से 6 CA इसका आंसर नहीं दे पाएगा आपको, 4 दे देगा आंसर, समझ में आएगा, उसमें से एक मेरा भी होगा, वापस आइएगा। हाँ जी वो सारे आपको आंसर मिल जाएगा थोड़ा देर के बाद, बस एक से मेजरमेंट को पहले समझिए, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो 41,000 क्या कह रहा है और ये 12,000 क्या कह रहा है, फिर चेंज क्या कहता है, कैसे मेजरमेंट होते हैं, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए हमने एक इंडेक्स बनाया, एक इंडेक्स का जन्म दे रहा है, दे रहे हम लोग, उस इंडेक्स का कोई भी नाम रख दीजिए, हमने इधर जो नाम दिया होगा वही नाम इधर भी रख लेते हैं, ठीक है जी, हमने इधर जो नाम दे रखा है आपको, क्या नाम दिया है जी, इधर एक इंडेक्स हमने बनाया होगा, मान लीजिए हमने एक ABC इंडेक्स रखा, इंडेक्स 5, नेम ऑफ द इंडेक्स 5, ABC 5, चलो एक इंडेक्स का नाम रखते ABC 5, मतलब क्या हुआ बताइए, ABC 5 यानी कि 5 कंपनी का हमने एक इंडेक्स बना दिया, ठीक है फटाफट ये देखो 5 कंपनी का इंडेक्स जो है ये रहा हमारा, बन गया ये रहा ABCDE, 5 कंपनी हो गए ये, जितने भी आज के रेट पे जो इंडेक्स का मेजरमेंट किया जाता है वो फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू पे, इन इंडिया इंडेक्स पॉइंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैप, ये पता है
जो शेयर पब्लिक होल्ड करता है उसका जो मार्केट वैल्यू है उसके बेसिस पे इंडेक्स यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो यही मैंने बोला है, इसीलिए मैंने कल जो है ना आपको लिस्ट दिया था कौन सी कंपनी का, कुछ 12-13 कंपनी जो थे जिसका मार्केट कैप कितना था, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, मुझे फुल से मतलब नहीं था, फ्री फ्लोट की बात कर रहे थे। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो था आपका 1 लाख करोड़ से ऊपर वाले का मैंने एक लिस्ट दिया था, तो जिसको 1 ट्रिलियन भी कह सकते हो आप। तो मार्केट कैप ऑफ ग्रुप कंपनीज विच फॉर्म इंडेक्स, वो ग्रुप कंपनी जिससे इंडेक्स बना है उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैप से हमारा इंडेक्स का मेजरमेंट चलता है। ये 2009 के बाद यही ट्रीटमेंट चल रहा है, 2009 से पहले फुल मार्केट कैप चलता था, 2009 के बाद जो है ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप चल रहा है। यानी कि पिछले 10 साल से जो ये कैलकुलेशन चल रहा है वो प्रोमोटर होल्डिंग को हटा के, इसलिए क्योंकि कहते हैं प्रोमोटर का होल्डिंग मार्केट में ट्रेड नहीं होता है। याद रखिएगा, आज अगर मुकेश अंबानी आके और चुपके से शेयर बेच दे वो नहीं बेच सकता है। जैसे होते हैं ना, मान लीजिए मुकेश अंबानी को पैसे चाहिए, वो क्या करते हैं, आते हैं मार्केट में और वो उसने भी क्या कर दिया, अपना शेयर होल्डिंग सारे बेच दिए और उसके पास पैसे आ गए, क्या ऐसा कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो बोलोगे बेचना होगा तो पहले एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो, एक्सचेंज आपको बताएगा कि देखो ये प्रोमोटर बेच रहा है, अब आप डिसाइड कर लो क्यों बेच रहा है, आप रीजन ढूंढ लो, उसके दिन अगले दिन 5-10% स्टॉक टूटेगा। क्यों टूटेगा बताओ? उस पर भरोसा कम होगा। जब प्रोमोटर कंपनी से एग्जिट करता है तो लोगों को लगता है कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, कि वो अपना पैसा निकाल के और हमारे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सब बात होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं, ऊपर से सप्लाई बढ़ जाता है। सप्लाई कैसे बढ़ेगा, जो शेयर मार्केट में नहीं था वो मार्केट में आना शुरू हो गया। अब कैसे, प्रोमोटर होल्ड करके बैठा है, मान लीजिए 47% शेयर लेके बैठा है कौन, अंबानी, 5% अपना होल्डिंग वो एग्जिट कर मतलब निकालना चाह रहा है, तो क्या जो मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा था वो क्या शेयर मार्केट में सप्लाई बन के आया? सप्लाई, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, शेयर प्राइस क्या होगा, गिरेगा। तो जब भी प्रोमोटर शेयर बेचते हैं तो पहले इन्फॉर्म किया जाता है और उसके गैप डाउन होगा ओपनिंग उस दिन उसका। चलो वापस आते हैं, ऐसे नहीं चुपके से बेच सकता है वो। तो इसीलिए आज के रेट पर प्रोमोटर का शेयर से ट्रेड नहीं होता है, इसलिए प्रोमोटर को यूज नहीं किया जाता है हमारे इंडेक्स के मेजरमेंट में। लेट अस फॉर्म वन इंडेक्स टू अंडरस्टैंड इंटायर कॉन्सेप्ट, हम सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये हम एक इंडेक्स बना रहे। इंडेक्स फॉर्मेशन का डेट हमने 1 जनवरी ले लिया, इंडेक्स का नाम हो गया है निफ्टी 50 इंडे ABC 5, यहाँ 5 नहीं, हमने अपने अपने तरफ से ABC 5 डाल दिया। अब देखो फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैसे आएगा, थोड़ा जल्दी बताइए। नंबर ऑफ शेयर होना चाहिए और मार्केट प्राइस होना चाहिए। क्या मार्केट प्राइस हर सेकंड बदलता है? तो हर सेकंड बदलेगा तो मार्केट कैप भी क्या होगा उसका, हर सेकंड बदलेगा। हमने क्या लिया देखो ध्यान से, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय पब्लिक, एक में 10,000 शेयर है, एक में 50,000 शेयर है, एक में 1 लाख शेयर है, एक में 25,000 है, एक में 50,000 है, सबका प्राइस मैंने दे दिया। इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप आ गया FF मार्केट कैप 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 50,000, टोटल कितना आ गया बताइए, 62,50,000। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे सारे के सारे प्राइस होल नंबर लिया, क्या प्राइस फ्रैक्शन में जाएगा, क्या प्राइस फ्रैक्शन में जाएगा, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप फ्रैक्शन में जाएगा, क्या आप इस फ्री फ्लोट मार्केट कैप को याद रख पाओगे, ये जो 62,50,278.36 आएगा तो याद रख पाओगे इसको। इसीलिए इंडेक्स को मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, हम सिंप्लीफाइड वैल्यू को असाइन करते हैं। सिंप्लीफाइड वैल्यू असाइन करने का मतलब क्या हो गया, देखो ये 62,50,000 मान लीजिए फ्रैक्शनल वैल्यू होता तो इसको याद रखना मुश्किल होता, लेकिन यही अगर 1,000 के आसपास का वैल्यू हो जाए तो याद रखना थोड़ा सा क्या होगा, वो आसान हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं, यानी कि छोटा डिजिट होगा तो उसको याद रखना आसान हो जाएगा, बहुत बड़े वैल्यू फ्रैक्शन में जाते हैं तो उसको याद रखना मुश्किल होता है। इसलिए हर एक इंडेक्स को सिंप्लीफाइड वैल्यू अज्यूम किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेस पॉइंट, समझ में आ गया। और वो कब डिसाइड किया जाता है, जन्म के दिन पे, इसका जन्म हुआ इस इंडेक्स का 1 जनवरी को, इसी दिन हमने डिसाइड कर लिया कि मान लीजिए हमने बेस पॉइंट अज्यूम कर लिया, देखो अज्यूम सिंप्लीफाइड बेस वैल्यू 1,000, इट इंडिकेट्स 62,50,000 FF मार्केट कैप। मतलब क्या हुआ, जो हमने अभी एक एबीसी 5 बनाया जिसका आज के रेट पे, यानी कि जिस दिन बनाया गया 1 जनवरी 2019 को, उस दिन इसका वैल्यू कितना था बताइए, 62,50,000 मान लीजिए हमने इसको वैल्यू अज्यूम करके दे दिया कितना, 1,000। अब ये क्या मतलब होता है देखिएगा, जैसे बहुत बार देखते हो किसी ये किसी दुकानदार के पास चले जाना, कपड़े वगैरह के दुकान पे देखना वो क्या कर रहे रहते हैं, वो कोड डाले रहते हैं, हर एक वैल्यू का उन लोगों का कोड होता है अलग होते हैं ना। अब एक एक चीज़ों को मान लीजिए कोई प्राइस है, उस प्राइस का एक कोड बनाया, उस कोड के हिसाब से क्या होता है, वो प्राइस डिसाइड करते हैं, अच्छा ये कोड है तो इसका मतलब ये है तो ये हो गया। एग्जैक्टली वही क्या हो गया, 62,50,000 का एक कोड बना दिया हमने, वो क्या हो गया बताइए, 1,000। अब कहते हैं 1,000 का मतलब आप समझना क्या है, 62,50,000, समझ में आ गए। अब अगले दिन क्या होता है देखो, 2 जनवरी को हम चलते, 2 जनवरी को क्या प्राइस, नंबर ऑफ शेयर तो वही रहेगा अभी,
प्राइस क्या हो गया होगा, अप एंड डाउन हो गया होगा। मान लीजिए हमने सेकंड को क्या जूम किया, देखिए ध्यान से, कि ए स्टॉक का प्राइस था 5% ऊपर गया, 4% ऊपर गया बी का स्टॉक का प्राइस, और बाकी सब जो है देखो 3 स्टॉक नीचे गया। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने फ्री फ्लोट मार्केट कैप लिया था, देखना है इसमें सबसे बड़ा कंपनी कौन दिख रहा था आपको, देख लो ध्यान से। फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो हमने लिया था अभी, एक का 25 था, एक का 20 था, एक का 2.5, एक का 5, एक का 10, देखा जाए तो सिर्फ पहला ही दो कंपनी जो ए और बी, इसका 45 लाख है, और बाकी का 3 देखो आप 17 लाख है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ए कंपनी का वेटेज ये सी डी ई तीनों से ज्यादा है। सही कह रहे हैं, ध्यान ही नहीं कुछ लोगों का, और जिसका ध्यान नहीं वो रोओगे कहाँ पे, डेरिवेटिव चैप्टर में। और वैसे भी क्वेश्चन में भी सर एग्जाम में 20-20, 25-25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और डेरिवेटिव का नाम सुनते ही बुखार आता है अभी भी, चाहे 25,000 क्यों ना दे दो आप, बुखार अभी भी आता है। समझ में आ गई बात? चलो वापस आते हैं, कहाँ थे हम लोग, ए स्टॉक पे। ध्यान से देखिए, ए स्टॉक का मार्केट कैप कितना है, 20 लाख, और सी डी ई तीनों को मिलाओ तो कितना है, 17 लाख। मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये तीन कंपनी 5-5% डाउन चला जाए, और ये एक कंपनी 5% ऊपर चला जाए, अभी भी नेट में पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, मैंने यहां क्या किया है, देखो तीन कंपनी को नीचे किया है और दो हाई वैल्यू वाले को ऊपर कर दिया है, आप मुझे बताओ नेट इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो 62,50,000 का वैल्यू कहां पहुंच गया, 63,45,000, कितना बढ़ा जी महापुरुष, बताएंगे आगे से, आप बताइए कितना बढ़ रहा है ये वैल्यू, कौन सी, अभी कितना था 1 जनवरी का वैल्यू, 1 जनवरी का वैल्यू कितना था, 62,50,000। 2 जनवरी का वैल्यू कितना पहुंचा, 63,45,000, कितना से बढ़ा, 95,000 से बढ़ा। ओके तो ये देखो, ये जो 95,000 बढ़ा है वो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होता है, 62,50,000 का, देखनी है निकालिए। ये पहुंच गया हमारा 63,45,000 का। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये इंडेक्स पॉइंट कितने को इंडिकेट करेगा। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, देखो कैसे। हम कहते देखो 62,50,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1,000 को, तो 63,45,000 होगा। तो ये जब बढ़ा, मार्केट कैप अगर बढ़ा, तो क्या हमारा पॉइंट नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो प्रोपोर्शनेटली उसी रेशियो में बढ़ेगा। बताइए कितना होगा, 62,50,000 मल्टीप्लाई बाय 63,45,000, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए कितना आ रहा है, 101, पहले ये बताओ ना आप, 15.20। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, पिछले दिन जो हमारा इंडेक्स का पॉइंट था 1,000, वो आज हो गया 1,015.25। कितने से इंक्रीमेंट आया, हम बोलेंगे 15.20 पॉइंट से। ये याद रखना, रुपी नहीं है ये, क्योंकि ये पॉइंट्स में मेजर किया जा रहा है, ये 1,000 रुपी नहीं था, वो 62,50,000 रुपी को 1,000 रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 1,000 पॉइंट्स बोलते। इसीलिए इंडेक्स को जब कभी भी मेजर करोगे तो इंडेक्स पॉइंट्स बोलोगे आप। तो निफ्टी का पॉइंट्स जो है वो 1,000 से जन्म हुआ, जो कि 1,000 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता था 62,50,000 को। वो अब 62,50,000 का मार्केट कैप अगर 63,45,000 पे पहुंच गया, इसका मतलब निफ्टी का जो 1,000 पॉइंट्स है वो इंक्रीज होके कहाँ जाना चाहिए, 1,015.20 पे। ये जो 15.520 जो इंक्रीमेंट है वो ये बताता है कि इतने, अब उसको देखो पॉइंट से आपको कोई फीलिंग नहीं आएगा, अगर फीलिंग लेना है अगर एनालिसिस के लिए, तो आप परसेंटेज निकालिए, कितने परसेंट का मूव अप मूवमेंट है बताइए, 1.52%। अब लोगों को क्या बोल सकते हो कि देखो पिछले दिन के रेस्पेक्ट में, देखो हमें ये नहीं मालूम था, ये हमें नहीं मालूम है कि कितना था। मान लीजिए आज हमें बैकएंड पे जिसने इस चीजों को मैनेज कर रहा है उनको तो मालूम होगा, मैनेज करने वाले लोग मुझे बताता है कि देखो आज जो है ना ये ABC5 इंडेक्स जो है वो 15 पॉइंट से बढ़ गया, जो कि 1.52% है। तो हमें क्या समझ आ रहा है, ये 1.52% का इंक्रीमेंट है, कोई समझा सकते क्या मतलब है इसका। अरे ये देखो मैंने यहीं पे निकाल दिया ना 1.5, दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप कितना परसेंट से बढ़ा ये देख लीजिए और तब उसके बाद इंडेक्स पॉइंट में ऐड कर दो, या एक और तरीका ये है कि देखो 62,50,000 का मतलब 1,000 था, तो 63,45,000 का मतलब क्या होगा। समझ में आ गया, दोनों में से कैसे भी करिए, प्रोपोर्शनेट करिए, परसेंटेज बढ़ा के करिए। मैं कह रहा हूँ ये 1.52% क्या इंक्रीज,
ये 1.52% से हमारा ABC5 का, ABC5 जो हमने बनाया ना अभी, हमने जो ABC5 इंडेक्स बनाया वो 1000 पॉइंट से 1.52% से बढ़ गया। ये लोगों को बताना होगा तो कैसे बताओगे, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मतलब है इसका 1.52% इंक्रीज होना। जैसे ये देखो, यहां देखो आप, सेंसेक्स कितने से बढ़ा हुआ है, 1% से। बताइए 1% क्या बता रहा है, पता नहीं क्या करते, सारा कैलकुलेशन सामने और बोल नहीं पा रहे। वन मैं कह रहा हूं कि अब आप मुझे बताओ, ये 30 कंपनी का मार्केट कैप कितना है, पता है आपको, पता है आपको, नहीं मालूम है तो आप मुझे बताइए, आपको तो बस इतना ही पता चलेगा ना कि सेंसेक्स जो है 1% ऊपर गया है, कहां से, पिछले दिन के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात। मैं कहता हूं मैं निफ्टी पे चला गया, निफ्टी में मैंने देखा कि यह भी मोटा मोटा 1% ऊपर गया है, ध्यान से देखिए, यह भी मोटा मोटा 1% ऊपर गया है ना। मुझे निफ्टी नहीं पता कि निफ्टी के 50 कंपनी का मार्केट कैप कितना है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे बस इतना मालूम है कि एक दिन पहले जितना निफ्टी था और आज जितना निफ्टी है उसमें 1% का आप मूवमेंट है। ध्यान से देखिए, यहां पॉइंट में 119 मूवमेंट है, यहां पॉइंट में देखो 411 मूवमेंट है। क्या फर्क पड़ता है 411, 41,000 का सामान 400 से बढ़ जाए, या मैं कहता हूं 12,000 का सामान 120 से बढ़ जाए, दोनों का मतलब एक है, क्योंकि यहां भी देखो कितने का इंक्रीमेंट है, 1%, यहां भी कितने का मूवमेंट है, 1%, दोनों तरफ 1% अप है, इसका मतलब समझाइए कोई मुझे। हाँ क्या बताइए, ये 1% बढ़ने का मतलब समझाइए। एक ही को पता है, शर्म करिए, कैलकुलेशन आपके सामने पड़ा हुआ है। 62 लाख का मार्केट कैप हमारा 63,45,000 पे पहुंच गया, ये इंडिकेट करता है हमारा 1.52% का इंक्रीमेंट। इसका मतलब 1000 का पॉइंट अगर 1015 पे पहुंच गया तो इसका क्या मतलब है, ये आपको नहीं पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, वापस आइए। ये कह रहा है 1% का इंक्रीमेंट कि देखिए 30 कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप था एक दिन पहले, उसमें 1% का ओवरऑल में अप मूवमेंट आया है। समझ में आ गई बात। जैसे हमने यहाँ पे अभी जो दिखाया, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता है कि 63,45,000 कहाँ से आ गया। अरे अगले दिन किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा, किसी कंपनी का शेयर प्राइस घटा। देखो पहले हुआ करता था 10 रुपये का प्राइस, आज कितने का हो गया, 9 रुपये 50 पैसे का। तो पहले हुआ करता था 10 लाख का मार्केट वैल्यू, आज हो गए 9,50,000 का। इसमें पहले हुआ करता था 200 रुपये का शेयर तो 20 लाख का मार्केट कैप था, इसमें आ गए 210 रुपये, यानी कि 5% से शेयर का प्राइस बढ़ गया तो 21 लाख हो गए। किसी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा, किसी कंपनी का मार्केट कैप घटा, ओवरऑल में जो ग्रुप कंपनी का मार्केट कैप है वो हमारा 1.52% से बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गए कि अगर ओवरऑल मार्केट कैप अगर 1.52% से बढ़ेगा तो उस इंडेक्स का पॉइंट जो होगा वो ओवरऑल 1.52% से बढ़ेगा, क्योंकि हमें इतना मालूम है, अगर 1000 में 100 रुपया बढ़ना या 100 में 10 रुपया बढ़ना या 10 में 1 रुपया बढ़ना, तीनों का मतलब एक होता है। यानी कि 62,50,000 को बढ़ा के 63,45,000 करना, या 1,000 को बढ़ा के 1015.2 करना, दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि निफ्टी 50 का जो मार्केट कैप होगा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट कैप होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख करोड़ का जाता है। अब 50 लाख करोड़ को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लोग उसने सिंप्लीफाई करके क्या कर रखा है, एक पॉइंट बना रखा है, जो पॉइंट आज के रेट पे कितना चल रहा है, 12,000। जन्म कब हुआ था उसका, अब आप आइए वापस, यह समझ आ गए बेस पॉइंट, नहीं समझ आया, ये 1000 समझ आया, ये 1000 तो अज्यूम किया गया था, क्यों अज्यूम किया गया था, एक छोटा सा छोटा वैल्यू रहेगा तो याद रखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर दिया, बोलता 1000 हूं, रिप्रेजेंट किसको करता है, 62,50,000 को। अब ये 1000 बढ़ेगा, 1000 तभी बढ़ेगा जब उसका 62,50 बढ़ेगा, अगर 62,50,000 घटेगा तो 1000 भी क्या होगा आपका, नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इंक्रीमेंट जो होता है वो ग्रुप कंपनी के मार्केट कैप को बढ़ना या घटना बताता है। वापस आते हैं, मैं कह रहा हूं कि सेंसेक्स में तो 30 कंपनी है ना, सेंसेक्स में कितने कंपनी है, 30, तो 30 कंपनी का
मार्केट कैप 1% से बढ़ा तो 50 कंपनी का मार्केट कैप तो किसी और रेशियो भी से बढ़ सकता था या घट सकता था। लेकिन आप देखिएगा मजे की बात क्या है कि ये भी 1% बढ़ा है और वो भी 1% बढ़ा है, जबकि इसमें 50 है और उसमें कितना है 30 है। तो ये जो 0.02% का जो चेंज है ना वो ड्यू टू 20 कंपनी। समझ में आ गई बात। अब आप ध्यान से देखिएगा मार्केट कैप का, मैं थोड़ा सा लिस्ट डाउनलोड करता हूँ ठीक है, तब हम बात करेंगे। ये रहा, आप एक अलग वेबसाइट बना दिया है निफ्टी इंडिसेज, निफ्टी इंडिसेज डॉट कॉम, मैंने यहाँ पे देखा ये लिख दिया मैंने, चलो गूगल पे लिखता हूँ तो देखने में मिलेगा आपको ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ निफ्टी इंडिसेज डॉट कॉम, दिख रहा है आपको, इस पर मैंने क्लिक करिए, अगर जिसको लिखना है लिख लीजिएगा, कभी रिपोर्ट डाउनलोड करना होगा वहाँ से सेकंड में मिल जाएगा। ये देखिए निफ्टी इंडिसेज पे मैंने क्लिक किया, ये कुछ आपका वेबसाइट खुल के आ जाएगा। ये निफ्टी 50 पे पूरा का पूरा रिसर्च करके अपना सारा लिख के रखा हुआ है, खुल जा सिम सिम आ गया। ये देखो इसमें जाके हमने यहाँ पे देखिए कुछ रिपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है रिपोर्ट पे जाके यहाँ पे मंथली रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया ठीक है। रिपोर्ट पे जाके जब मंथली रिपोर्ट पे क्लिक किया तो ये अब आपको डेटा कुछ आपको देगा यहाँ सामने। इसमें कह रहा है कि देखिए इस इंडिसेज का मार्केट कैप वेटेज कितना है, ये सब बताएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज बीटा, जैसे बहुत बार होते हैं आगने वाले टाइम पे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कंपनी वगैरह का बीटा की जरूरत पड़ेगा, तो एनएससी खुद ही आपको बीटा निकाल के देता है इस 50 कंपनी का, बाकी का निकालना है आप खुद निकालिएगा, 50 कंपनी का बीटा निकाल के देता है। अब कुछ लोगों को दिमाग में आएगा बीटा है क्या, ये सब मैं आपको बताऊंगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में, वापस आइएगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये हमारा डाउनलोड हो गए, डाउनलोड होकर हमने क्या कर लिया, ये हमारे पास आ गए, अब इसको हम ओपन करते हैं ठीक है जी। ये हमारे पास डाउनलोड में आ गए, अजा भाई आजा 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 आ गए। ये रहा, मैं इसको क्या करता हूँ निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 100 कंपनी का देता है, क्योंकि दो कंपनी या दो ग्रुप है याद रखे गए, एक है निफ्टी 50 टॉप 50 आ गए और निफ्टी नेक्स्ट 50 दो मार्केट दो इंडिसेज है। ये देखो यहाँ पे आपने देखा था दो इंडिसेज था हमारे पास, एक तो था निफ्टी 50 ब्रॉडर मार्केट में, कहाँ गया भाई, ये रहा निफ्टी 50, और एक था ना यहाँ पे देखो अगला क्या था निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि टॉप 50 को छोड़ के जो टॉप नेक्स्ट 50 है ना वो कितना है निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये दो को मिला दो तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 100 बन जाएगा आपका। तो ये जो अभी मैंने रिपोर्ट डाउनलोड किया इसमें टॉप 100 का बीटा तक मिल जाएगा आपको, यानी कि टॉप 50 और नेक्स्ट 50 कितने कंपनी हो गए 100। इस 100 कंपनी का बीटा भी कभी आपको देखने की जरूरत पड़े तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन करके दे रखा है किसने, एनएससी ने कैलकुलेशन करके दिया है। तो मैंने अभी जो एक्सेल सीट में ओपन किया है ये आपका टॉप 50 का है, यानी कि निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पे डेटा कुछ डाउनलोड किया है। ये आपको पुराना डेटा देता है एक महीने पुराना, क्योंकि अभी जो लास्ट मंथ गया हुआ है आपका नवंबर 19 है, तो नवंबर 19 का डेटा आपको दे रहा है। इसमें कुछ सिक्योरिटी का क्या कहते हैं सिंबल है, फिर सीरियल नंबर है। मैं एक काम करता हूँ, बहुत सारे जो काम की नहीं उसको हम क्या करते हैं हाइड कर देते। ये देखो इस कंपनी के नाम से मुझे जरूरत नहीं, मैंने इसको क्या कर दिया हाइड कर दिया, मुझे कोड काफ़ी है इसके लिए। इंडस्ट्री बताते हैं कौन सी कंपनी किस इंडस्ट्री में है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आपको इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने इसको भी क्या कर दिया हाइड कर दिया। ये बताता है कि इसका इक्विटी कैपिटल कितना है, ये आपको बताते हैं इक्विटी कैपिटल रुपीज़ में कितना है ये बताता है, ये सब भी हम आप देख को जरूरत पड़ेगा देखते रहिएगा, मैंने इसको भी हाइड कर दिया। ये देखिए ये हमारे काम का है, ये क्या कह रहा है बताइए कि देखिए इस हर एक कंपनी जो 50 के अंदर मार्केट कैप कितने का है ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अभी फिलहाल हमारा जो ये वेटेज है बीटा है ये वोलेटिलिटी ये सब मैं बाद में बताऊंगा, ये सारे एक एक कॉलम आपको समझ आएंगे, मैं इस पर एनालिसिस कराऊंगा आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर जो जो जहाँ पे जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। यहाँ देखिए कह रहे कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपीज़ करोड़, ये आपको करोड़ में दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ इसमें फिल्टर लगा के सॉर्टिंग कर देता हूँ, ये मैंने लगा दिया फिल्टर आपके सामने, ये रहा फिल्टर लगा दिया। अब इस फिल्टर में मैंने सॉर्टिंग कर देता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट में तो सबसे पहले तो ये टोटल आ जाएगा। देखिए इस 50 कंपनी का मार्केट कैप क्या है, मैंने बोला था 50 लाख करोड़, ये देखिए 49,71,076.38, इसका मतलब क्या हो गया मैं आपको बता दूं, ये जो आज के रेट पे आपको ये 12,000 समथिंग दिख रहा है ना ये निफ्टी कहाँ गया, ये देखो 12,245 जो है वो आज के डेट पे ये 12,245 का मतलब जो है ये 49,71,076.38 करोड़, ये करोड़ में सारे वैल्यू
ये देखो रुपीज इन करोड़, यानी कि मोटा मोटा क्या बोल सकते हो आप, 50 लाख करोड़। याद है कुछ मैंने अभी बोला था, यानी कि आज जो निफ्टी 50 के जो कंपनी है उसमें 50 लाख करोड़ है। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा सॉर्टिंग करता हूं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप देखिए ये तो 50 लाख करोड़ टोटल हो गए, उसके बाद देखिए क्या लिस्ट वही है जो मैंने कल आपको 11 कंपनी का लिस्ट दिया था, याद करिएगा थोड़ा ध्यान से। ये देखिए HDFC बैंक कहते 5,51,000 करोड़ का है। थोड़ा सा डेटा आपका पुराना था, 6 महीने वाले जो मैंने आपको लिस्ट दिया था उसमें 6 महीने पुराना डेटा था, तो हमने बोला था आप अभी रिसेंट डेटा चाहिए तो जाइए उसके वेबसाइट पे NSE और BSE पे, वहां से क्या करिए आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, मतलब वहां से देख सकते हो, जरूरत नहीं था मुझे मोटा मोटा बताना था। अब आज आपको एक्यूरेट देखना है 1 महीने पुराने वाले, तो 1 महीने पुराना देखिए HDFC बैंक 5.5 लाख करोड़, यानी कि 5,50,000 करोड़। रिलायंस 5,30,000 करोड़, इसका मतलब रिलायंस के भी ऊपर निकल चुका है HDFC बैंक, यानी कि HDFC बैंक ने अभी रिसेंट में ब्रेकआउट दिया होगा, ये अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया होगा, क्योंकि 5,50,000 पे था नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने एक बार चार्ट डालता हूँ, देखिएगा ये अभी लाइफ टाइम ऊपर गया होगा ये, तो मुझे याद है ना HDFC बैंक का वो उसके नीचे ही रहता था, क्योंकि अब ये 30% ऊपर चला गया है। कौन? रिलायंस अभी पिछले 6 महीने में 30% ऊपर गया है। नहीं बोलो ना, उससे क्या लेना देना है, आगे बढ़ो ना, काम की बातें करो। अब तो मुझे आज तक कभी समझ ही नहीं आया कि काम की बातें होता क्या है। नहीं सही बोल रहा हूँ मैं एक काम करता हूँ, ये HDFC बैंक रखता हूँ, HDFC बैंक। ठीक है जी, यानी कि इसका मतलब ये भी मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट में। ये देखो ये है HDFC बैंक जी, फिक्स डिपॉजिट से क्या कम है बताओ, एक एक महीने का चार्ट है ये अभी सामने जो आपको दिख रहे हैं ना, 2012 से ये 2011 से है अभी तक का, 2011 से 2019 तक, कितने साल का है ये, 8 साल का डेटा है आपके सामने, ये 8 साल का, 8 साल का डेटा देखिए कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। बोलो कि इतना ही ग्राफ है 8 साल का, एक एक कैंडल 1 महीने का है ना, ये देखो ना, आपको इतना तो समझा चुका हूँ ना मैं, ये देखो एक कैंडल 1 महीने का, यानी कि एक एक लाइन एक एक महीने को रिप्रेजेंट करता है, तो ये देखिए 8 साल तो बन ही जाएगा ना, इतने सारे लाइन है तो। ठीक है, ये देखो ना नीचे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 2011 दिख रहा है, ये 2011 से स्टार्ट है, 2013 14, ओ देखो 2004 से यहाँ से आपको दिख गया। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, भाग क्यों रहा है तू, ये देखो ये है HDFC बैंक। वाह, फिक्स डिपॉजिट मत करना कभी, किसका शेयर खरीद लेना, वैसे मैंने भी फिक्स डिपॉजिट किया है छोटा मोटा, हिम्मत नहीं होता ना, शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास पैसे चाहिए तो क्या करोगे। अब चलिए एक एक दिन का ले लिया हमने, ये देखो एक एक दिन में मैंने बोला था, अच्छा अभी नीचे आया है उसके बावजूद 1300 पहुंच गया था, क्योंकि मैं कुछ दिनों से मार्केट नोटिस नहीं कर रहा ना, जब से आपका बैच स्टार्ट हुआ तब से मार्केट को नहीं देखता मैं। ओके चलिए वापस आइए, 5,51,000, 5,30,000 HDFC है 4 लाख करोड़, ICICI बैंक 3,30,000 करोड़, इंफोसिस 2.5 लाख करोड़, कोटक महिंद्रा 2.5, TCS वो भी चल रहा है 2 के ऊपर है ना जी, आप देखते जाइए, कोटक महिंद्रा बैंक, TCS, ITC, एक्सिस बैंक, LT, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI, बजाज फिनांस नीचे आ गया है, हमने बजाज फिनांस उधर रखा था, नहीं रखा था, नहीं रखा था ना, 13 कंपनी दिया था मैंने आपको लिस्ट में, देखना है कितने आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कहीं 13 भी नहीं गया, 12 ही रहा, एक कौन निकल गया इसमें से, एक कौन कम हो गया इसमें से, आपको 13 का लिस्ट दिया था, देखना एक बार। अच्छा मारुति कम हो गया होगा, ओके ओके हाँ, मारुति मारुति क्यों कम होगा, मारुति तो बढ़ा ही है। अच्छा ठीक है ना, एक ही बात है ना, 96, वो 1 लाख करोड़ कौन सी बड़ी बात है, वो तो कभी भी अप डाउन हो जाता है। ओके मारुति और बजाज फिनांस ये दोनों 1 लाख करोड़ के आसपास ही है, इंडसइंड बैंक भी 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा मैं कुछ कह रहा हूँ, HDFC बैंक मान लीजिए आज 5% बढ़ जाता है, तो टोटल ग्रुप के मार्केट वैल्यू कितना बढ़ाएगा, 5% बढ़ गया, 5.5 लाख करोड़, चलो दो कंपनी को ले लेते हैं, एक HDFC बैंक 5% बढ़ जाता है और एक रिलायंस 5% बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोनों को मिला के कितना है बताइए, 10 लाख करोड़ है ना, मोटा मोटा 11 लाख करोड़ तो बोल ही सकते हो। ठीक है, 11 लाख करोड़
मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना से इसका मार्केट कैप बढ़ जाएगा? 55,000 से 55,000 करोड़ से इसका मार्केट कैप बढ़ जाएगा। मान लीजिए कुछ इस कंपनी में फ्रॉड आ जाता है, किसमें? एस बैंक का कंपनी कहते हैं कि आज ये खत्म ही हो गए, पूरा का पूरा वर्थलेस हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अभी भी 55,000 करोड़ से इसका मार्केट कैप बढ़ा हुआ है। जी इंटरटेनमेंट मान लीजिए खत्म हो गया, ठीक है जी, कहते हैं अब ये बिल्कुल ही खत्म हो गया, अब जी इंटरटेनमेंट अब कोई नहीं देखता, अब ये रोड पे आ गए मान लीजिए, अब क्या हो गया बताओ, कितना गया? 14,000 करोड़, 18,000 करोड़, एक है गेल 23,000 करोड़, इंफ्राटेल 23,000 करोड़। ये अगर जो हमने अभी जितना 3-4 कंपनी देखा है ना, ये वर्थलेस भी हो जाए ना, 100% भी टूट जाए, उसके बावजूद भी निफ्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बोला है? अब ध्यान से देखिए नीचे के कितने कंपनी, 19 कंपनी मैंने नीचे से लिया है, इसका टोटल सम मुझे नीचे दिखा रहा है, आप लोगों को नहीं दिखेगा नीचे काउंट करके, इसका जो सम बता रहा है ये हमारा 5,41,000 करोड़। इसका मतलब क्या हो गया, नीचे का 19 कंपनी इज इक्विवेलेंट टू HDFC बैंक, और अगर दो तीन और ले लो तो इक्विवेलेंट टू रिलायंस एंड HDFC बैंक, और अगर HDFC बैंक और रिलायंस तीन कंपनी ले लेना है तो आप समझ जाओ कितना हो गया, तीन ही कंपनी कितने हो गए बताओ, 5, 5, 10 और 4, 11, 4, 15, 15 लाख करोड़, तो तीन ही बन गए, कौन? HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री, ये तीन को हमने ले लिया, और ICICI भी ले लोगे तो फिर ज्यादा ही हो जाएगा, है ना, मतलब मान लीजिए चार कंपनी भी ले लिया, चलो ICICI बैंक भी ले लिया, ये हो गया कितना 3,30,000, तो 15 और 3 कितना हो गया 18, 19, यानी कि मोटा मोटा 20 लाख करोड़ कौन बन गए, ऊपर का चार 19 लाख बन रहे, तो 20 लाख करोड़, और बाकी सब जो है कितने है, 50 है ना पूरा, तो बाकी कितना बचा 30 लाख करोड़। तो मान लीजिए एक दिन में इन चार कंपनी ऊपर चला जाता है, ठीक है, चार कंपनी ऊपर चला गया, और बाकी के जो बचे हमारे 46 कंपनी, ठीक है, वो अगर नीचे भी चला जाए, ठीक है, थोड़ा सा कम नीचे जाए, तो दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल। बात समझ में आया? इसका मतलब निफ्टी को अगर नीचे नहीं जाने देना है तो ये 4-5 कंपनी को पकड़ लो, 4-5 क्यों, जो मैंने 10 कंपनी दिया वो 10 कंपनी को पकड़ लो तो कहीं जाएगा ही नहीं निफ्टी। बात समझ में आया आपको? जब मैंने जो 13 कंपनी का जो लिस्ट दिया है जिसका मार्केट कैप कितना है 1,00,000 करोड़ से ऊपर, एक काम करते, ये रहा, चलो इस दोनों को भी रख लेता हूँ, बजाज फिनांस और इसको भी रख देते, ठीक है, मारुति बजाज फिनांस दोनों को रख दिया, यानी कि ये जो हमारा 13 कंपनी का मैंने प्लस कर दिया, ये जा रहा है 35,00,000 करोड़। समझ में आ गई बात? कितना मार्केट कैप हो गया इसके, 35,00,000 करोड़। जो बचे हुए कंपनी हो कितना हो गए, 15,00,000 करोड़, यानी कि टॉप 14 कंपनी, यानी कि 14 कंपनी को अगर हम पकड़ ले तो ये हमारा हो जाता है 35,00,000 करोड़, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और हिसाब बताता हूं, निफ्टी जो है आज कितना है बताइए, निफ्टी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है बताओ जल्दी से, 50,00,000 करोड़, है ना, ये है 66% ऑफ NSE मार्केट कैप, सुना कुछ? तो पूरे NSE का जो कितने कंपनी है, 1900 कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1900 कंपनी का मार्केट कैप को बता सकते हो, 50 डिवाइडेड बाय 66% 75,00,000 करोड़। पूरे निफ्टी का मार्केट कैप, पूरे NSE का मार्केट कैप कितना है, 75,00,000 करोड़, जिसमें से 66% तो किसका है, निफ्टी का। अब मुझे बताइए 75,00,000 करोड़ में 1900 कंपनी है, ठीक है, 75 लाख करोड़ में कितने कंपनी है, 1900, टॉप जो हमने 14 लिया है, अभी 14 ही लिया है ना, नहीं 13 में 2 बढ़ा दिया ना हमने, 2 बढ़ा दिया ना,
काउंटिंग हमने किया, नीचे 14 है इसमें, ठीक है। टॉप 14 है हमारा, जो हमने लिया था ना यहाँ से 14 है। इंडसइंड बैंक एक रख दोगे तो 15 हो जाएगा, चलो टॉप 15 रख दिया हमने, ठीक है जी। टॉप 15 यानी कि जो 15 कंपनी जो है हमारा इस निफ्टी के अंदर, इसका आ रहा है 36 लाख करोड़, ठीक है जी। तो मोटा मोटा कितना हो गया, 75 का हाफ 35.5, यानी कि 15 कंपनी जो है टॉप में वहां पे, ये आपके पूरे एनएससी का आधा मार्केट कैप होल्ड करता है। समझ में आ गई कुछ? 1900 कंपनी के आधा मार्केट कैपिटलाइजेशन तो किसके पास है, सिर्फ 15 कंपनी के पास। और उस 35 में से भी 4 का कितना है, तो 4 कंपनी देखा है, उसका मार्केट कैप मोटा मोटा 19 लाख करोड़ है, 19 लाख करोड़। ये 4 कंपनी जो हमने ऊपर में रखा था अभी, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक, ये 4 का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ है। 75 का कितना बनता है बताइए, 19 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 25% मार्केट कैप तो कंपनी, 4 ही कंपनी होल्ड करता है पूरे एनएससी का। जितने भी कंपनीज है बड़े बड़े जो एनएससी में लिस्टेड है, उसके 25% वैल्यू किसके है, सिर्फ इस 4 का। तो आप मुझे बताइए, इस 4 में अगर किसी दिन गलती से फ्रॉड नजर आ गया तो क्या होगा, मार्केट नहीं जाएगा, इंडिया डूब जाएगा। आप क्यों नहीं समझते हो, लेमन ब्रदर जो पूरा ग्लोबल को लेकर चला गया था, आप मान लीजिए अभी कहते हैं कि डीएचएफएल में फ्रॉड आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एस बैंक में फ्रॉड आ गया, अरे क्या फर्क पड़ता है, कितने हजार करोड़ की है। आप मुझे बताओ, मैं कहता हूं एस बैंक डूब जाए, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं एस बैंक का फ्रॉड नजर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएनबी का फ्रॉड नजर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गए? अभी डीएचएफएल का फ्रॉड आया था, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, क्या फर्क पड़ता है, कितने मार्केट कैप लेके बैठा है। आप मुझे बताओ, ये रहा हमारा, ये रहा दीवान हाउसिंग फाइनेंस, डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, ये ध्यान से देखो, इसका जो मार्केट कैप है हमारा, फ्री देखना है। अरे कंपनी डूब गया तो बाकी तो प्रमोटर के क्या, जाने दो ना, उसने ही बनाया था, उसी ने फ्रॉड किया, उसका चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क किसको पड़ता है, फर्क पड़ता है पब्लिक को। कितने का, 31,000 करोड़, 31,000 करोड़ बहुत कम है। मैं कहता हूं जिस कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, उसका अगर फ्रॉड भी आ गया ना, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीएमसी बैंक को ब्लॉक कर दो, नहीं दो कंपनी को क्या कहते हैं पैसे किसी भी कस्टमर को, फर्क नहीं पड़ता। एचडीएफसी में फ्रॉड नजर आ जाए, फर्क ही नहीं पड़ता, इंडिया डूब जाएगा, ऐसे समझ जाइएगा। क्योंकि ये 25% मार्केट कैप ये 4 कंपनी होल्ड करता है। समझ में आ गई बात? चलो वापस आ जाते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए किसी को निफ्टी को ऊपर लेके जाना है, मान लीजिए मैं निफ्टी को ऊपर लेके जाना चाहता हूं, इस 4 कंपनी का प्राइस 5-5% बढ़ा देता हूं, बढ़ा दूं? बोलो कैसे बढ़ा दूंगा, महंगे खरीदना पड़ेगा और क्या करना है, बहुत आसान है। निफ्टी को, ये जो 50 कंपनी का मार्केट कैप, तो हमें समझ आ गया, अब मार्केट कैप बढ़ेगा तो निफ्टी बढ़ेगा, इस 50 कंपनी का मार्केट कैप घटेगा तो निफ्टी घटेगा, इतना तो मुझे समझ आ गया। अब मान लीजिए हमने 4 कंपनी का मार्केट कैप को 5% बढ़ा दिया, तो क्या होगा बताइए, 20 लाख करोड़ में 5% बढ़ जाएगा, 1 लाख करोड़ बढ़ जाएगा, मार्केट कैप कितने से बढ़ेगा, 1 लाख करोड़ से। 50 लाख का मार्केट कैप कितने में पहुंच जाएगा, 51 लाख करोड़ पे। 1 लाख बढ़ा डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, मोटा मोटा 2% से निफ्टी बढ़ जाएगा आपका। समझ में आया कुछ बात? अगर ये 4 कंपनी का प्राइस एक दिन में 5-5% बढ़ जाए, चारों एक डायरेक्शन में, तो क्या होगा बताइए, 2% निफ्टी बढ़ जाएगा। और आज अभी निफ्टी कितने बढ़ा हुआ है, सिर्फ 1% बढ़ा है तो 120 पॉइंट है। 2% बढ़ने का मतलब निफ्टी कितना बढ़ेगा आपका, 200 पॉइंट से बढ़ जाएगा निफ्टी, है ना। तो कुछ लोग बोलेंगे कि बाकी कंपनी घटेगा भी तो सही, तो ठीक है घटेगा भी तो घटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बार देखिएगा बिजनेस चैनल वगैरह क्या बोलेगा, अरे आज तो निफ्टी ने रिलायंस की वजह से ऊपर है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे आप देखोगे, एक बार पीछे कभी न्यूज आया हुआ था, एचडीएफसी बैंक में ने एफडीआई का लिमिट बढ़ाया आरबीआई ने। ये होता क्या है कि जितने भी बैंक वगैरह है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर का लिमिट लगा रखा है, किससे ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते इसमें आप, तो आरबीआई ने क्या किया था, एचडीएफसी बैंक को, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक का जो लिमिट था ना, उसको बढ़ा दिया। एचडीएफसी बैंक में फॉरेन इन्वेस्टर और ज्यादा पैसे लगा सकता है, 10% के गैप अप ओपनिंग होता है, 5 मिनट के अंदर 15% अप हो जाता है, कौन, एचडीएफसी बैंक। उस टाइम भी 3.5 लाख करोड़ का मार्केट गैप हुआ करता था इसका, ठीक है। बाकी देखा जाए तो सारे कंपनी लाल लाल दिख रहा है, या तो कोई फ्लैट है या तो छोरा लाल है,
और एक कंपनी 15% ऊपर था, निफ्टी जो थे ना 100 पॉइंट ऊपर। तो न्यूज वाले क्या बोल रहा था, अरे निफ्टी तो आज के जो 100 पॉइंट है ना धोखा है। कहते क्यों धोखा है, क्योंकि मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मार्केट रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल मार्केट में अगर पॉजिटिव मोमेंटम हो तो निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। ओवरऑल निफ्टी क्या है, उसमें से उस दिन 30 कंपनी नीचे थे, 50 में से 30 कंपनी माइनस में जा रहा है, 20 कंपनी भी ऊपर है तो छोटा छोटा सा ऊपर है, 0%, 0.01% इस तरीके से अप है, और निफ्टी कितने पॉइंट अप दिख रहे थे, 100 पॉइंट। तो बिजनेस चैनल वाले क्या थे, आज निफ्टी धोखे में है। क्यों धोखे में, एक अकेला HDFC बैंक की वजह से निफ्टी क्या हो गया है, ऊपर चला गया। तो ये सब होते रहते, बात समझ में आ गई। तो क्या अब आपको ये समझ आ जाएगा कि निफ्टी ऊपर जाने या निफ्टी नीचे जाने का क्या मतलब होता है, समझ में आ सकता है? अगर आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके काबिल नहीं हूं, ठीक है? तो ये रहा, आप एक बार देख लीजिए। अब आइए वापस, जो हमने 30 कंपनी का नाम लिया था उधर उधर किधर सेंसेक्स में, वो 30 कंपनी थोड़ा नोटिस करिएगा, ये 20 में ना यही सब है। एस बैंक था उसमें, नहीं था, नहीं था। जी इंटरटेनमेंट नहीं था सेंसेक्स में। गेल, गेल था या नहीं था, एक मिनट देख लेते, एक मिनट, वो मुझे भी याद नहीं इतना। ये रहा ABCDEFGH डिफॉल्ट व्यू, नहीं कहाँ गए, नहीं है, गेल भी नहीं था। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 कंपनी ऐसे जो उसमें नहीं है, इंफ्राटेल नहीं था, सिप्ला था शायद, ABCC, सिप्ला भी नहीं है, वो भी नहीं है, ओके, ये भी नहीं है, बहुत बढ़िया। वेदांता तो वैसे अभी निकाला गया था, GSW स्टील भी नहीं था, टाटा मोटर्स ये भी नहीं है, हिंडाल्को, हिंडाल्को ये भी नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अदानी पोर्ट्स भी नहीं था, ग्रासिम भी नहीं था, UPL भी नहीं था, हीरो मोटर था, ये था हीरो मोटर था। चलो एक काम करते हैं, अभी हीरो मोटर आया ना, इसको हटाओ पहले, एक मिनट के लिए हीरो मोटर को हटा देते हैं, ठीक है जी, मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ वापस, हीरो मोटर को हटा दिया। आयशा मोटर उसमें नहीं था, उसमें नहीं था, आयशा मोटर नहीं है इसमें, इसमें नहीं है ना, ये देखो ABCDE कहाँ है, सीधा एच पे जा रहे हैं ना ये, ठीक है। IOC, ABCD, IOC भी नहीं है, दो ही है, ITC, इन्फोसिस, ICICI बैंक, चलो ये भी नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ टाटा स्टील, टाटा स्टील इसमें था नहीं था, टाटा स्टील है नीचे, ठीक है, टाटा स्टील को भी यहाँ से हम हाइड कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम अभी, क्या कर रहे हैं हम, वो जो 30 कंपनी है ना उसका 20 कंपनी उसका औकात ढूंढ रहे हैं, कितने औकात की है वो, जिसकी वजह से निफ्टी का मूवमेंट अलग होगा। क्योंकि अगर उस 20 कंपनी को हटा दो तो निफ्टी का मूवमेंट और सेंसेक्स का मूवमेंट दोनों सेम होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सेम कंपनी दोनों तरफ है, मैंने बार बार पहले ही बता चुका हूं, मान लीजिए हमने यहां क्लास का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया, और आप लोग के FR का भी क्लास ले रहे हो, और वहां पे वो 5 स्टूडेंट वहां भी है, और उस ग्रुप में 5 वहां भी रह गया, तो यहाँ का परफॉर्मेंस जो देखेंगे वो और वहां का परफॉर्मेंस देखेंगे, दोनों क्या लगेगा आपको, सेम है तो सेम दिखेगा। अब यहाँ तो क्या, एक कंपनी जो हम कह रहे हैं 30 कंपनी, वो 30 कंपनी का मार्केट कैप जितना है, क्या NSE में चला जाएगा तो मार्केट कैप बदल जाएगा, क्या मार्केट कैप NSE और BSE डिसाइड करेगा, कंपनी का शेयर डिसाइड करेगा, कंपनी का शेयर, तो जो प्राइस NSE में चलता है वही प्राइस BSE में भी है, हाँ या ना? और आप मुझे बताइए दोनों का नंबर ऑफ शेयर वही है, तो जो मार्केट कैप NSE में वही मार्केट कैप BSE में भी है। अगर कोई मान लीजिए HDFC NSE में बढ़ा है तो क्या आपको लगता है BSE में नहीं बढ़ेगा? तो क्या अगर NSE में बढ़ा, अगर तो NSE में हमारा निफ्टी बढ़ गया, निफ्टी का मार्केट वैल्यू बढ़ाया, तो क्या BSE में जाएगा तो सेंसेक्स का मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ेगा, तो क्या दोनों का मूवमेंट सेम नजर नहीं आएगा? सेम आएगा ना, सेम आएगा। मार्केट को समझना है तो निफ्टी जानना जरूरी है, इसलिए मैं निफ्टी में पूरा टाइम देता हूँ, याद रखिएगा। डॉक्टर रेड्डी उधर था या नहीं था, नहीं था। विप्रो नहीं था, ये देखो ना विप्रो कहाँ है, विप्रो नहीं है ना, चलो विप्रो भी नहीं था, डॉक्टर रेड्डी भी नहीं था, ब्रिटानिया भी नहीं था, कोल इंडिया भी नहीं था, कोल ABC नहीं है, कोल इंडिया भी नहीं है। कितने पहुंचे अभी तक हम लोग, चलो नीचे से देखते हैं ना, कोल इंडिया तक तो पहुंच गए, इधर से आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक तो पहुंच गए, अब दो बच गए और,
ठीक है जी। अब आइए बीपीसीएल, बीपीसीएल भी नहीं है, ओके 19 भी हो गया, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो है ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाओ बजाज ऑटो के बाद ओएनजीसी, ओएनजीसी है तो बचा कौन अब, पावर ग्रिड भी था, टेक महिंद्रा भी था, अल्ट्रा टेक सेमू, टाइटन भी था, सनफार्मा भी है, एनटीपीसी भी है, एमएंड भी है, बजाज फिनसर्व नहीं है। इधर आपका बजाज फिनसर्व नहीं है, ये देखो बजाज फिनांस है, बजाज फिनसर्व नहीं है, तो एक रह गया ये। तो हमारा 19 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने इसको कंट्रोल प्रेस किया और इसको भी मैंने सिलेक्ट कर दिया 55,000 करोड़ वाले को, ठीक है जी। ये हमारा टोटल हो गए 20, मेरा नीचे काउंटिंग 20 दिख रहा है आप लोगों को, देखिएगा तो इस पूरे 20 का जो मैंने मार्केट कैप देखा है वो है आपका 6,09,978, मोटा मोटा कितने लाख करोड़ है, 6 लाख नहीं 9,000 है तो 6 लाख ही करोड़ हुआ, 7 नहीं हुआ, 90 नहीं है, 9 है। तो आप मुझे बताओ जो 20 कंपनी जो एक्स्ट्रा है उसका मार्केट कैप कितना है, 6 लाख करोड़। तो सेंसेक्स का मार्केट कैप कितना होगा, सेंसेक्स मार्केट कैप नहीं बोलना, याद रखना मैं गलत बोल रहा हूँ बार बार, मैं जब मार्केट कैप बोल रहा हूँ तो फ्री फ्लोट है याद रखिए, क्योंकि टोटल मार्केट कैप अलग होगा, याद रखिएगा मैं फ्री फ्लोट की बात कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ निफ्टी का मार्केट कैप कितना, 50 लाख करोड़। सेंसेक्स का मार्केट कैप कितना, अब लो मैंने जब बता दिया 20 कंपनी का मार्केट कैप क्या है वो मैंने टोटल करके दिखा दिया, अब टोटल आपको नहीं दिखाना मुझे दिख गया ना, तो आप मुझे बताओ 20 कंपनी को तो मैंने हटा दिया कितना था बताओ, 6 लाख करोड़, तो ये कितना बचा, 44 लाख करोड़। और अब मुझे बताइए अगर इसमें 1% का मूवमेंट आएगा तो मोटा मोटा वो सिर्फ 6 लाख करोड़ जो है ना उसकी वजह से चेंजेज आएगा, अदरवाइज मूवमेंट दोनों में क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए एक कंपनी का परसेंटेज में देखोगे तो 50 लाख अगर 5,000 करोड़ बढ़ेगा, 5,000 करोड़ बढ़ेगा तो इधर भी तो उसी रेशियो में बढ़ेगा आपका, है ना। तो इसीलिए देखोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स का मूवमेंट जो होता है परसेंटेज टर्म में 95% केस में आपको सेम दिखेगा, वो आपको मैं अभी ग्राफ पे भी दिखा देता हूँ। आप अगर किसी ग्राफ में जाके कंपेरिजन कर लीजिए किसको, निफ्टी एंड सेंसेक्स को, मैं बजाय उस पर चला जाता हूँ जी याहू फाइनेंस पे, क्योंकि वहां मुझे कंपैरिजन करने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, कभी कभी मैं याहू फाइनेंस पे भी चला जाता हूँ ठीक है जी। ये देखिए याहू फाइनेंस पे चला गया, ये रहा, इस पे जाके मैंने दोनों को कंपैरिजन पे डाल दिया, बोलोगे कैसे, ये रहा मैंने इस पे सर्च कर लिया, क्या सर्च किया मैंने, पहले निफ्टी सर्च कर लिया ठीक है जी, निफ्टी, ये रहा निफ्टी 50 आ गए यहाँ पे हमारे ग्राफ पे, निफ्टी 50 आ गए ठीक है जी। अब मैंने क्या किया यहाँ पे जाके कंपैरिजन कर दिया, ये देखो कहीं पे मिलेगा कंपैरिजन, नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, कोई बात नहीं पहले चार्ट पे जाता हूँ ठीक है जी। चार्ट पे चले गए, देखिए यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करने को आ रहा है, आ रहा है कुछ, मैंने कंपैरिजन कर दिया इसको, ये डाउ जोन जो है ये वहाँ का है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 30 कंपनी, जैसे हमारा सेंसेक्स 30 का है ना, डाउ भी 30 कंपनी का है, नैसडेक जो है 100 कंपनी का है, और S&P 500 500 का है। तो यहाँ देखिए ये हो जाता है हमारा सेंसेक्स, मैंने सेंसेक्स से कंपैरिजन कर दिया, BSE सेंसेक्स देखा मैंने, इसको डाल दिया ग्राफ पे। ये कहते हैं कलर बताओ कौन सी रखना चाह रहे हो, मैं कहता हूँ चलो इसको ना तुम लाल लाल कर दो ठीक है जी, सेव कर दिया मैंने। ध्यान से देखिए आपको जो दिख रहा है ये, अब आपके चार्ट पे दो है, कौन कौन दो बताओ, एक सेंसेक्स और एक निफ्टी, मैंने चलो 5 साल का ग्राफ ले लिया आपके सामने, ये रहा 5 साल का, देख लीजिए दोनों भाई भाई जैसे चल रहा है, जुड़वा के जैसे देख लो, जो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जो गैप नजर आ रहा है ना वो किसकी वजह से, वो 20 कंपनी की वजह से, जिसका मार्केट कैप कितना है मोटा मोटा आपका आज के डेट पे 6 लाख करोड़ है, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब मार्केट में अगर मूवमेंट कभी चेक करना है तो निफ्टी चेक करना चाहिए, सेंसेक्स चेक करना चाहिए, अरे जो करना है करो ना, क्या फर्क पड़ता है, हमें पॉइंट से तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो क्या देखना है परसेंटेज कितना परसेंट बढ़ा है, क्योंकि पॉइंट से क्या मतलब है, मान लीजिए 41,000 का 400 बढ़ना और 12,000 का 120 बढ़ना, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो अब आ जाइए वापस, मेरे हिसाब से एनालिसिस हम लोगों ने पूरा कर लिया, अगर किसी को कुछ और पूछना हो, हाँ पिछले दिन का, हर चीज में मूवमेंट जो होते हैं पिछले दिन का ही होता है, अगले दिन का नहीं, पिछले दिन का, प्रीवियस डे का क्लोज। हाँ आप हमेशा देखो ना आज मार्केट में कितना प्राइस बढ़ा है, जैसे आप मान लीजिए कहते हो रिलायंस 5% बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है, पिछले दिन के क्लोजिंग से बढ़ा है, क्लोजिंग से ठीक है। तो
तो पिछले दिन के क्लोजिंग से ही सारे बढ़त देखा जाता है, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे करेंसी हो, चाहे कॉमोडिटी हो, किसी को भी आप मूवमेंट आज बोलते हो ना, तो पिछले दिन के क्लोजिंग से ही कंपैरिजन करके बोलते हैं। ये मार्केट का रूल है। और कोई? आज आज का वैल्यू? हाँ, आज का वैल्यू नहीं होगा। मैंने कितने बार बोल चुका हूं, मैंने बोला है आपको कि पिछले दिन आज के जो मार्केट कैप, अगर किसी को जानना है आज का, तो फिर एक काम करिए, एक एक करके जाओ, क्योंकि देगा ही नहीं कोई आपको रिपोर्ट बना के। एक एक करके 50 कंपनी को सर्च करिए, कहाँ पे, एनएससी में जाइए, यहाँ पे हर एक 50 कंपनी का नाम तो पता चल गया ना आपको, या नहीं तो नाम क्यों जानना, यहीं से कर लो। ये रहा निफ्टी 50 पे क्लिक करो। अरे आजा भाई, निफ्टी 50, ठीक है जी, निफ्टी 50 में ये कंपनी आ गए, इस हर एक पे क्लिक करते जाओ। अदानी पोर्ट्स पे क्लिक करो, देखो खुल गया ये। अदानी पोर्ट्स का कितना, ये देखिए आज के रेट पे चल रहा है अदानी पोर्ट्स, आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैप 28 लाख है। ये क्या है? अच्छा लैक्स में है ना, अरे लैक्स में है ना, दो को हटाओ। ये बन रहा है 28,080 करोड़ का बन रहा है आज के रेट पे, किसका? अदानी पोर्ट्स का। हमारे यहाँ पे अदानी पोर्ट्स कितना दिखा है ये देखो, अदानी पोर्ट्स कहाँ था, वो नीचे था ना शायद, अदानी पोर्ट्स ये रहा, यहाँ देखो 30,000 करोड़। इसका मतलब क्या है, 2,000 करोड़ का डिफरेंस आया, ठीक है। आप अगर देखते, चलो एचडीएफसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एचडीएफसी की हम लोग बात कर रहे थे, आना एक मिनट के लिए एचडीएफसी भाई साहब, तू एचडीएफसी बैंक पे आ जाते, ये रहा एचडीएफसी बैंक पे मैंने क्लिक कर दिया। ये कहता है कि इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है आज के रेट पे 5,51,528 करोड़, 5,51,528, 5,51,528, 5,51,000, यानी कि ऑलमोस्ट क्या इसका सेम है, एक महीने पहले जहां इसका प्राइस था ना, आज भी इसका प्राइस यही होगा। आप नहीं तो ग्राफ पे जाके चेक कर सकते हो। बढ़े आगे हम लोग, तो ये आप अपना कर सकते। देखो हमें एक एक सेकंड को जानना क्यों है, सबसे पहली बात आप बताओ क्यों जानना है। वो तो आज अभी जान लीजिए, कल बदल चुका होगा, कल क्यों बदलेगा, मार्केट अगर ओपन होगा तो अगले सेकंड बदल चुका है, तो हमें पूरा जानना क्यों है। हमें तो एक मोटा मोटा आइडिया रखना है, किसी के सामने अगर बात करेंगे तो समझ आना चाहिए कि हाँ मुझे समझ आता है, समझ में आ गए। मान लीजिए आपके ऑफिस में किसी के साथ बात चल रही है, मान लीजिए उन्होंने 25,000 दे के पढ़ा हुआ है, ऐसे कुछ डिस्कशन हो गया कभी, किसका 12,000 इसका 41,000 है, ठीक है। तो वहां पे आप उसके सामने लॉजिक रखिए, वो एक बार बोलिए अच्छा बता निफ्टी का मार्केट कैप कितना है, सब देखता रह जाएगा, पता ही नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे देखो निफ्टी के जो 50 कंपनी उसका 50 लाख मार्केट कैप है, सेंसेक्स के जो 30 कंपनी उसका 46 लाख का मार्केट कैप है। अगर ये 50 लाख का मार्केट कैप 1% बढ़ जाता है तो निफ्टी हम 1% बढ़ते हुए दिखेंगे, यहाँ का 44 लाख करोड़ जो है वो अगर 1% बढ़ जाता है तो सेंसेक्स हमारा 1% बढ़ते हुए दिखेंगे। आज अगर सेंसेक्स 41,000 है तो इसलिए है क्योंकि ये याद रखना, ये अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट कहाँ से दिखाता है, कहाँ से दिखाता है, जल्दी बोलो। अगर सामने वाले कभी किसी से बहस हो जाए तो इतना डेटा रख दो ना सामने वाले की, देखते रह जाए कि हाँ क्या बोल रहा है, समझ में आगे बात। आज उसको ये बोल दो कि देखो चार कंपनी जो है हमारे इंडिया के एनएससी का मार्केट कैप का 25% मार्केट कैप होल्ड करता है, वो समझ जाएगा अरे लड़के पास दम है। हाँ अच्छा, उसको सोचने से पहले हैंग करा दो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब देखो 1986 में बना, 85-86 क्योंकि वो डेट थोड़ा सा वो हो जाता है, 1985 में बना कौन, सेंसेक्स, कितने से, 100 से। 1995 में जब इसका जन्म हुआ, किसका, निफ्टी का, तो ये सेंसेक्स की बात हो रही है, जिस दिन निफ्टी का जन्म हुआ वो 1,000 से जन्म लिया, तब तक वो 3,400 पे पहुंच चुका था सेंसेक्स। ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताओ अब मार्केट कैप बढ़ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये 50 कंपनी का मार्केट कैप जितना होगा वो 1,000 को रिप्रेजेंट करने लगा, और उस दिन उसका 30 कंपनी का मार्केट कैप कितने को रिप्रेजेंट करने लगा, 3,400 को। अब मान लीजिए ये 1,000 आज बढ़ के 12,000 पे चला गया, तो आप मुझे बताइए इसका मार्केट कैप 12 गुना बढ़ा, तो क्या उस कंपनी का भी मार्केट कैप 12 गुना बढ़ा होगा। तो आप मुझे बताइए 3,400 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या मोटा मोटा 40-41,000 आ रहे, आप बताइए मुझे। जब ये हमारा 12 टाइम्स बढ़ा तो ये हमारा 12,000 पे पहुंचा, तो ये भी तो 12 टाइम्स बढ़ के कहाँ पहुंचा है बताइए, 41,000, तो कौन सी बड़ी बात है। और छोटा मोटा जो चेंज है वो किसकी वजह से रहेगा, वो 20 कंपनी की वजह से तो रहेगा ही रहेगा, समझ में आ गया। तो ये सब डेटा जानने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, जब आगे जाके निफ्टी जब बोलूंगा ना, अरे ये कुछ है क्या, हमने तो इतना पोस्टमार्टम करके बैठ गए, सारे चीड़ फाड़ करके कौन कहाँ कितना है, किसकी वजह से कितना इफेक्ट आएगा, सारे जान लिए, तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा वो आसान लगने लग जाता है, समझ में आ गई बात। कुछ किसी को जानना है तो आप बता सकते हो, पूछ सारी पूछ सकते हो।
और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, तो मैं अब इसको मैं पढ़ के मैं आप कंप्लीट करूँ। सेंसेक्स निफ्टी हमारा खत्म हो गया, मैंने आपको हिस्ट्री भी दिखा दिया, आपको हिस्ट्री भी यहाँ लिखा हुआ है हमारा। आइए ना, ये कैलकुलेशन हमने कर लिया, कभी ये फॉर्मूला बनाना चाहे तो फॉर्मूला बना सकते हो जो हमने ऊपर कैलकुलेशन किया था। अब आइए हिस्ट्री ऑफ निफ्टी सेंसेक्स। निफ्टी बनाया गया था, बेस पॉइंट था 1000 का 1995 में। आज का पॉइंट इसका जिस दिन हम बना रहे हैं, जिस दिन आपके ये तो आपके बैच का नहीं लिखा है ना, ये तो पिछले बैच का लिखा हुआ है, तो उस टाइम निफ्टी कितने का चल रहा था? 10,900 इन इन 2019 बिगनिंग, मैंने लिखा है यहाँ पे 2019 के बिगनिंग की बात हो रही है, 10,900 चल रहा था, आज 12,200 चल रहा है, तो कंपेरेटिवली उतना ही बढ़ गया होगा। इट मीन्स एफ एफ मार्केट कैप ऑफ ग्रुप कंपनी इंक्रीज बाई 990% इन 24 ईयर्स। समझ आया कुछ? हजार से बढ़ के कहाँ गया? 10,000, यानी कि 11,000 पे, है ना? तो कितना परसेंट बढ़ा? पिछले 24 साल में उस कंपनी का मार्केट कैप जो इतना बढ़ गया है ना। आप एक काम करिए, एक काम करिए, आप क्या करिए कि 1995 में जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दो, ठीक है? 1995 में जाके बैंक में किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया होता, मान लीजिए 1,000 रुपये का, है ना? जो लोग कहते हैं ना मार्केट हमारा रिस्की है, मार्केट एक जुआ है, उन्हीं से पूछिएगा फिक्स डिपॉजिट करते कहाँ पे 1995 में 1,000 रुपये से। इसको अब हम लोग कहाँ पे लेके आते बताइए? आज हम लोग 19 कौन सी दिन है 2000, मान लीजिए 20 बोलते हैं हम इसको, 2020 में आ गए, तो 1995 से 2020 कितना बन रहा है? 2020 माइनस 1995, 25 साल बन रहे हैं। आप मुझे बताइए यहाँ का फ्यूचर वैल्यू आपका कितना हुआ होता जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए होते? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + i की पावर n। मान लीजिए आपने 7-8% ले लेता हूँ, जब बड़ा ही कर दिया आपने, 8% फिक्स डिपॉजिट किया होता ऑन एन एवरेज, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, पावर पे कितना जाएगा बताइए? 25। आप मुझे बताइए कितना अमाउंट बनता है, ये देखिए 1.08 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 गुना हुआ होता आपका, सिर्फ 6 टाइम्स हुए होते, अभी 12 गुना चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये देखिए आपके अमाउंट अभी तक पहुंचे होते 6,850 48 होता, मोटा मोटा 6,850। अगर आपने कंपनी सीधा निफ्टी में पैसे लगा चुके होते तो आपके 12,000 हो चुके होते, उसका 2 गुना, जबकि इसमें 50 कंपनी है। समझ में आ गया? और 50 कंपनी का परफॉर्मेंस जो होता है इसमें बहुत लेस रिस्की हुआ आपके लिए, बताओ कैसे? इस बीच में बहुत सारे कंपनी में फ्रॉड हुए, बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, लेकिन जो ग्रुप है वो ग्रुप हमारा क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो कुछ लोग बोलेंगे क्या निफ्टी में हम पैसे लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते, मैं म्यूचुअल फंड में बताऊंगा कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में पैसे लगाने का मतलब है 50 कंपनी का शेयर खरीदना। 50 कंपनी का शेयर खरीद कैसे सकते हो? तो उसी रेशियो में खरीदना पड़ेगा जिस रेशियो में यहाँ बनता है, ठीक है? तो उसके लिए आप नहीं कर पाओगे, इसलिए म्यूचुअल फंड ये काम करता है, इसको कहते हैं इंडेक्स फंड या ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आप निफ्टी का ETF लगा सकते हो। जैसे आज के डेट पे अगर देखोगे तो SBI जो है 52,000 करोड़ का इंडेक्स फंड मैनेज कर रहा है निफ्टी के लिए, 52,000 करोड़ आप लोगों से लिया मैंने, 52,000 करोड़, उस 52,000 करोड़ को कहाँ लगा रखा है? निफ्टी के अंदर। यानी कि जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा, निफ्टी घटेगा आपका पोर्टफोलियो घटेगा। इसका मतलब एग्जैक्टली निफ्टी के परफॉर्मेंस के साथ आप पैसे लगा सकते हो। और मैं कह सकता हूँ फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा सिक्योर्ड है कौन? निफ्टी। जिसको नहीं समझ आता है उसको, आप फिक्स डिपॉजिट कर लो PMC बैंक में, आपके पैसे डूब चुके हैं, आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए निफ्टी में, आपके पैसे नहीं डूबे हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि निफ्टी एक कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी 50 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 50 कंपनी में तो फ्रॉड नहीं आएगा, वो तो एक ही दिन आएगा जब पूरे इंडिया पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, हाँ तभी हो सकता है, और नहीं कुछ हो सकता है, कोई नहीं बचा इंडिया का, ठीक है? तभी जाके ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो सेफ है, कोई रिस्क नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो वापस आते, आइए आपस देखिए, सेंसेक्स जो है बेस पॉइंट 1986 बोला है मैंने, ठीक है? वो क्योंकि है कि एक साल का ना अप डाउन उसमें वो चल रहा है, क्योंकि एक दिन बनाया गया, फिर परफॉर्मेंस में आना, फिर उसमें यूज होना, वो ट्रेड हो जाना, उसमें टाइमिंग है, इसकी वजह से। टुडेज पॉइंट है 36,000, उस टाइम की बात हो रही है, उस टाइम जिस टाइम मैंने ये लिखा है। आज कितना चल रहा है हमारा? 41,000। इट मीन्स एफ एफ मार्केट कैप ऑफ ग्रुप कंपनी इंक्रीज बाई 35,900 इन 33 ईयर्स, है ना? अच्छा चलिए वापस आइए, ईयर वाइज कंपेरिजन करके मैंने दिखाया, देखो यहाँ पे 1986 में ये 100 था, ये 3400 चला गया, देख रहे हो? और इसके बाद इस तरीके का सिचुएशन बना। आपको इतने सारे देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको ग्राफ पे लेके जाता हूँ, सीधा मैं बोलता हूँ क्या हो रहा है। ये रहा ग्राफ पे, हम पहुँच गए सीधा,
ये जो अभी मैंने यहाँ पे खोला था, कौन खोला था, कहाँ गया हमारा याहू, ये रहा। यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ से नोटिस करते जाइए, दोनों हमारा एक ही साथ है ना, ठीक है, दोनों एक साथ है तो कहीं ना कहीं परसेंटेज में दोनों तरफ ये एक सेम रहेगा, वो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हम क्या कर रहे हैं, एक नोटिस करवाता हूँ आपको, ये देखो मैंने यहाँ पे एक को हटा देता हूँ, कंपैरिजन में हमने दो रखा था ना, इसको हटाते हैं, मैंने इस सेंसेक्स को हटा दिया, ठीक है, अब एक रह गया हमारे पास। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जा रुक जा, नहीं रुका, रुक गया। हाँ जी ये देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं ना आपके पास, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में, कम से कम एक बार आपको टाइमिंग याद हो जाएगा। ये है मोटा मोटा आपका, मैं थोड़ा छोटा करूँ क्या, ये मैं बता देता हूँ, इस दिखेगा नहीं आपको तो मैं बोलते जाता हूँ कहाँ कहाँ। ये देखिए, ये मैं ले लेता हूँ आपको मैक्सिमम टाइम फ्रेम, मैक्सिमम ले लिया जब से है इसको डेटा इस पे फीड किया हुआ है याहू के साइट पे, ये जो डेटा इसके पास फीडेड है वो है हमारा, ये देखो 2007 से दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है 2008 के आसपास का टाइमिंग, ठीक है, ये देखो ये जा रहा है 6200 के आसपास, कब की बात है ये, नीचे देख लीजिए टाइमिंग दिख रहा है दिसंबर 2007, दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये देखो ये जो है ना, ये नीचे देखिए आप, नीचे टॉप दिख रहा है दिसंबर 2017, नीचे ब्लैक लाइन में दिख रहा है, तो ये देखो ये जो है मोटा मोटा 6200 के आसपास। बोलोगे कैसे 6200 आया, अब ये तो कैसे होगा, अब एक काम करता हूँ रुको, मैं ना इसको यहाँ रख के वहाँ से नहीं दिख पाएगा, क्योंकि वहाँ होता क्या है कि जब इधर उधर करते हैं ना सब गड़बड़ हो जाता है, यहाँ से ज़्यादा दिखेगा आपको, ये लो ये देखिए ध्यान से देखो, ये है हमारा क्या जनवरी 2008 का दिख रहा है, देखो कितने के आसपास पॉइंटिंग पॉइंट दिख रहा है, ये देखो 6200 है ना। अब एक काम करिए, ये लाइन देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये नीचे वाले लाइन ये कब का है, देखो अब 2009 है, ये थोड़ा छुप गया यहाँ पे, ये 2009 लिखा हुआ था यहाँ नीचे, ये 2010 है, ये 2011 है, क्या एक साल के अंदर ये लेवल पे पहुंच चुका है ना। ये लाइनिंग को थोड़ा नोटिस करिए, कौन सी लाइन है ये देखिए, निफ्टी कहाँ गया 3000 के आसपास, कितने पे था ये 6200, 3000 तो ये लाइन है, 3000 को भी तोड़ा हुआ, ये देखो 2800 के आसपास गया हुआ, ये समझ में आ गई बात। आप मुझे बताओ ये 6200 का पॉइंट कहाँ पहुँच चुका है, 3200 पे, क्या हो गया। हाँ जी, इसीलिए जब कभी बिजनेस चैनल देखने जाओगे तो बार बार दिमाग में आएगा सबका, क्या 2008 2008 2008, क्यों, क्योंकि वो लोग इस पल को जिया हुआ है, और 2008 सुनते ही सबके दिमाग जो होते हैं ना घूम जाता है, क्यों बताओ, क्योंकि आज मान लीजिए HDFC का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ पे चला जाएगा तो HDFC के शेयर होल्डर के साथ क्या होगा, सोचो, वो तो सोचेगा लुट गया, 50 लाख लगाए 25 लाख बच गया, कौन सी फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे थे सब, मेरे ही लिए बोलेंगे सर आपने तो बोला था HDFC फिक्स डिपॉजिट है, बताओ कहाँ रहा फिक्स डिपॉजिट, हमारा तो 50% चला गया, हाँ या ना, तो क्या अपने वजह से गया दूसरे की वजह से गया, दूसरे की वजह से गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है बैंकरप्ट हो गया, USA का जो फोर्थ इन्वेस्ट लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था, इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आज अगर HDFC बैंकरप्ट होंगे तो एक नहीं जाएगा पूरा ग्लोबल स्लो डाउन जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट कैप है। आइए वापस, तो इसका मतलब ये जो फेज है ना ये रिसेशन वाले फेज है, जहां पे US का ग्रोथ GDP ग्रोथ निगेटिव गया, निगेटिव गया, इंडिया स्लो डाउन में गया, समझ में आ गई बात। आप जाके हिस्ट्री पढ़िए 2008 का, सब आपको समझ आ जाएगा, रिसेशन का मतलब होता है ग्रोथ निगेटिव हो जाना, जो आज इंडिया का GDP आपको 5% दिख रहा है ना आपको, अगर वो माइनस दिखने लग जाए तब उसको लोग रिसेशन बोलते हैं, जब तक प्लस है लेकिन GDP गिर रहा है तो उसको स्लो डाउन कहते हैं, समझ में आ गई बात। ऐसे अभी भी सुना होगा, अभी कोई एक नेता के बोल रहे थे कि हम स्लो डाउन से बाहर आएंगे और लोगों से जल्दी आएंगे, समझ में आ गए, लोगों से जल्दी आएंगे, अब लोग कौन होगा, पड़ोसी उड़ोसी की बात कर रहे होंगे, वो पड़ोसी तो अभी भी 5% ऊपर ही है, समझ में आ गई बात। चलिए वापस आते हैं, तो ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, अब देखो इसमें से फिर से क्या हो गया, देखो रिकवरी हो गए, मुश्किल से कितने टाइम लगे रिकवरी होने में, एक साल में ये मोटा मोटा रिकवरी हो चुका था, फिर उसके बाद क्या हो गए, मोटा मोटा आपका 2 साल। अब देखिए वापस,
ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है, इसी को रेसिस्टेंस बोलते, याद रखिएगा, इसी को हम आपको बताने वाले थे। याद है कुछ हम क्या बोल रहे थे? टॉप के आसपास जाता है, डाउन। टॉप पे जाता है, क्या करे, डाउन। यानी कि वो जो टॉप होते हैं उसको बोला जाता है सप्लाई जोन, रेसिस्टेंस। लोगों को पता था, अच्छा 6200 से वापस आया था तो इसके ऊपर तो नहीं जाएगा। इसका मतलब कितना बढ़िया पॉइंट होता है, यहाँ पे जब आने लगे तो लोग क्या करें, बेचो। यहाँ बेचेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा, बाई करेंगे, फायदा हो जाएगा। फिर दोबारा इस पॉइंट को टच करता है, फिर बेचो, देखो नीचे आ गए। अब जब क्रॉस करेगा, याद है कुछ मैंने क्या बोला था? हाँ, कि देखो बेचो आप, बहुत बढ़िया है, लेकिन आंख कान खोल के रखना, क्योंकि अगर एक बार क्रॉस किया तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। क्योंकि क्रॉस तभी करते हैं जब उनको लगता है कि अब इकोनॉमी में इतना स्ट्रेंथ आ गया कि अब इसके नीचे रहने की चांसेस नहीं है। तब तक कहाँ पहुंच चुके हैं? 2014 में, यानी कि 2008 के लेवल को क्रॉस करने में मार्केट को 2014 लग गया। मान लीजिए किसी ने 2008 में इन्वेस्टमेंट किया होता और 2014 तक होल्ड कर रहे होते, वो कितने साल हो गए? 6 साल। 6 साल तक उसको मार्केट कमाई नहीं देता तो वो कहता कि अरे फिक्स डिपॉजिट ही ठीक था। लेकिन याद रखिएगा, अब शुरुआत हुई ना वहां से, अब उसके बाद देखिए बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, आज कहाँ पहुंच चुके हैं? 12,000 रुपये। यानी कि वहां से कितने गुना हो गए? 2 गुना। जो 2014 में आपका 6200 के आसपास पॉइंट था, वो आज 2020 के आसपास आके कितने हो गए? 14 से 20, मोटा मोटा कितने साल हो गए? 6 साल। 6 साल, पुराना 6 साल में कोई कमाई नहीं और अगले 6 साल में 2 गुना हो गया आपका। समझ में आ गई बात? ये कौन कौन सी टाइम में बता दो, ये 2014 है जब न्यू गवर्नमेंट आने की उम्मीद जगा, मोदी जी आएंगे, ठीक है, अच्छे दिन आएंगे, तो यहाँ से क्रॉस किया। और याद रखिएगा, हर एक ग्राफ पे आपको इकोनॉमी दिखेगा आपको, ठीक है, अच्छे दिन आएंगे उम्मीद पे चले। ये 2015 के जिस दिन बजट आया था वो ये होगा, ये टॉप जो है 4th मार्च 2015, 4th ऑफ मार्च 2015 का टॉप है, जिस दिन ये 9100 पे पहुंच गया था, 9100 पे। कुछ लोग बोलेंगे तो 9000 है, 9000 नहीं, इसका टॉप 9100 है, ठीक है जी। ये दिन था जिस दिन बैंक ने 4th मार्च को फोर्थ टाइम आरबीआई ने, रघुराम राजन, इंटरेस्ट रेट कट किया था। 150 पॉइंट से गैप अप हुए, उसके बाद -150 पॉइंट पे बंद हुए और वहां से ट्रेंड रिवर्स हो गए, ठीक है जी। लोगों को लगा कि अच्छे दिन अभी तक आए नहीं है और शायद अब कब आएगा नहीं मालूम। फिर ये आ गए 2016, ठीक है जी। 2016 ये वो दिन है जहां पे कुछ बजट में एक बड़ा सा अनाउंसमेंट किया था। ये जो पॉइंट है ये बजट का डे का लोअर पॉइंट है। ये जब देखोगे तो 2017, ये देख रहे हो ये पॉइंट, ये जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का डेट है, याद रखिएगा। ये ध्यान से देखिए, आप मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कुछ बजट में अनाउंसमेंट का डेट था तो लोगों को लगा कि शायद कुछ अब अच्छे दिन आएंगे तो वहाँ से रिकवरी होना शुरू हुआ था। ये जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का डेट है, ये देख रहे हो 2017, ठीक है जी। हाँ जी, कहाँ पे? नोटबंदी के लिए तो 1 दिन का इफेक्ट था, नोटबंदी तो 1 दिन का इफेक्ट था, याद रखना। जब ट्रेंड लेता है मार्केट में तो थोड़ा दूर से, जैसे अभी आप देखोगे तो ये जो पॉइंट आपको, ये वाले पॉइंट है, ये कौन सी दिन पॉइंट है बताए आपको? ये है जब नए गवर्नमेंट का इलेक्शन होने वाला है, ये इलेक्शन का डेट जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था वहां से बढ़ना शुरू हुआ था, ठीक है जी। तो हर एक पॉइंट जो होते हैं ना आपको वहां पे बता देता है कि कौन से टाइम पे क्या क्या चीज हो रखा था, क्योंकि ये एक इकोनॉमी के पूरे ब्रॉडर मार्केट को इंडिकेट करता है ये आपका ग्राफ, ठीक है। और अभी जो है लाइफ टाइम हाई पे, टॉप पे अभी मार्केट चल रहा है, समझ में आ गए। बस 100 पॉइंट अभी, मतलब ये अभी तक के हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। अब ये कहाँ से रिवर्स होगा मालूम नहीं, लेकिन रिवर्स होगा, जरूर होगा, और तेजी में रिवर्स होगा, देखते कब रिवर्स होगा, ठीक है। चाहे 6 महीने क्यों ना लगे, रिवर्स होने में 6 महीने क्यों ना लगे, लेकिन रिवर्स होगा। इसीलिए किसी को इन्वेस्टमेंट की मौका होता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए? इंतजार, जैसे मैं वेट कर रहा हूँ, आएगा। जब रिवर्स होगा तो इतना ही रिवर्स नहीं होगा, हो सकता है 10,000 तक आ जाए, हो सकता है ये 8,000 तक आ जाए, समझ में आ गए। तो चलो 10,000 भी आएगा तो बहुत काफ़ी है, 2,000 पॉइंट से नीचे जाएगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि अगर किसी ने इस पॉइंट पे अगर किसी ने पैसे लगाया होता तो यहाँ तक उसका कैपिटल जो है ना वो 2 गुना हो चुका होता, तो काफ़ी होता है। मान लीजिए अगर 2,000 पॉइंट भी नीचे आता है, तो अगर मान लीजिए अगर किसी ने अभी कैपिटल पे लगाया और 6 महीने लगते मान लीजिए 11,000 आने पे, या 6 महीने लगते उसको 10,000 आने पे, तो याद रखिएगा आपका पोर्टफोलियो -25-30% हो चुका होगा, ये चीज़ होता है। इसलिए कोई बात नहीं, हमें थोड़ा ना इन्वेस्टमेंट जो करना है वो 1 दिन के लिए करना है, 1-2 दिन के करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है वो, समझ में आ गया। 1-2 दिन करने वाले इंट्राडे होता है, तो फिर लगाइए निकलिए, लगाइए निकलिए, उसके लिए क्यों देखना है कि हमें क्या करना है,
हाँ जुआ खेलिए फिर, वो तो आप हर दिन के मूवमेंट को चेक करिए। हर दिन का मूवमेंट किस पे आता है? इन हर दिन का मूवमेंट जो होता है न्यूज़ पे होता है, चार्ट पे होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मूवमेंट जो होता है वो फंडामेंटल्स पे होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स जो है अभी ठीक नहीं है, और अगले वाले जो जीडीपी आएगा अगले क्वार्टर का वो इससे नीचे आएगा, समझ में आ गए। तो इसीलिए मैं शॉर्ट बना के ही बैठूंगा, मैं तो नहीं बढ़ाऊंगा ऊपर, समझ में आ गए। तो कुछ लोग बोलेंगे अभी भी कभी तो जीडीपी नीचे आएगा तो क्या हो गया, मार्केट को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चार पांच कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको पकड़ के बैठा है, निफ्टी नीचे नहीं जा रहा है, तो हम क्या करें बताओ, समझ में आ गई बात। तो अब बाकी कंपनी तो नीचे ही है ना। चलो और कुछ जानना है इसमें किसी को? तो यही मैंने हिस्ट्री यहाँ पे लिखवा के दिया है, ये देखो हिस्ट्री सब लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने। इन्वेस्टमेंट 6 महीने बाद करना चाहिए, हाँ ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छे दिन नहीं आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी जो है अभी वो इकोनॉमी वाले रिफॉर्म नहीं चल रहा है, अभी जो चल रहा है ना इकोनॉमी वाले रिफॉर्म नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इकोनॉमी पे ध्यान नहीं देंगे, नहीं देंगे तो फिर थोड़ा ना दूसरी बार आने देंगे उनको, है ना। हाँ तो अभी जो है गवर्नमेंट जो उधर ध्यान नहीं दे रहा है, या तो ध्यान देना नहीं चाहता, या उनको ये सोच रहा है कि चलो अभी हमारा मौका है, क्या कि जब चुनाव के टाइम पे तो ये सब नहीं कर पाएंगे, है ना। और चुनाव के टाइम देखो इंसान के सोच जो होते हैं ना हर सेकंड बदलता है। हो सकता है कुछ लोग अभी बीजेपी के खिलाफ हो, मोदी जी के खिलाफ हो सकता है जब चुनाव के टाइम पे बढ़िया काम करने लग जाएगा फिर से मूड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सोच रहा है कि अगर मान लीजिए जो पब्लिक के खिलाफ है, जो लोगों को पसंद नहीं आता है, वो काम अभी करने दो, ठीक है, वो काम अभी करने दो। ऐसा नहीं कि काम बेकार है, काम तो अच्छा ही है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिटीजनशिप वगैरह कुछ भी काम करे काम अच्छा ही कर रहे, बस दिक्कत क्या हो रही है कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रहा है इनका, इनको इस गवर्नमेंट का दिक्कत यह है कि खुद भी कॉन्फिडेंस में नहीं है। आप अगर कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे तो क्या होगा देखिएगा, मान लीजिए बॉस के पास जा रहे हो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, एक बार कुछ और बोलोगे, और मान लीजिए थोड़ा देर के लिए डांट पड़ गया ना तो बात फिर बदल दोगे, और फिर उसके बाद किसी और ने कुछ और बोल दिया तो कुछ और बदल दोगे। ये क्या होता है, कॉन्फिडेंस ना होना, है ना। मान लीजिए मोदी जी ने बोला हम सॉरी मोदी अमित शाह बोलते हैं कि हम एनआरसी लेके आएंगे, तो कॉन्फिडेंस रखो ना, हाँ लेके आएंगे। अब मोदी जी आके बोलते हैं हमने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं है, तो अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, उधर कह रहा है कि हम तो लेके ही आएंगे हर हाल में, संसद में बोलते को लेके आएंगे, और यहाँ कह रहे हैं आज तक तो हमने बोला ही नहीं, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, यहाँ सच में लगता है कभी नहीं बोला है। मोदी जी का देखते ना बोले आवाज में कितना दम था, आज तक डिटेंशन सेंटर कभी बना ही नहीं, इतने दम लगा के बोल रहे कि जाए सही में बोला है कि नहीं बना है ना। तो वो चीज होता है। तो अगर मान लीजिए आपको लाना है एनआरसी, लाइए ना, बुराई क्या है, अच्छी बात है, हम तो बार बार कहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, लेकिन हाँ आप इंप्लीमेंटेशन इतने अच्छे से कीजिए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता इंप्लीमेंटेशन करने क्या फायदा, नोटबंदी कर ली इतना सारे लोग, कितने लोग रोड पे आ गए, है ना, इकोनॉमी चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, आपका इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ। तो एनआरसी के साथ भी यही होगा, अगर इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ तो जीडीपी 1-2% नहीं जाएगा, रिसेशन में जाएगा, जो मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है, और वैसे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है जी। हाँ नहीं कुछ लोग होता है मेरे पे हावी कर हो जाते हैं ना, अब मैं 2-4 वर्ड कभी कुछ लिख दिया तो उसमें नीचे आता है सर आपको क्या फर्क पड़ता है, अब बच्चे तो मेरे से पढ़ा है तो उनको मालूम है ना कि मैं इंडियन नहीं हूँ, तो कुछ लोगों को ये लग जाता है सर आपको क्यों फर्क पड़ता है, आप क्यों बीच में बोलते हो, इसीलिए मैं बोलता ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ बस इतना पता है कि इम्प्लीमेंटेशन सही हो तो अच्छी बात है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अभी इकोनॉमी ठीक नहीं चल रहा है, ठीक अभी इकोनॉमी तो बहुत ही बुरा है, कुछ कल कोई एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस कोई जो वेबसाइट है उसने कुछ लिस्ट दिया था, जितने भी स्टार्टअप जो नए नए अभी कंपनी आए थे उस सब का लिस्ट है, ठीक है मैं पढ़ता हूँ आपको, पढ़ू एक बार, हाँ सारे ही लॉस में, सारे ही लॉस में, कौन सी ग्रुप पे डाला था, किसने डाला था, पेटीएम, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओयो, जितने भी कंपनी थे, एक अर्बन लैडर था वो बस छोटा सा 49 करोड़ के प्रॉफिट में दिखाया, बाकी जितने भी कंपनी है सारे को दिखा रखा है अभी लॉस में, कितने दिन झेल लेगा, मान लो अभी तो झेल लेगा, अगर ये कंटिन्यू हो गया अगर, तो सोचो ना कंटिन्यू हो गया, और अगर कंपनी धीरे धीरे सबको लगा कि अब हम बंद होने के कगार पे आ गए तो ये हाल होगी ना, फिर उठ नहीं पाओगे आप, क्योंकि फिर अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेंगे, क्योंकि सब कंपनी का क्या होगा। तो इसीलिए होता है कि टाइम पे सोच लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बार हम सोचते हैं कि चलो उसको तो बाद में सोच लेंगे, कभी कभी मौका ऐसा आता है कि हम सोचने के काबिल ही नहीं बचते, समझ में आ गए। चलो कोई बात नहीं, तो हम सिंपली ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो अभी सिचुएशन जिस तरीके का है उससे जीडीपी घटेंगे, घटेंगे तो कुछ ना कुछ दिन के बाद तो ये मार्केट नीचे आना कन्फर्म है, चाहे वो 6 महीने लग जाए चाहे 1 साल लग जाए, लेकिन मार्केट नीचे आएगा।
तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते उस टाइम करना चाहिए। एक बार देखिए यहाँ पे मैंने बोला है 1,062,800, याद आ गया कुछ? 2009 में 2,800, फिर दोबारा 6,200 पहुंचा और 2014 तक कितने पे था याद करो, 6,200 को क्रॉस नहीं किया निफ्टी का। फिर उसके बाद 2015 में गया 9,000, ठीक है, फिर उसके बाद आगे 11,750 पे, फिर 10,900, आज कितने चल रहे हैं आपका 12,250, ठीक है जी। मैंने बोला है चेंज इन निफ्टी एंड सेंसेक्स आर ऑलमोस्ट सेम बिकॉज ऑल 30 स्टॉक्स ऑफ सेंसेक्स आर ऑल्सो इन निफ्टी 50, पूरे 30 कंपनी इसमें है। स्मॉल डिफरेंस इन चेंज इन ड्यू टू एडिशनल 20 कंपनीज इन निफ्टी 50। एक काम कर लीजिए, इसका मार्केट कैप आज तक मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया था, किसका, ये 20 कंपनी जो बचा था ना जिसको आज हमने निकाला है, वो हमने कभी ऐसे चेक किया नहीं था। आज मूड किया तो हमने एक्सेल शीट पे चेक कर लिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना बचा हुआ, इधर तो लिखना नहीं पड़ रहा था ना, तो उधर हमने थोड़ा चेक कर लिया। वो कितना था 20 कंपनी का, 6 लाख, लिख लीजिए यहाँ सामने। स्मॉल नहीं तो ऐसे नहीं, स्पेस है ना यहीं पर, यहीं पर लिख लो ना, यहीं पर लिख लो, यहीं पर लिख लो। एक काम करिए यहाँ लिख लीजिए, यहाँ क्या लिख लीजिए मैं बता देता हूँ आपको, तो थोड़ा याद हो जाएगा ना आपका। मार्केट कैप नहीं लिखा हुआ है ना, ये लिखवा देता हूँ आपको, वो जो आपका स्पेस है वहाँ ये लिख लीजिए थोड़ा सा शॉर्टकट में। करंट निफ्टी कितना है आपका 12,250, करंट मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना था, रुको इसको ना, थोड़ा कम स्पेस है ना आपके पास, करंट सेंसेक्स कितना चल रहा है 41,500 है ना। अब रुक जाओ, अभी लिखना थोड़ा देर में, वो दो लिख लिया ना, अब रुक जाओ मुझे थोड़ा पहले लिखने दो, इंडिसेज नंबर ऑफ कंपनीज ये है हमारे लिए, अभी मत लिखना आप लोग, सेंसेक्स ये है 30, ये है 20, ये कितना हो गया हमारा 50, 50 का क्या बन गया हमारा निफ्टी। इसमें अगर मार्केट कैप देखा जाए फ्री फ्लोट, अभी नहीं लिख रहे हो ना आप लोग, मत लिखो, फ्री फ्लोट मार्केट कैप अगर देखा जाए तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो होगा आपका इसका बन रहा है कितना, ये करेंट है आज के डेट का ये, ठीक है जी, करेंट यानी कि 44 लाख करोड़, इसका चल रहा है 6 लाख करोड़, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया आपका, अच्छा 50 का 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, ठीक है जी, 50 लाख करोड़ फ्री फ्लोट मार्केट कैप है निफ्टी का आज के रेट पे 50, सेंसेक्स का चल रहा है 44, ये ठीक है, ऐसे ही लिख लो, ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लीजिए, करंट निफ्टी चल रहा है आपका इतने का, ठीक है। इंडिसेज सेंसेक्स नंबर ऑफ कंपनी 30 है, 20 हमने एडिशनल लिख लिया, इसको कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, अदर करके है या एडिशनल कंपनी कर सकते हो, और 20 डाल दिया तो हमने 50 का निफ्टी हो गया, 50 लाख करोड़ है, उधर 44 लाख करोड़, इधर 60 लाख। ये जो 50 लाख करोड़ है ना, ये आपका कितना है बता देता हूँ, 66% ऑफ, ये 66% है आज के रेट पे, उस टाइम का था तो हमेशा 66% ही होगा, 66% ऑफ NSE मार्केट कैप, 66% ऑफ NSE मार्केट कैप, NSE का जो मार्केट कैप है ना उसका 66% आपका निफ्टी रहता है। और आप देख सकते हैं इसमें से जो फोर कंपनी है, फोर कंपनी जो आपका बनता है मोटा मोटा 20 लाख करोड़ है ना, 20 लाख करोड़। एफएफ मार्केट कैप
ऑफ टॉप फोर कंपनीज है स्पेस? टॉप फोर कंपनीज कौन कौन सी बताइए? HDFC बैंक, एच रिलायंस, HDFC एंड ICICI बैंक। कितना है? FF मार्केट कैप ऑफ टॉप टू टॉप फोर कंपनीज इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख देता हूँ, याद रखना आसान हो जाएगा, 20 लाख करोड़। इसीलिए जब HDFC का नेट बैंकिंग 3 दिन बंद हो जाता है तो RBI को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ जाता है, समझ में आ गई बात? क्योंकि तो उनको भी पता है इतना सेंसिटिव मैटर है HDFC बैंक। इसीलिए इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और बैंक के साथ तो दिक्कत ये भी है कि प्रोमोटर होल्डिंग 20% ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, समझ में आए? और चलो रिलायंस के लिए तो ठीक है, 47% कौन लेके बैठा है अंबानी? कुछ गड़बड़ होगा तो पहले वो लूटेगा खुद। और यहाँ बैंक के साथ तो क्या, 80% तो पब्लिक ही लूटेगा, क्योंकि वहाँ पे कैपिंग लगा हुआ है, प्रोमोटर 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है बैंक में, समझ में आ गई बात? चलो इतना जनरल नॉलेज काफ़ी है। अब देखिए कुछ सेक्टर वाइज इंडिसेज है। अब कुछ लोग बोलेंगे ब्रेक भी तो चाहिए, आज तो छुट्टी का दिन है ना? नहीं है? चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर इसको कंप्लीट करके फिर चार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा सेक्टर वाइज इंडिसेज। सेक्टोरल इंडिसेज का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी हम लोगों ने जो देखा था निफ्टी या सेंसेक्स, वो ब्रॉडर मार्केट था, उसमें किसी एक इंडस्ट्री का यानी कि किसी एक सेक्टर का स्टॉक के ग्रुप नहीं था, वो इंटायर मार्केट का ग्रुप था, जिसमें आपका बैंकिंग सेक्टर भी था, IT भी था, आप देख रहे थे, उसमें FMCG भी था, उसमें PSU बैंक भी था, उसमें मेटल भी था, आपने हर फार्मा भी था, सारे सेक्टर को देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, सेक्टर वाइज इंडिसेज देखते हैं। जैसे आपने निफ्टी बैंक देखते हो है ना, निफ्टी बैंक, अगर निफ्टी बैंक में अगर हम लोग चले तो ये देखिए, निफ्टी बैंक को आपको देखना हो तो यहाँ जाइए, यहाँ जो आपका निफ्टी 50 है ना, इसी को क्या कर लिए, निफ्टी बैंक हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए ये देखोगे तो 12 कंपनी का लिस्ट होगा, इसमें काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 बैंक को मिला लिए और उसका एक ग्रुप बना दिया, नाम क्या रख दिया उसको, निफ्टी बैंक। कुछ लोग इसको बैंक निफ्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पुराना नाम जो था बैंक निफ्टी हुआ करता था, इसकी वजह से। आज अगर देखोगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जुआ खेला जाता है वो इस दो पे खेला जाता है, निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पे। यहाँ देखिए मार्केट डेटा पे जाके देखिएगा, कहीं पे मोस्ट एक्टिव अंडरलाइंग कहीं पे होगा, अब वो कहाँ मिलेगा पता ही नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट लिस्ट क्या चीज़ का लिस्ट दे रहा है भाई, तू बता, नाम भी तो सही होना चाहिए ना, तो पता चल जाए ना। ट्रेड रेगुलेशन से मुझे क्या लेना देना है, लर्न सीखना है, क्या सीखना है बताओ, कोर्स मॉड्यूल रिकॉर्ड, रहने दो, थोड़ा देर के लिए हम लोग उसी पे चलते हैं, किस पे, हमारा पुराना काफ़ी है, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड, हम चलते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ कहते हैं लाइव मार्केट में आपको यहाँ पे दिख रहा है मोस्ट एक्टिव अंडरलाइंग और कॉन्ट्रैक्ट, दिख रहा है यहाँ पे मोस्ट एक्टिव कौन कौन है, चलो देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि देखिए मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज जो था पिछले दिन वो रिलायंस था, उसके बाद इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, SBI, एक्सिस बैंक के लिस्ट दे रहा है, ठीक है, वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कहता हूँ मोस्ट एक्टिव अंडरलाइंग, अंडरलाइंग जिस पे जुआ खेला जाता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, कहते हैं देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी, इसमें जो आपका टर्नओवर देखते हो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू, वॉल्यूम है ये, तो वैल्यू देखिए कितने का ट्रेड होता है टोटल में, टोटल में अगर आप चेक करोगे तो ये 4 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ का तो टर्नओवर एक दिन में आता है सिर्फ इस दोनों से, सोच लो क्या है ये, कितनी छोटी सी जुआ है ये। हम लोग जब तक नहीं खेल पा रहे तब तक हमें समझ आता है कि सब ऐसे ही है, इमेजिन करो ना, एक दिन का टर्नओवर है ये, कितना, 7 लाख करोड़, सिर्फ दो ही का, कौन कौन, बैंक निफ्टी और निफ्टी। आज से 3 साल पहले निफ्टी वर्ल्ड के
फोर्थ मोस्ट एक्टिव अंडरलाइंग में आया करते थे निफ्टी, दुनिया का, दुनिया के किसी भी अंडरलाइंग मतलब इंडेक्स में जितना बोली लगता होगा, जितना सट्टेबाजी चलते थे, उसमें से चौथे नंबर पे आते थे दुनिया के, कौन? निफ्टी। आज के रेट पे थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, बताओ क्यों? क्योंकि जब से निफ्टी बैंक में वीकली एक्सपायरी शुरू हुआ, वीकली एक्सपायरी मतलब इसमें जो जुआ खेला, जैसे देखो आप देखते हो क्रिकेट का वर्ल्ड कप आते हैं कितने दिनों में? 4 सालों में। अब आप देखते हो ये क्या कहते हैं, पीछे फिर लोगों को लगा कि बहुत टाइम लग जाता है, 4 साल तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। देखने बीच में एक इंट्रोड्यूस किया IPL, है ना जी, तो उससे क्या हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी लोगों को मौका मिला सट्टेबाजी करने की। वैसे ही पहले जो हुआ करते थे, महीने में एक दिन शर्त लगते थे, मतलब हर महीने के लास्ट थर्सडे को जो मैच खेला जाता था, उस मैच पे आपको पूरे महीने शर्त लगाते रहिए। लोगों को लगा कि जुआ थोड़ा सा, लोगों को थोड़ा सा और जल्दी ज़्यादा चाहिए, डोज थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए लोगों को। तो एक्सचेंज ने क्या किया, स्टार्ट किया निफ्टी बैंक को वीकली एक्सपायरी स्टार्ट किया, कहते ये मैच जो है ना हर हफ्ते खेले जाएंगे अब लास्ट थर्सडे को। शुरुआत किया किसके साथ, निफ्टी बैंक के साथ। तो अब मुझे बताइए, जब हर हफ्ते जुआ खेलने लग गए, मतलब मैच होने लग गया, तो सट्टेबाजी ऑटोमेटिक किधर की तरफ मूव बढ़ करेगा, निफ्टी बैंक की तरफ। तब तक निफ्टी में महीने का सर, एक महीने में एक बार मैच खेला जाता था, और निफ्टी बैंक में हर हफ्ते, तो ऑटोमेटिक उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, और लोगों को वो ज़्यादा पसंद आने लग गया निफ्टी बैंक। तो निफ्टी में धीरे धीरे जो है ना थोड़ा सा वॉल्यूम कम होने लग गया, और अभी पिछले, अबे इसको भी हो गया अब ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही रहा होगा, फरवरी जनवरी, अभी क्या चल रहा है, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, फरवरी से इंट्रोड्यूस हुआ था ये, पिछले ये 2019 फरवरी से, इसमें भी बोला कि चलो इसका भी मैच हम हर हफ्ते कराएंगे, किसका, निफ्टी का भी, लेकिन वो जो मैच खेले जाएंगे वो सिर्फ कॉल पुट का, फ्यूचर का नहीं, कॉल पुट का, वो जो सी और पी जिसमें 10,000 जो 10 लाख पे जाते हैं ना, और 10,000 जो जीरो बनते हैं उसके साथ, वो वाले जुआ जो है ना वो हर हफ्ते खेला जा रहा है आज के रेट पे, दोनों में, कौन कौन सी, निफ्टी बैंक भी और निफ्टी भी, इन दोनों का वीकली एक्सपायरी चल रहा है अभी, समझ में आ गए, हर हफ्ते होता है, तो इसीलिए आज के रेट पे अब आपको देखेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो ऑलमोस्ट दोनों का आपको सेम दिखता है। निफ्टी बैंक का वॉल्यूम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि निफ्टी का जो, निफ्टी बैंक का जो मार्केट पॉइंट है, जो आज के रेट पे इसका जो वैल्यू चलता है, वो देखिए कितने का चल रहा है, 32,000 का सेंसेक्स, निफ्टी कितने का है, 12,000 का, निफ्टी बैंक कितने का चल रहा है, मोटा मोटा 32,000 का। तो आप देख रहे हो सोल ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्राइस है इसका, है ना, तो इसीलिए वॉल्यूम जो होते हैं ना थोड़ा सा इसका ज़्यादा हो जाता है। चलिए, तो ये 12 कंपनी का लिस्ट जो, इसको कहते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक किसी को देखना है, क्यों देखना चाहेगा, वही जानना चाहते हैं बैंकिंग कंपनी में क्या हुआ। जैसे आप देखते हो तो निफ्टी ऑटो है, ऑटो सेक्टर में आप, यानी कि आपको ये देखोगे तो कुछ ऑटो कंपनी का ग्रुप बना दिया, इसको नाम क्या रख दिया, निफ्टी ऑटो। अब आपको देखना है कौन कौन सी कंपनी, वो देखते रहिए, मेरा काम है बता देना कि कैसे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ देखोगे निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी देखोगे तो 10 IT कंपनी का लिस्ट है, जिसमें आप देखिए इसमें कौन कौन सी 10 कंपनी, आपको समझ आ जाएगा। एक है हेक्सावेयर, टेक महिंद्रा, टाटा लेक्सी, HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, TCS, जस्ट डायल, माइंडट्री, विप्रो एंड NIITech, ये जो 10 कंपनी है ये इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इस कंपनी में अगर आप देखोगे कि ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि निफ्टी आईटी जो है 74.2 पर था, जिसमें 0.47% ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया कि मोटा मोटा जो 10 कंपनी है, 10 कंपनी का ऑन एन एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है 0.47% से पिछले दिन ज़्यादा गया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से सारे कंपनी का आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। कोई कहता है नहीं मुझे तो निफ्टी 100 देखना है, निफ्टी नेक्स्ट 50 देखना है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 देखना है तो ये ब्रॉडर मार्केट का हो जाएगा, वो यहाँ से देख सकते हो। वैसे इंडिसेज देख सकते हो, ब्रॉडर मार्केट देख सकते हो, ये आप देखते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने निफ्टी बैंक की बात किया है, ओल्ड नेम इसका बैंक निफ्टी हुआ करता था, निफ्टी आईटी, निफ्टी FMCG, निफ्टी फार्मा, सब जो है हमारा इंडेक्स है, इंडिसेज जो है वो सेक्टर वाइज है। ग्लोबल मार्केट में चलते हैं थोड़ा देर के लिए, ग्लोबल मार्केट में देखिए, US मार्केट में जाइए, वहां पे आपको डाउ जोन मिलेगा, ठीक है। ये पोर्टफोलियो ऑफ 30 कंपनीज स्टॉक लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। आपको ना ना तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम याद रखना है, ना तो आपको नंबर ऑफ कंपनी याद रखना है, समझ में आ गए। हाँ, अगर आप 2-4 बार देखते जाओगे तो बार बार आपको पता चल जाएगा डाउ जोन कहाँ का है, बस इतना, हाँ इतना पता चल जाए कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का है, ये काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। SNP 500, ये भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का 500 कंपनी का ग्रुप है। ये नैसडैक,
ये 100 कंपनी का जो है वो भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, 100 कंपनी जो है उसका नैसडैक है। नैसडैक में थोड़ा सा दिक्कत है, नैसडैक मार्केट का भी नाम है, नैसडैक इंडेक्स भी है। जैसे निफ्ट से देखा जाए तो निफ्ट से दो चीज़ों के लिए यूज होता है निफ्ट से। ये देखिए मैंने ऐसे लिखा, इसका दो मतलब है, नेपाल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म है नेप से, और उसके जो इंडेक्स बनाया ना उसका भी नाम रख दिया नेप से। तो मार्केट को भी हम बोलते हैं नेप से, और इंडेक्स है उसका उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, नेप से। तो अगर कोई ये बोलता है कि नेप से आज 1% ऊपर गया तो क्या कहना चाह रहा है, इंडेक्स 1% ऊपर गया। हम कहते हैं हम नेप्से में ट्रेड करते हैं, तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ। समझ में आ गया, मैं नेप्से में ट्रेड कर रहा हूँ इसका मतलब, जैसे भी कहते हो एनएससी में ट्रेड करता हूँ, वैसे नेप्से में ट्रेड करते तो मार्केट को इंडिकेट करता, नेप्से 1% ऊपर गया तो इंडेक्स को इंडिकेट करता है। वैसे नैसडेक के साथ है, नैसडेक ओटीसी मार्केट है, ये स्टॉक एक्सचेंज है ये नैसडेक, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन सिस्टम, ये एक नैसडेक एक मार्केट है। आप देखिए नैसडेक का पूरा आपको एक वेबसाइट मिलेगा आपको, समझ में आ गए। और नैसडेक इंडेक्स भी है, तो इंडेक्स है 100 कंपनी का और मार्केट तो मार्केट हो ही गया। यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे डालोगे नैसडेक तो दो चीज आएगा आपको, एक तो वो भी आ जाएगा आपका, देखो नेक्स्ट इंडेक्स डालोगे तो फिर क्या आ जाएगा पॉइंट, और सीधा नैसडेक लोगे तो उसके वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यानी कि नैसडेक जो है वो दो चीजों को, देखो नैसडेक कह रहे हैं कि 9000 की इंडिसेक्स की बात कर रहा है, और जब आप जाओगे तो ये देखो मार्केट भी दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके पढ़िए तो ये कह रहे वर्ल्ड के हाई लार्जेस्ट जो है आपका ओटीसी मार्केट का प्लेटफॉर्म। यहाँ देखो अब ये नैसडेक पे चला गया, अब यहाँ पे एडीआर जीडीआर जो है ना, जैसे आप इन्फोसिस की बात कर रहे हो, इन्फोसिस ने एडीआर इश्यू कर रखा है, वो एडीआर का प्राइस यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। कहीं पे सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, एक मिनट, ये होगा सर्च करने का ऑप्शन, ये रहा फाइंड अ सिंबल, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि निफ्टी इन्फोसिस INFY, ये ध्यान से देखिए ये मार्केट है, इसीलिए हमें इन्फोसिस का ADR अमेरिकन डिपॉजिटेड रिसीट, ये देखो कह रहे कि हमारा इन्फोसिस का जो अमेरिकन डिपॉजिटेड रिसीट है उसका प्राइस आपको आ रहा है कितना आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आना चाहिए था, नहीं आ रहे तो हम क्या करें, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे भाई, प्राइस तो बड़ा बड़ा दिखा दे चार्ट, ये रहा ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, $10 का चल रहा है। आप मुझे बताओ अब हम नैसडेक को अगर इंडेक्स बोलते तो नैसडेक पे ये कैसे दिख गया, मुझे बताओ, समझ में आ गई बात। तो कभी कोई बोले कि नैसडेक क्या है, तो नैसडेक दो चीज है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है 100, और एक नैसडेक वेबसाइट भी है, मतलब ये मार्केट भी है, ये ओटीसी मार्केट है, यहाँ खुद भी ट्रेड कराता है, जैसे एनएससी है ना मार्केट, वैसे नैसडेक एक मार्केट है, वो ओटीसी है, यहाँ 1-to-1 डील होता है, समझ में आ गए। तो नैसडेक एक यूएस का सबसे बड़ा ओटीसी मार्केट, यहाँ 1-to-1 डील होता है, यहाँ 1-to-1 डील होता है, एनएससी में बोली लगता है, यहाँ बोली नहीं लगता है, यहाँ क्या होता है 1-to-1 डील होता है। जैसे आप जाते हो ओएलएक्स पे क्या करते हो, 1-to-1 डील करते हो, वैसे यहाँ पे किसी एक इंसान को एप्पल का शेयर खरीदना है, किसी एक इंसान को एप्पल का शेयर बेचना है, यहाँ 1-to-1 डील हो जाएगा, समझ में आ गई बात। इसीलिए इसको ओटीसी मार्केट बोलते हैं, ओवर द काउंटर, जिसने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा है उसको ओटीसी समझ आता है। नैसडेक वर्ल्ड के लार्जेस्ट ओटीसी मार्केट है ये, ठीक है, इसका कोई ट्रेडिंग हाउस नहीं दिखेगा, इसका फिजिकल बिल्डिंग नहीं दिखेगा, जो भी है सारे वेबसाइट पे ही है, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए कभी अगर नैसडेक बोला जाए तो दोनों तरीके से समझिएगा इसको। नैसडेक कंपोजिट जो है ये 100 स्टॉक का लिस्ट है, ये यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट का टाइमिंग होता है जब हम सो रहे होते हैं, तब जब हम सो रहे होते हैं 7-7:30 बजे के आसपास, जब सो नहीं रहे होते उस टाइम शाम से ये स्टार्ट होते हैं, और हम लोग जब सो रहे होते हैं तब तक ये चल रहा होता है, और जब हमारा मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है तो ये देखता है कि कल रात को यूएसए में क्या हुआ, और उसके बेसिस पे हमारा मार्केट का ओपनिंग डिसाइड होता है, समझ में आ गया। ये एशियन मार्केट, एशियन मार्केट क्या होता है, जब हम लोग ट्रेड करने जब हम लोग क्लास आते हैं उस टाइम ये ओपन हो चुका होता है, एशियन मार्केट का अपडेट्स वगैरह आना शुरू हो जाएगा 7 बजे से। यानी कि ये जो एशियन मार्केट में निक्की जो है ये आपका टोक्यो मार्केट का है, निक्के 225, ये 225 अपने आप बता रहे क्या है, ये 225 कंपनी का लिस्ट है, ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। स्ट्रेट टाइम्स, ये सिंगापुर मार्केट का 30 कंपनी का लिस्ट है, स्ट्रेट टाइम्स। हैंगसेंग हांगकांग मार्केट का 48 कंपनी का ग्रुप है ये। कोस्पी, ये ऑल स्टॉक्स जितने कंपनी लिस्टेड है सारे का ये ग्रुप है ये। बोलोगे सारे का ग्रुप, हाँ कुछ लोगों ने सारे बना दिया, जैसे यहाँ के मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिया था NYSE कंपोजिट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE कंपोजिट एक इंडेक्स है,
वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जितने कंपनी लिस्टेड है सबका ग्रुप बना दिया। जैसे 1900 कंपनी का भी तो ग्रुप बन सकता है, नहीं बन सकता है? बन सकता है। जैसे अब नेपाल की जो नेप्से है वो जितने कंपनी लिस्टेड है सबका ग्रुप है, वो उसमें कोई एक इस कंपनी स्पेसिफाइड नहीं है। वैसे जो कोस्पी है आपका वो क्या है, ऑल स्टॉक लिस्टेड ऑन कोरिया स्टॉक एक्सचेंज, साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। शांघाई कंपोजिट, शांघाई कंपोजिट जो चाइना का इंडेक्स है, ये ऑल स्टॉक से इसमें भी शांघाई कंपोजिट जो सारे स्टॉक के साथ ये बना रखा है, नेप्से पोर्टफोलियो ऑफ ऑल स्टॉक लिस्टेड ऑन नेपाल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस एक बार नाम सुन लेंगे तो पता रहेगा, अच्छा कोस्पी है तो एक इंडेक्स है, अच्छा ये क्या कहते हैं स्ट्रेट टाइम्स, ये सिंगापुर मार्केट का एक इंडेक्स है, निक्के ये क्या है जापान टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का है। ठीक है, जैसे आप अगर मनी कंट्रोल पे भी जाओगे तो सारे इंडेक्स आपको वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है सुबह सुबह। जब सीएनबीसी आवाज पे जाओगे या आप जी बिजनेस पे जाइए सुबह, क्या कहते हैं टीवी चैनल आप ओपन कीजिए, जैसे आप ऑन करोगे ना टीवी चैनल तो वहां पर आपको स्क्रीन पर यही दिख रहा होगा कि एशियन मार्केट अपडेट, जापान के मार्केट में ये हुआ, कोरिया में आज ये हुआ, क्या कहते हैं शंघाई कंपोजिट में ये चल रहा है, हैंगसेंग इतने पे चल रहा है अभी। तो उससे क्या लगता है कि अगर ग्लोबल मार्केट आज पॉजिटिव है तो उम्मीद रहता है कि हमारा मार्केट भी आज पॉजिटिव ओपनिंग होंगे 9 बजे, ये इसीलिए लोग एशियन मार्केट को देखने जाते। यूरोपियन मार्केट जब हम ट्रेड कर रहे होते तब ओपन होता है, याद रखना यूएस मार्केट जब हम सो रहे होते तब ओपन होता है, एशियन मार्केट जब हम लोग यहाँ आते उस टाइम आपका ओपन हो चुका होता है, और जो यूरोपियन मार्केट जब हम लोग ट्रेड कर रहे होते 1 बजे के आसपास, एक डेढ़ के आसपास इसका मार्केट ओपन होता है। कौन सी यूरोपियन फटसे 100 क्या बता रहा है, 100 कंपनी का ग्रुप, नंबर ऑफ कंपनी आपको याद नहीं रखना है, बस फटसे याद होना चाहिए, फटसे लंडन का है ना जी, कैक फ्रांस मार्केट का, डैक्स कैक डैक्स फटसे, ये तीन जो है ना ये आपका यूरोपियन मार्केट का थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है। हमें कुछ नहीं, बस एक बार पता होना चाहिए कि क्या क्या एक इंडेक्स है, डैक्स एक इंडेक्स है, बस सिंपल। जैसे आपको अभी एक डेरिवेटिव में फॉरेक्स में क्वेश्चन डाला था S&P 500 पे, ऐसे ही कभी हो सकता है डैक्स पे क्वेश्चन डाल दे आपको, है ना, यूरो पे आपको कुछ लगा के, तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना, नाम सुना होना चाहिए, डैक्स कैक फटसे है ना, शांघाई नैसडैक कोस्पी और कौन 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 था, नेप्से क्या कहते हैं, बहुत सारे था। ठीक है, अब जो आ जाएगा एक बार तो समझ आ जाएगी कि वो कौन सी इंडेक्स है, इसका नाम था इंडेक्स सी। समझ में आ गई बात, इसमें दो बार डबल आ गया फिर से, क्या क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाँ जी, इसका नाम था स्टॉक मार्केट। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ और भी, उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सब वो लिखा हुआ नहीं, ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे ये गया, मैं गया, थोड़ा सा ना इसको बंद करता हूँ, बहुत स्क्रीन ओपन हो गई, थोड़ा सा इसका भी दिमाग घूम जाएगा, फिर किसका, ब्राउज़र का भी दिमाग घूम जाएगा, स्लो हो जाएगा। हाँ बोलो ना, बोलो बोलो। पब्लिक होते बोली लगते, एक्सचेंज में हर जगह बोली लगते, वो तो मार्केट को देख के ही होता है, ओटीसी में भी जाएंगे तो मार्केट को देख के ही होता है। हाँ जी, ये देखिए जी, ये हमारा होल्डिंग है ना, ये मेरा होल्डिंग है जिसमें मेरे पास 23 स्टॉक है अभी फिलहाल, है ना। इसको आप जिरोधा पे जब जाते हो तो इसका जो रिपोर्ट वगैरह ढूंढना होता है वो आपको कंसोल से दिखता है। यहाँ पे जाओगे, ये जो कंसोल है ना, यहाँ से रिपोर्ट आता है, ठीक है। इस कंसोल पे गया मैं, वो एक नया वेबसाइट ओपन हो जाएंगे, इसके बाद जब यहाँ जाओगे तो ये सारे आपको पूरा डिटेल दिखाता है, ठीक है जी, कि आपके पास क्या है, कैसे, देखिए आपके पास कैसे 7 लाख रुपये का प्लेस्ड होल्डिंग, ये मुझे बताना था, इसी के लिए मैं यहाँ आया था। इक्विटी होल्डिंग मोटा मोटा 1,91,000 का, टोटल मेरे अकाउंट का वैल्यू 10 लाख का। अब ये देखिए यहाँ पे, ये रिपोर्ट पे गया मैं, रिपोर्ट पे कहता है आपको, बहुत सारे रिपोर्ट आ रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो है ये, पोर्टफोलियो पे गया तो होल्डिंग देखना चाह रहा हूँ, मेरा 26 होल्डिंग दिखा रहा है यहाँ पे, मैंने 26 होल्डिंग पे यहाँ पे क्लिक कर लिया, मेरे टोटल मैंने इसमें इन्वेस्ट किया 3,32,000, मेरा प्रेजेंट वैल्यू 3,17,000, अभी नेट रियलाइज मेरा इसमें 14,000 का लॉस चल रहा है, अनरियलाइज है ये, मैंने रियलाइज नहीं किया इसमें। फिर इसके बाद ये ब्रेकअप दे रहा है ये सारे, इस पर एक चीज़ देखिएगा, कहीं कहीं पे ना ये कुछ लॉक करा हुआ है, कुछ दिख रहा है आपको, ये देखो दो पे लॉक दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 पे लॉक दिख रहा है, ये तो कुछ दिख रहा है क्योंकि ब्रिटानिया ने ना कुछ बोनस डिवेंचर दिया था उसने, है ना, बोनस डिवेंचर दिया था उसने, 7 बोनस डिवेंचर दिया था जिसका वैल्यू 220 है, अब इसको खुद ही नहीं पता है कि कितने में हमने खरीदा है, तो ये कह रहा है आप इसका
जो डेफिशिएंसी है दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, देखो डिस्क्रिपेंसी दिखा रहे हैं, कैसे डिस्क्रिपेंसी को आप ठीक करो। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बताएगा कि आप बताओ कितने में खरीदे हो, कौन सी डेट पे खरीदे हो। ना टाइम मिलता है ना हम डालते रहने दें, 200 रुपये के लिए क्या डालना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मारुति 10 के साथ लॉक दिख रहा है, यहाँ TCS में 9 लॉक है और यस बैंक में 75। मेरे पास यस बैंक का 75 नहीं, 225 शेयर है, ठीक है जी। तो ये देखो कितने परसेंट लॉस में चल रही है, 67% के लॉस में चल रहा है, यानी कि 22,000 का तो लॉस ही है सोचो, और टोटल अब 10,000 का बचा हुआ, यानी कि 32,000 का इन्वेस्टमेंट था, इसमें से 22,000 स्वाहा हो चुका है ना, समथिंग कहते हैं ना स्वाहा, वैसे ही। चलो वापस आते, ये क्या होता है देखिएगा, ये जो मैंने अशोक लेंड है ना, इसको मैं यहाँ पे कुछ क्लिक करता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, ये दिखाता क्यों नहीं है। लॉन्ग टर्म हो जाने के बाद ग्रीन दिखाता है ये, है ना, और जो शॉर्ट टर्म होगा वो उसको आपको रेड दिखाएगा। देख रहे हो मेरा सारे लॉन्ग टर्म है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में कोई ट्रेड ही नहीं किया है। हाँ एक किया होगा AMC, HDFC AMC, लाल वाला लाल होगा यहाँ पे, वो भी नहीं दिखा रहा है यहाँ, क्यों नहीं दिखा रहा है HDFC AMC, क्यों नहीं दिखा रहा है ये HDFC। अच्छा ये यहाँ नहीं दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन, ये भी ऐसे ही लिया था एक शेयर कि उसको नोटिस करने के लिए कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। देखो ये भी 10% ऊपर जा रहा है, नहीं समझा बात। जब मैंने बेच दिया उसके बाद मैंने सोचा इसको खरीदना है तो एक खरीद के रख लेते, जब नीचे आएगा तो खरीदूंगा, और जो वैसे देखने के लिए खरीद रखा है वो भी 10% ऊपर जा चुका है वहाँ से भी, और वहाँ से भी अगर 1 लाख रुपये लगा चुके हो तो 10,000 फायदा हो चुका होता। चलो वापस आते, यहाँ क्या होता है कि जैसे मेरे पास स्टॉक है, जैसे मान लो कोई एक स्टॉक उठाते हैं अभी, मान लीजिए देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले कौन सी एक काम करते हैं, ये रहा प्रेजेंट वैल्यू, इसको शॉर्टिंग कर सकते हैं यहाँ से। सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले मेरा ये है 80,000 का, बोलोगे कौन है, मारुति है, ये तो ऑलरेडी प्लेस है। मैंने इसको, ये देखो ये लॉन्ग टर्म का है और इसको मैंने प्लेस कर रखा है, प्लेस करने का मतलब ये हो गया कि मैंने इसको गिरवी में रख के इससे पैसे ले लिया है मैंने, ठीक है। ये गलत, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल के डेट पे अगर जीरोधा में कुछ भी फ्रॉड होगा तो मेरा ये 10 शेयर जाएगा, क्योंकि ये CDSL के रिकॉर्ड में नहीं है, समझ में आ गया। तो ये सब पे मैं, चलो ये अभी मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर को ये जानना है, टेलीग्राम चैनल पर भी या यूट्यूब चैनल वाले को, तो सबके लिए मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो आप भी वहीं से देख लीजिएगा। ये सब आप सारे चेक कर सकते हो, आपके होल्डिंग सुरक्षित है या नहीं है, इन चीज़ों को आप वेरीफाई कर सकते हो। बोलोगे कैसे, जब हम किसी चीज़ को प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि वो CDSL से निकल के उनके पास चला जाता है, उनके पूल अकाउंट में, किनके, ब्रोकर के पूल अकाउंट में। और जो अभी जो कार्वी वाले ने जो किया था ना वो सब काम, वो इसी तरीके के शेयर के साथ किया था कि जिस इंसान के डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं है, ठीक है, उसने या तो उसके अकाउंट पे पूल अकाउंट में छोड़ दिया, किसके, ब्रोकर के अकाउंट में, या आप उनसे पैसे ले लेते हो तो क्या करते, आपके शेयर को गिरवी कर रख लेता है, ये सारे इसके अकाउंट में चला जाता है, किसके अकाउंट में, जीरोधा वाले का, और वो आपको क्या करते, एक लोन दे दिया एक तरीके से देखा जाए। तो मुझे क्या किया इसमें देखिएगा, मेरा जो 80,000 है ना, इस 80,000 में से 15% मोटा मोटा 15% रख के 85% मुझे उसने वापस कर दिया है। वो मुझे क्या दिया है, एज ए मार्जिन दिया है, जो आप देख रहे थे यहाँ पे इनिशियली जो आपको दिखा रहा था ना यहाँ पे, ये डैशबोर्ड पे जो दिखा रहा था कि ये देखो प्लेस्ड होल्डिंग, मैंने 1,26,000 का होल्डिंग जो है उसको प्लेस कर रखा है, और उस प्लेस से मुझे कुछ कैश मिला हुआ है। आप देखोगे एक तरीके से तो मेरा जो यहाँ होम पेज पे देखिए आप, ये हो मेरा होम पेज है जो आप देख रहे थे जहाँ से ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। तो ये देखिए ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे अगर आप जाके क्लिक करते हो तो देखो मेरा इक्विटी कितना दिखा रहा है, 8 लाख का दिखा रहा है ना यहाँ पे, जबकि सही मायने में मेरे पास 8 लाख नहीं है। ये देखो फंड में जाके, फंड में ये रहा, देखो फंड पे जब मैंने क्लिक किया तो कहते कि देखो मेरे पास मार्जिन 8,04,000 का अवेलेबल है, अवेलेबल कैश 6,91,000, 94,000, यानी कि मोटा मोटा अगर मैं कैश में से इसमें से विड्रॉ करना चाहूँ तो मैं 6,94,000 में विड्रॉ कर सकता हूँ। तो बाकी क्या है फिर, जब मेरा कैश 1 लाख है तो मुझे 8 लाख है तो 8 लाख में विड्रॉ कर सकता हूँ ना। कहते नहीं 8 लाख विड्रॉ नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि उसने मुझे स्टॉक कोलेटरल, ये जो 1,09,000 है ना वो मुझे दिया है, कहाँ से दिया है, वो ये वाले, ये देखो मेरे कितने प्लेस किया है, 1,26,000 का स्टॉक को मैंने प्लेस कर दिया है, उससे मुझे उसने कितना दे दिया है, 1,09,000 रुपये पर। तो बोलोगे क्यों लिया फिर आपने, है ना। वैसे ही कभी ट्रेड करना है तो मान लीजिए ये मार्जिन में हमारे पास रहता है, कभी किसी दिन ज़्यादा का ट्रेड मुझे करना हो गया तो ये मैं 8 लाख का ट्रेड ले सकता हूँ, जबकि अगर ये नहीं ले 1 लाख लिया होता तो मेरा कितना होता, वो 6 लाख नहीं 7 लाख, मैं सिर्फ 7 लाख का ट्रेड ले सकता था, अभी 1 लाख और एक्स्ट्रा है तो मैं कह सकता हूँ मैं 8 लाख का इंट्राडे या मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मार्जिन मुझे दे दिया है उसने, समझ
समझ में आ गए? तो ये रिस्की होता है, अगर आपको कभी लगे कि जरूरत नहीं तो इसको प्लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो जैसे मेरे को जरूरत नहीं है 1 लाख की, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतना कैसे मैं कभी यूज करता ही नहीं होता है, 7 लाख का कभी ट्रेड ही नहीं करता, 1-2 लाख का ट्रेड होता है मेरा, तो हम कह सकते हैं इसको हटा देना चाहिए। बट मैंने ऐसे ही अभी छोड़ दिया क्योंकि अभी इतना रिस्क नहीं है, अभी ना लग रहा है कि रातों रात ये डूबने वाला है, समझ में आ गया? इसीलिए चल रहा है, चल रहा है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, जब आपके पास होल्डिंग हो तो होल्डिंग को प्लेस करके आप वहाँ से सिक्योरिटीज ले सकते हो। और ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बोला है ये आपको डेरिवेटिव में यूज़ भी होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं इसी पोर्टफोलियो को हेज करते हैं इन निफ्टी फ्यूचर को यूज करके। तो उसको जो हेज करने के लिए जो यूज होगा ना, तो हमारे को वहाँ पे पैसे नहीं देना होता है, जब हम ट्रीटमेंट करेंगे ना तो वहाँ पे हम 1 भी रुपये नहीं लाएंगे घर से। तो आप बोलोगे सर हम फ्यूचर में मार्जिन ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि हम कोई ट्रेड ले रहे हैं नया, तो हमें पैसे भी तो लाने पड़ेंगे। तो मैं बोलूँगा पैसे लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लाना है क्योंकि जो शेयर आपके पास है उसी शेयर से वो ट्रेड हो जाएगा आपका। समझ में आ गई बात? तो ये काम आप कर सकते हो, ये सारे ब्रोकर आपको फैसिलिटी देता है आपको इसको प्लेस करने के लिए। इवन भी मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये बोल रखा था जिरदा वालों कि मैं आपके पास जो म्यूचुअल फंड है उसको भी आपको मैं प्लेस करने का फैसिलिटी दूंगा, म्यूचुअल फंड को भी प्लेस करके आपको पैसे दूंगा, ठीक है? तो जो म्यूचुअल फंड वाले जो भी चीज़ होता है वो यहाँ से आपको दिखता है, ये जब आप यहाँ पे जाते हो तो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाया नहीं लगाया ये आपका कॉइन है, ये जो दिखता है ना आपको, इस पे जाके ये कॉन्सोल तो आपको रिपोर्ट आएगा, एक कॉइन पे जाओगे आप तो ये आपको ये बताएगा कि आपके म्यूचुअल फंड में कितने पैसे लगा रखा है, नहीं लगा रखा है, ठीक है? मेरे पास 1 भी रुपये का इसमें म्यूचुअल फंड नहीं है, ठीक है जी? आप देखो डैशबोर्ड में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है म्यूचुअल फंड में, ठीक है? मैंने यहाँ से नहीं लगा रखा है, मेरा म्यूचुअल फंड जो जाता है वो डायरेक्टली बैंक के थ्रू जग गया हुआ है, वैसे यहीं से जाना वाले जो है वो ज़्यादा अच्छा है। समझ में आ गई बात? तो म्यूचुअल फंड का भी आप यहाँ से देख सकते हो, म्यूचुअल फंड को भी प्लेस कर सकते हो, ये बोला था, अभी चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम, ठीक है? प्लेस करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्लेस ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका CDSL के रिपोर्ट में रहेगा। आपके कौन कौन से स्टॉक CDSL के रिपोर्ट में है या नहीं है वो मैं कैसे निकाला जाता है, वो CDSL को वेबसाइट पे जाके निकलते हैं, तो मैं आपको सारा अलग से एक वीडियो बना दूंगा। हाँ जी बोलिए। सेम ब्रोकर के पास ही प्लेस कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ इसका? मैंने जीरोधा में होल्ड करा है तो मुझे जीरोधा ही तो मुझे पैसे देगा, कोई और कैसे देगा? तो उसके पास शेयर रहेगा तब वो देगा ना मुझे, जिसके पास होगा वही देगा। जैसे मेरे पास शेयर खान में पैसे जो 2-3 शेयर है, ठीक है, उसको मैं प्लेस करूंगा तो वो मुझे वहां देगा। शेयर खान वाले प्लेस करने का 1 भी रुपये नहीं लेता है, ये प्लेस करने का आपको 60 रुपये लेता है। एक बार प्लेस करोगे एक सिक्योरिटी को तो 60 रुपीज लेगा, समझ में आ गए? और जब अनप्लेस करोगे तो फिर पैसे नहीं लेगा वो, ठीक है? तो प्लेस करते टाइम आपको क्या करेंगे, वो 60 रुपीज चार्ज करता है ये आपसे, ठीक है? चलो वापस आ जाते, इसीलिए हम इसको फ्रिक्वेंटली ले जाना बाहर निकालना ले जाना बाहर निकालना नहीं करते। जब शेयर खान में होते तो पैसे नहीं लेता था, तो शेयर खान में क्या करते थे, दिखा के वहाँ पे प्लेस करते थे पैसे आ जाता था, दिखा के अनप्लेस करते थे पैसे वाले लेता था वापस, ठीक है जी? चलिए एक एडिशनल था ये भी हमने बता दिया, अब हम आगे बढ़ते। अब आते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस, ये नया चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो गया। ये है सिक्योरिटी एनालिसिस, ये खास करके बुक में दिया तो है, CA फाइनल वाले के बुक में भी है CMA वाले के बुक में भी है, लेकिन यहाँ से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन बस एक ही बनता है मूविंग एवरेज का, बाकी जो भी कुछ है थियोरिटिकल बनता है। वैसे अभी तक थियोरी में भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन थियोरी में क्वेश्चन पूछे ना पूछे प्रैक्टिकल लाइफ में ये हर दिन यूज होता है। ये खास करके सिक्योरिटी एनालिसिस कुछ नहीं है, इसमें 2 एनालिसिस हम लोग कवर करते हैं, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। और मैंने बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, जब हम वैल्यूएशन करेंगे तब फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं बैलेंस शीट को एनालाइज करना आपको बताऊंगा। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वो चार्ट एनालिसिस है। यानी कि जो सिक्योरिटी एनालिसिस आप कर रहे हो फिलहाल, वो कौन सी एनालिसिस करने जा रहे हो आप लोग, चार्ट का एनालिसिस, जो हमने आपको बार बार जो कैंडलस्टिक चार्ट की जो बात कर रहे थे ना उस पर कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं अब, ठीक है? इसमें से बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ, जितना मैं बता चुका हूँ उसको बस एक बार रीड करते चलते आगे बढ़ते चलते, ठीक है जी? हम आ गए यहाँ पे सिक्योरिटी एनालिसिस। देखिए इसमें 2 एनालिसिस है, एक फंडामेंटल एक टेक्निकल। फंडामेंटल ये कहते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, आप जैसे देखते हो बेस्ड ऑन अर्निंग एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ विच वी कैन एनालाइज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट विथ रेशियोज। रेशियो देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, मैनेजमेंट देखिए, उन सारे चीज़ों को देख के लॉन्ग टर्म में पैसे लगाइए, ठीक है? जैसे अब मान लीजिए मेरे लिस्ट में आ रखा है
कि एएमसी में, एचडीएफसी एएमसी में लगाना है, बजाज फिनांस है, एचडीएफसी बैंक है, ये तीन चार रिलायंस है, ये तीन चार कंपनी जो है मुझे पता है कि इसका फंडामेंटल अच्छा है, मुझे पैसे इन्वेस्ट करना है। तो अब इन्वेस्ट करना है तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 साल के लिए लगाना है। तो 5 साल के लिए लगाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं आज ही मुझे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे मालूम है आज जितने रेट पे मिलेगा 6 महीने बाद मुझे लग रहा है कि इससे सस्ता मिलेगा, तो मैं कब इन्वेस्ट करूंगा? 6 महीने बाद करूंगा, तब तक 6 महीने तक कैश रख लेते हैं, या 6 महीने तक एक काम कर लीजिए, 6 महीने तक के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दो आप, तब 2-3% तो वहां भी मिल ही जाएगा, और फिर 6 महीने बाद लगा लेना आप। आप बोलोगे कैसे पता कि 6 महीने बाद, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म के मार्केट को फॉरकास्ट करना थोड़ा आसान रहता है ना, कि 6 महीने बाद क्या होने वाला है। ऐसा कोई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूम नहीं आ गया कि 6 महीने बाद हमारा जो होगा निफ्टी सीधा 30,000 पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं कि निफ्टी 20,000 पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब क्वार्टर का रिजल्ट आएगा कंपनी लोगों का, तो उन लोगों का कंपनी का रिजल्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस क्या रहेगा, बुरा ही रहेगा। इसलिए बुरा रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो आसपास की इन्वायरमेंट चल रहा है वो ठीक ठाक अभी नहीं चल रहा है इसकी वजह से। तो चलिए वापस, तो ये होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल में कभी ये नहीं देखते कि चार्ट क्या कहता है हमारा, फंडामेंटल में ये कहते कि बिजनेस उसका क्या कहता है। हमें मालूम है उसका बिजनेस अच्छा है तो आप लगाइए, किसी भी टाइम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर, रेफर सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर। अभी हम बात कर रहे हैं किसका, टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम लोग चार्ट देखते हैं और डेली के न्यूज को एनालिसिस करते हैं। यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्शन। यू मे ऑल्सो विजिट माई यूट्यूब चैनल, ऐसे लिख दिया है ताकि इस पर हम बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी करके यूट्यूब पर हम वीडियो डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे तो मार्केट ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। हाँ जी, कितनी वीडियो है? सॉरी नहीं, वो तो अभी रिसेंट डाला है ना, वो 1 साल के बाद डाला है। अब आइए, टेक्निकल एनालिसिस का तीन प्रिंसिपल चलता है, ये मैंने कहता है आपका बुक ही कहता है। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ये तीन चीज जिस दिन याद हो जाएगा उस दिन टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इस तीन चीजों को आपको पहले लॉजिकली समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले कहते हैं मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। बहुत बार क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हम न्यूज नहीं देखते लेकिन प्राइस को देख के हम लोग पैसे लगा लेते, और पता चलता है कि न्यूज़ में हमारे को न्यूज उसके बाद आ जाता है। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मैं मार्केट को कुत्ते के कैटेगरी में रखता हूँ, कुत्ते और चूहे बिल्ली के कैटेगरी में। जैसे कहते हैं कि चूहे बिल्ली कुत्ते ये सब जो होते हैं ना, अर्थक्वेक आने से पहले इन लोगों को पता चल जाता है। सही बोला है, किसको पता चल जाता है? चूहे को, कुत्ते को भी पता चल जाता है, बिल्ली को भी पता चल जाता है। तो इसीलिए मैंने जिसको जो समझ में आता है सब समझ लो, चूहे कुत्ते बिल्ली सबको रख दिया मैंने। ये सब ऐसे होते हैं जिसको होने वाले चीज़ों को अंदेशा पहले हो जाता है, और वो अपने हिसाब से हो सकता है उन उतना कैपेबिलिटी दे रखा हो गॉड ने उन लोगों को, है ना। वैसे ही मार्केट जो है ना ऐसे ही चीज़ है, आप चाहे जितना मर्जी बोल दो मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, ये मैं मानता हूँ। सुन लिया आपने कुछ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में जो होने वाला है उसको पहले पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, जब जब मैंने पैसे कमा रखा है तब की बात करता हूँ। एक तो चलो औरोबिंदो फार्मा भी रिसेंट में हुआ था कुछ दिन पहले, अभी तो 1 महीने भी नहीं हुआ होगा, नहीं 1 महीने हो गया होगा क्योंकि इतना क्लास हो गया, 2-1.5-2 महीने पहले अब मैंने औरोबिंदो फार्मा में एक बढ़िया सा प्रॉफिट बुक किया था 10% का, जो कि बहुत ही रेयर होता है। वो इसलिए बुक किया क्योंकि न्यूज़ हमारे फेवर में आ गया, लेकिन क्या मुझे मालूम था ये न्यूज़? सबसे पहली बात नहीं। तो मैंने क्या किया, चार्ट देखा, ठीक है जी, मैंने कुछ चार्ट देखा, मुझे कुछ चार्ट में नज़र आया कि मुझे लग रहा है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, मतलब सेलर बहुत हावी हो रहा है, मुझे ये दिखा चार्ट पे। तो मैंने ये देखा कि चार्ट ये बोल रहा है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोग सस्ते सस्ते बेचने को तैयार है, कुछ तो गड़बड़ियाँ हैं, जो कि न्यूज़ अभी सामने नहीं आया है। लेकिन याद रखना, न्यूज़ सामने आए या ना आए, कुछ लोगों के पास न्यूज़ पहले से होता है, जो मुझे लगता है, ठीक है। हर चीज़ों में देखिएगा, मैं इसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज से कुछ दिन पहले कुछ स्टॉक्स थे, 25 स्टॉक के आसपास, जिसमें एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ा के 100% कर दिया उसको, क्योंकि वॉलिटिलिटी उसमें ज़्यादा हो गया था, स्पेकुलेशन ज़्यादा हो गया था, उसको बढ़ा के 100% मार्जिन कर दिया एक्सचेंज ने। ये कुछ समझ आया आपको? पहले ये मान लीजिए कि स्टॉक में किसी का प्राइस है 100 रुपये का, चलो 1,000 रुपये का कोई शेयर है, इसको ट्रेड करने के लिए देना पड़ता था किसी को 10 रुपये, किसी स्टॉक में देना पड़ता था 25 रुपये, नहीं 100 होगा,
मान लीजिए 250 रुपये, एक में 25% मार्जिन चलता था, मान लीजिए एक में कितने मार्जिन चलता था, 10%। इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सचेंज को लगा कि इसमें ना अब हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन बढ़ाते हैं। एक्सचेंज ने इसका मार्जिन बढ़ा के कर दिया 100%, बोला कि 1000 रुपये का शेयर ट्रेड करना है तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 1000। ये स्टॉक के लिए अच्छी न्यूज़ है, बुरे न्यूज़ है, बुरा न्यूज़ है। ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक रिस्की होने जा रहा है। एक दिन में ही मार्जिन बढ़ गया, इसका मतलब एक तो अब कम पैसे में क्या करोगे, अब ज़्यादा पैसे रख के कम ट्रेड करोगे, पहले कम पैसे रख के आप ज़्यादा ट्रेड करते थे। ये न्यूज़ जिस दिन आया मार्केट में, उससे एक दिन पहले ही नहीं, 2 दिन पहले से, यानी कि एक दिन पहले मार्केट में नीचे गया था, और जिस दिन न्यूज आया उससे एक दिन पहले सर्किट लगा था सारे स्टॉक में, सर्किट लगा था लोअर सर्किट सब में। जैसे किसी में 20% का लोअर सर्किट था, किसी में 10% का लोअर सर्किट था, किसी में 5% का लोअर सर्किट था, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक में लोअर सर्किट लगा था, ठीक है। और उसके अगले दिन न्यूज आता है कि ये सारे 25 स्टॉक का मार्जिन बढ़ा दिया गया। CNBC आवाज़, उस टाइम पे ये जो अनिल सिंह भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो उस पे आता है बिजनेस चैनल पे, आज के डेट पे उस पे आता है, जी बिजनेस पे आता है। अनिल सिंह भी दिन भर बैठे रहते हैं वहाँ पे, आपको एनालिसिस करके दे रहे होते हैं। वो अनिल सिंह भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पहले आता था CNBC आवाज़ पे, वो CNBC आवाज़ को छोड़ के इधर गया था। तो इसको भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि पैसे को देख के आपने इतने दिनों से आपको जो प्लेटफॉर्म दिया बेचारे को छोड़ के आप चले गए, ऐसे वैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था इस पे। ये सब जो होते, कभी कुछ दिक्कत होते हैं ना मार्केट में, तो मैं इसको देखता हूँ, कुछ थोड़ा स्ट्रांग है वो, किसी के सामने कुछ भी बोल देता है, इतना दम है इसमें, मैंने बहुत बार देखा है। सामने वाले कितना भी स्ट्रांग पार्टी हो, थोड़ा सा खुल के बोलता ही नहीं, सामने वाले पे भी बढ़िया से वार भी करता है। तो कुछ ऐसे कुछ बात हुआ था, तो ये अच्छा खासा बहुत ही गुस्से में थे ये, कि देखो ये सेबी कर क्या रहा है, सारे इन्वेस्टर को लॉस करवाता है। आप मुझे बताओ ये न्यूज़ आपको पहले कैसे निकला, आप इसको इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप पब्लिक को क्या कीजिए, आंसर दीजिए, आप क्यों लुटवाते हो सबको। आप ही लोगों को कहते हो कि हम प्रोटेक्ट करने के लिए आए, इतने करोड़ का पेनल्टी लगाते हो, और आप ही के वहां पे आप ही के न्यूज जो होते पहले मार्केट में आ जाता है। अगर पहले मार्केट में नहीं आया तो आप मुझे बताओ 20% का लोअर सर्किट एक दिन पहले कैसे लगा, आप मुझे बताओ। एक एक स्टॉक में इतने सारे, जे स्टॉक 25 थे ना, 25 के 25 स्टॉक नीचे था। अगर आपका न्यूज बाहर नहीं गया है तो एक दिन पहले ही मार्केट में लोअर सर्किट कैसे लगा, आप मुझे आंसर दे सकते हो, कैसे भी बताओ आप मुझे। इसका मतलब आप दिमाग में सेट कर लो, क्या आपका न्यूज जब आएगा ना स्टॉक में, उससे पहले सारे हलचल हो चुका होता है। ये कहता है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये कुछ समझ आया आपको। मार्केट के जो प्राइस है ना वो सब कुछ बताता है, प्राइस सब कुछ बताता है। यहाँ डिस्काउंट का मतलब है इनकॉर्पोरेट्स, इस तरीके से वर्ड यूज किया है। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट है वो हर चीजों को इंक्लूड करके चलता है। समझ में आ गए, कोई अच्छी न्यूज आने वाला है, जिस दिन आएगा ना उससे पहले शेयर ऊपर जा चुका होता है। अब बोलोगे ये क्या मतलब है, एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे लोग जो है एक्सपेक्ट करते हैं, अगर मान लीजिए किसी को रैंक आने वाला होता है, टीचरों को पहले पता चल चुका होता है कि रैंक आ सकता है इसका। समझ में आ गई बात। आप मान लीजिए किसी में से, आप में से किसी का बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है, तो मुझे पहले से पता होता है कि हाँ आपका अच्छा मार्क्स, चलो अब इतना ही आएगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ अच्छा आप लेके आ सकते हो। बोलो कैसे पता चल जाएगा बताओ, आपके परफॉर्मेंस, हर दिन जो क्लास में आप बोलते हो, जो भी कुछ करते हो, उससे हमें पता चल जाता है। तो वही एग्जैक्टली वही चीज है, कहते हैं मार्केट को जो होने वाला है वो पहले पता चल जाता है। और बोलो कैसे पता चल जाएगा, वही सेम चीज इन एक्सपेक्टेशन। जैसे मान लीजिए अगर इन्फोसिस का कोई रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने से पहले उसका कहीं ना कहीं 90% पॉसिबिलिटी कि जैसा रिजल्ट आता है वैसे मार्केट मूव हो जाता है। समझ में आ गया, उसका रीजन ये होता है क्योंकि लोगों को उस चीजों को फॉरकास्ट करता है, उसको बिजनेस देख रखा होता है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि जो चीज होने वाला है वो हमारे प्राइस में दिख जाता है। पहले मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब समझ आया आपको, यानी कि प्राइस में हर चीज है। अगर सप्लाई ज्यादा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है देखिए, अगर कोई स्टॉक अगर मान लीजिए नीचे गया है, ये यहाँ गया, ऐसे में एरो लगाया, ऊपर से नीचे की तरफ गया है, और मुझे लगता है आज कोई स्टॉक 10% माइनस गया है, तो कहते हैं मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब अगर 10% आए कोई नीचे गया है, तो नवसिखुआ जो होगा, जो मार्केट नहीं समझ आता है, वो क्या बोल रहा होगा, सस्ता मिल रहा है खरीद लो। जैसे मान लीजिए आज मुझे HDFC AMC अगर मुझे 10% नीचे दिखे तो मैं खरीदूंगा। टेक्निकल एनालिसिस कहता है नहीं खरीदना है, डिफरेंट है दोनों चीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज है। समझ में आ गई बात। मैं HDFC AMC को इसलिए खरीदूंगा
कि ये सोच के नहीं खरीद रहा हूं मैं कि कल कहां जाएगा, मैं ये सोच के खरीद रहा हूं कि मुझे 5 साल होल्ड करना है और मैं इसको इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से खरीदने के लिए, आज मुझे सस्ता मिल रहा है इसीलिए खरीद रहा हूं। समझ में आ गया? हो सकता है कल दोबारा 5% नीचे जाएगा, तो कल क्या फर्क पड़ता है? कल एक दिन के लिए नीचे जाएगा ना, परसों 2 दिन के लिए और जाएगा, लेकिन वो 5 साल में क्या हो सकता है? ऊपर आ सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे जब मुझे मालूम है कि अगले दिन ऊपर नीचे जाएगा तो मैं होल्ड इंतजार करता हूं, हो सकता है कल मिले ही ना मुझे, फिर ऊपर चला जाएगा, मैं मौका फिर मैं गवा दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया? आपको कब खरीदना है नहीं खरीदना वो डिपेंड करता है किस चीज पे, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए आपको देखना ही नहीं चार्ट क्या कहता है। अगर शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव है तो क्या कहता है, देखो कहते हैं प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। मतलब क्या हुआ? आज 10% नीचे गया है ना, उम्मीद मत करना कल वापस आएगा, कल फिर क्या होगा, नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो फिर बोलोगे अच्छा इसका मतलब तो 0 पे जाके रुकेगा। कहते नहीं, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। अब ये फिर इसका एक्सेप्शन आया, तीनों एक दूसरे का एक्सेप्शन है। अब बोलो क्या बात कर रहे हो? अब हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ मतलब क्या हुआ? मान लीजिए पास्ट में कभी एक लेवल से वापस आ गया था, है ना, तो आप कह रहे हो ट्रेंड में जाएगा, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल होगा हिस्ट्री के साथ, यहां से आपका हिस्ट्री रिपीट हो जाएगा। मतलब मार्केट ट्रेंड में जा रहा है, मान लीजिए नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, अब हिस्ट्री रिपीट होगा। तो अब हिस्ट्री में दो चीज आता है, क्या ये पुराना कल का हिस्ट्री रिपीट होगा या पुराना हिस्ट्री रिपीट होगा? जितना पुराना हिस्ट्री है उसके रिपीट होने की पॉसिबिलिटी उतना ज्यादा है, ये चीज माइंड में सेट करिए। तो हम कहते कल का हिस्ट्री कहते हैं कि नीचे जाएगा, और पुराना हिस्ट्री कहते यहां से वापस हुआ था, तो अब मैं कहता हूं यहां से वापस होगा, तो हम कहते यहां से रिवर्स होगा। समझ में आया? तो इन चीजों को, बातों को कोरिलेट करके आपका ये जो चार्ट एनालिसिस है वो बनाया गया है। मार्केट में प्राइस हर चीज बताता है, ट्रेंड में मूव करता है, हिस्ट्री रिपीट होता है, ये तीन चीज जो होते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस का प्रिंसिपल है, इसी के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं चार्टिंग टेक्निक। अब हिस्ट्री वगैरह जानने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिएगा चार्ट बनाने पड़ेंगे, चार्ट को समझने होंगे, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चार्ट टेक्निक में कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं, हरियाली ये बताता है, ध्यान से देखिए कि स्टार्टिंग नीचे से हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, हाई यहाँ था, लो यहाँ था। रेड कैंडल ये बताता है कि स्टार्ट ऊपर से हुआ, क्लोज नीचे हुआ, मतलब एंडिंग यहाँ हुआ, हाई यहाँ है, लो यहाँ है, ठीक है जी। ओ का मतलब ओपनिंग प्राइस, जो फर्स्ट LTP होता है, फर्स्ट LTP ऑफ सिलेक्टेड टाइम फ्रेम। सिलेक्टेड टाइम फ्रेम का मतलब ये हो गया, देखिए जब भी आप कैंडलस्टिक चार्ट बनाते हो तो वहाँ पे आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए हम चले गए डैशबोर्ड पे, ठीक है जी, डैशबोर्ड पे जाके हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई SBI ले लिया, ठीक है जी। SBI का जब मैंने यहाँ चार्ट लिया तो कहते ये देखो आपने जो ये कैंडल बनाए हो आप एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके लिए हो, आपका टाइम फ्रेम ये है कि ये देखो एक दिन का है, एक एक कैंडल आपका एक एक दिन का है। तो एक दिन का शुरुआत ये बताएगा कौन, एक दिन का शुरुआत ये है, एक दिन का, एक सेकंड ये ना लाइन को हटाता हूँ, ठीक है, एक दिन का शुरुआत यहाँ से हुआ है, एक दिन का एंडिंग यहाँ हुआ है, जो ये बॉक्स वाले पोर्शन है वो हाई यहाँ गया है, लो यहाँ गया है। समझ में आ गया? मान लीजिए इसी को मैं ब्रेक करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये एक दिन का एंडिंग है 337.25, अब तो बदल गया होगा, ये क्लोजिंग आया होगा, ठीक है, अब थोड़ा सा बदल जाएगा क्योंकि अगले दिन जो होते हैं लास्ट हाफ एन आवर का क्लोजिंग होता है, तो ये होगा SBI का क्लोजिंग प्राइस, ये देख रहे हो SBI का 37.25, ये बदल गया। अगर सेम डे देखते तो थोड़ा सिचुएशन अलग होता। बोलोगे कैसे सिचुएशन अलग होता, मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए मैं चला गया NSE की वेबसाइट पर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा चार्ट को। आपको मैंने सिर्फ अभी तक जो बताया था वो सिर्फ ये बताया था कि कैंडल बताता क्या है, अब वो कैंडल को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, कैंडल को मर्ज करेंगे तो क्या होगा, वो कैसे होगा, उन सब चीज़ों को अब थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये देखिए मैंने SBI को ले लिया, ठीक है जी, अरे ये पुराने वाले पे चलो, ये नया वाले परेशान करता है मुझे, SBIN, ठीक है जी, मैं SBI पे चला गया। ध्यान से देखिए, चलो बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, इसलिए कोई फर्क आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, सिर्फ 5 पैसे का डिफरेंस है। 3:30 पे जो ट्रेड हुआ था 337.20 पे, और जो लास्ट हाफ एन आवर का क्लोजिंग है वो 337.25 पे, तो बस 5 पैसे का डिफरेंस है। समझ में आ गई बात? तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी जो चार्ट आपको दिख रहा होगा वो क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है 337.25, ये देखो 337.25 दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इस कैंडल को ब्रेक करूं एक एक घंटे पे, तो एक घंटे का एंडिंग क्या था बताओ? 3:30 पर जब मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम किस रेट पे ट्रेड हुआ था, लास्ट ट्रेड?
अब देखो ये सारे डिस्कशन जो होते हैं ना, पिछले 3 4 5 दिन के डिस्कशन से लिंक होता जाएगा। अब वहां पे आप हवन कर रहे थे तो यहाँ पे बैठ के भी हवन करिएगा, ठीक है। 337 रुपये 20 पैसे में लास्ट LTP मैच हुआ, मार्केट क्लोज। समझ में आ गए? 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में जो ट्रेडिंग हुआ उसका एवरेजिंग करके आया 337 रुपये 25 पैसे। यार दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 पैसे का। अब मुझे बताइए, एक दिन का एवरेज जो क्लोजिंग होता है ना, वो लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज होता है, एक्सेप्शन है। हर में ओपनिंग और क्लोजिंग जो मैंने अभी ग्राफ पे बनाया, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। ये जो आप देख रहे हो ये क्लोजिंग है, डेली कैंडल का क्लोजिंग होता है लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज, ठीक है, लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज। लेकिन ये कैंडल अगर 1 घंटे का होगा ना, तो 1 घंटे का एवरेज नहीं होता है क्लोजिंग, 1 घंटे का एंडिंग होता है क्लोजिंग, 1 घंटे का स्टार्टिंग होता है ओपनिंग। समझ में आ गया बात? तो क्या डे का क्लोजिंग और आवर के क्लोजिंग में डिफरेंस आ सकता है? नहीं आ सकता है, आ सकता है। वो डिफरेंस किसका होगा? वो 5 पैसे का। आवर का क्लोजिंग देखा जाए तो आवर का एंडिंग है, तो आवर का एंडिंग कितना हुआ बताइए मुझे जल्दी से, आवर का एंडिंग कितने पे हुआ? ये देखो, आवर का खत्म जो हुआ था, जो हमारा ट्रेड जो लास्ट आवर था उस पर खत्म हुआ था 337.20 पे। क्लोजिंग कितने पे हुए थे? 337.25। लेकिन ये क्लोजिंग जो होता है ये आवरली क्लोजिंग नहीं होता है, एक दिन का होता है। इसीलिए डे का क्लोजिंग प्राइस जो होता है लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज होता है, आवर का क्लोजिंग प्राइस जो होता है एंडिंग होता है। यही मैंने यहां पे आपको कुछ एक्सेप्शन लिखने के दिया होगा मैंने आपको। ये देखिए क्लोजिंग प्राइस के लिए, ओपनिंग तो समझ आ गया, क्लोजिंग के लिए देखिए मैंने कुछ लिख के दिया है। क्लोजिंग प्राइस जो होता है लास्ट LTP ऑफ सिलेक्टेड टाइम फ्रेम, एक्सेप्शन है इसका, 1 day 1 week and 1 month टाइम फ्रेम, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन 1 day कैंडल क्लोजिंग प्राइस इज एवरेज ऑफ लास्ट हाफ एन आवर, नॉट लास्ट LTP, एंड सेम क्लोजिंग फॉर 1 week and 1 month। समझ आया कुछ? अभी मंथ का क्लोजिंग देखोगे तो वही प्राइस दिखेगा, कितना? 337 रुपये 25 पैसे। अगर आवर का क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो वही दिखेगा आपको, आवर नहीं वीकली, मंथ का। ये लो मैं आपको ग्राफ पे लेके जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा ग्राफ को। अभी मुझे बताइए कितना आपका क्लोजिंग दिख रहा है, ये 337 रुपये 25 पैसे। मैं एक काम करता हूँ, ग्राफ का टाइम फ्रेम बदलता हूँ, टाइम फ्रेम मैंने 1 घंटे की जगह, 1 दिन की जगह मैंने 1 week कर दिया, अभी भी क्लोजिंग कितना दिखेगा? वही दिखेगा, ये देखो। ओ अब तो गड़बड़ हो गई, बोलो गड़बड़ क्या हो गया, अब मैं उस स्क्रीन पे जा ही नहीं पाऊंगा, वापस छोटा करके जाना पड़ेगा। हाँ जी ये देखो, अभी भी आपको कितना दिख रहा है, दिख रहा है कुछ? देखो 337 रुपये 25 पैसे, यानी कि आपका डे वीक का क्लोजिंग भी वही दिखाया। मैं मंथ का क्लोजिंग देखता हूँ, ये देखो मंथ का भी क्लोजिंग कितना दिखा रहा है आपका, 337 रुपये 25 पैसे, ठीक है। यानी कि ये मंथ के जब मैंने क्लोजिंग किया है ना, तो 12 कैंडल मर्ज हो चुका है, 12 नहीं, महीने में अभी कितने ट्रेडिंग हो चुका होगा देखना पड़ेगा। ये नहीं नहीं आज अभी चल रहा है, जितना भी चल रहा है ना उसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है, उसको आप काउंटिंग कर लीजिए कितने कैंडल को मर्ज कर चुका है इसने। ये बहुत सारे कैंडल को मर्ज कर दिया, क्योंकि 1 महीने का कैंडल है हमारा, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? अब मैं अगर यहाँ 1 week 1 hour लूंगा अगर मैं, तब क्या होगा बताइए? टाइम फ्रेम मैंने 1 hour लिया, अब 337 रुपये 20 पैसे का क्लोजिंग दिखेगा आपको। ये देखो आवरली में मैंने आवरली कर दिया, अब ये देखिए ग्राफ पे क्या दिखा रहा है बताइए, 337 रुपये 20 पैसे दिख रहा है। ये देखो पहले 25 पैसे दिख रहा था, समझ में आया कुछ बात आपको? तो डेली वीकली और मंथली में आपको क्लोजिंग प्राइस कौन सी दिखाएगा? डे वाले लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज। लेकिन जो आवरली क्लोजिंग होता है वो लास्ट प्राइस होता है, वो एवरेज नहीं होता है। मिनट का क्लोजिंग, 5 मिनट का क्लोजिंग, 10 मिनट का क्लोजिंग, अभी ध्यान से देखिए, मैंने अभी 1 1 घंटे का क्लोजिंग लिया है, आप मुझे बताइए पूरे दिन में कितने घंटे ट्रेड हुआ होगा। ये देखो ये है, ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये लाइन आपको डे के शुरुआत बताता है, इस लाइन के बाद ये देखिए डे के शुरुआत यहां से हुआ था, पहले हफ्ते में ये, पहले घंटे ये हुआ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा, इस तरीके से चल रहा है। आप एक बार काउंटिंग कर सकते हो, 9:15 से लेकर 10:15 तक का ये कैंडल है, 10:15 से लेके 11:15 तक का ये कैंडल है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 तक का ये है, 12 से 1 ये है, 1 से 2 ये है, 2 से 3 ये है, और ये लास्ट का 15 मिनट का ही कैंडल है। बोलो ये कैसे? क्योंकि 9:15 से लेके 3:15 तक तो 5 घंटे में चला गया ना, 5 या 6 घंटे में, और 9:15 के बाद जो बचे वो आपका 3:30 तक, वो 1 घंटे में कहलाएगा। तो बोलोगे 1 घंटे क्या हो, तो 15 दिन हुआ,
15 ही मिनट हुआ तो आप मुझे बताओ, 15 मिनट हुआ उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया तो मैं घंटे कहां से अपने घर से लाऊं क्या? इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। जो कैंडल का शेप आपको अभी आवरली कैंडल पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, आवरली कैंडल पे जो शेप दिख रहा है एग्जैक्टली वही शेप आपको दिखेगा कितने पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहे तो कुछ को तो समझ आ रहा है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूं एक काम करो, फिर से काउंटिंग करिए आप, ये कितने से कितने देर तक का है, 9:15 से लेके 10:15, 10:15 से 11:15, 11:15 से 12:15, 12:15 से 1:15, 1:15 से 2:15, 2:15 से 3:15, हो गया 3:15 तक। अब मुझे बताइए 3:15 के बाद क्या होगा, 3:15 से 3:30 में तो मार्केट क्लोज हो गए, तो 3:30 तक ये रहा, तो ये कैंडल कितने देर का है, 15 मिनट का। तो इसका मतलब मैं अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लू तो कैंडल का जो शेप होगा वो तो वही दिखेगा ना, शेप देख लो कैसा दिखता है आपको, कैंडल का शेप देखिए कैसा दिख रहा है, बस थोड़ा सा बॉक्स और ऊपर सारे ब्लैक दिख रहा है ना। मैं एक काम करता हूं, ये देखो 15 मिनट का कैंडल बनाता हूं, याद रखना उसके पहले के पैनल बदल जाएगा, उसके पहले वाले बदल जाएगा, क्योंकि एक एक कैंडल चार चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लोगे तो क्या होगा, देखिए ये जो एक कैंडल दिख रहा है ना वो चार कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो दिखाएगा पहले 9:15 से लेके 9:30, फिर 9:30 से लेके 9:45, 9:45 से 10, 10 से 10:15, यानी कि चार कैंडल में बदल जाएगा, 15:15, 15:15, 60 मिनट हो जाएगा। समझ में आ गए? तो ये टोटल जो ये आपको 6 कैंडल दिख रहे हैं ना, 6 × 24 कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा एक रहेगा, यानी कि 25 कैंडल बनेगा कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए, ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है। समझ में आ गई बात? तो मान लीजिए मैं यहां पे जाता रहा, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 15 मिनट के लिए, देखिएगा अब ये कन्वर्ट हो गए 25 कैंडल में। आप काउंटिंग करिए, लास्ट कैंडल का साइज वही है, बोलोगे कहां हो तो बदल गया, वो क्या हुआ है, वो स्पेस बदल चुका है इस पेज का। पहले आपको देखो यहां 334 से लेकर 338 तक का पेज पे दिख रहा है, और जब आपका आवरली कैंडल था तो उसी पेज पे बहुत ज्यादा दिख रहा था। ये देखो आप, देखिए कहां से कहां तक दिख रहा है, 327 से दिखा रहा है आपको 337, तो साइज तो कहीं ना कहीं आपको वैसे दिखेगा ही ना आपको। हाँ जी, बस आप ये देख सकते हो इस कैंडल पे जाके, देखो मैंने इस पे कर्सर लेके गया तो देखो उधर कुछ दिखा रहा है आपको। एक काम करो, यहां से ज्यादा समझ आएगा, देखो मैं इस कर्सर पे लेके गया, यहां पे उस कैंडल पे कर्सर लेके गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिख रहा है, हाई कितना दिखा रहा है, ये लो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, 15 मिनट का भी ले लिया, और 15 मिनट का ये वाले कैंडल पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है जी। अब मैं दोनों स्क्रीनशॉट को ओपन कर देता हूँ। मैंने क्या किया था, 15 मिनट के चार्ट पे भी लास्ट वाले कैंडल पे कर्सर रखा, और एक बार क्या कहते हैं आवरली वाले पे भी 1 मिनट का रखा। ये देखो ये आपका आ गया, ये कितने देर वाले हैं, 15 मिनट वाले, और ये कितने देर वाले आ गए, आवरली वाले। एक काम करिए, दोनों को थोड़ा नोटिस करिए आप, ठीक है जी। ये देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, ओपनिंग कितना चल रहा है बताओ, दिख रहा है कुछ, ये है कितने देर वाले बताओ, 15 मिनट वाले कितना है हाई बताइए, 337.9, इधर देखो हाई 337.9, उस कैंडल का हाई बताता है, याद रखिएगा। आइएगा लो कितना बता रहा है, 337, ये कैंडल का देखो कितना लो बता रहा है, 337। ओपनिंग कहाँ हो बताइए, 337.15, ये देखो 337.15। आप मुझे बताइए क्लोजिंग कितना हो रखा है, 337.20, ये देखो 337.20, और ये देखो टाइम बता रहा है 3:15 का टाइमिंग है, ये बता रहा है कि देखो 3:15 का टाइमिंग है। वॉल्यूम बता रहा है आपको 3.69 मिलियन इस कैंडल पे, यहाँ पे भी वॉल्यूम देखिए कितना दिख रहा है, कोई डिफरेंस था नहीं था मेरे हिसाब से, समझ में आ रहा होगा टाइम फ्रेम। कुछ लोगों को तो टाइम फ्रेम ही नहीं समझ आता है वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं इसको इन्हें क्लोज कर दिया, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं दोबारा हम अपने मेन चार्ट पे, ये रहा हमारा मेन चार्ट, दोबारा वापस आ गए। अब देखिए क्या बता रहा है, एक घंटे में आपको क्या दिख रहा था बताना कोई मुझे, एक घंटे में आपको क्या दिख रहा था, ये लो एक घंटे का मैं लेता हूँ, फिर से एक आवर लिया, ठीक है। ये देखो एक घंटे का अपर और लोअर को आप थोड़ा नोटिस करिएगा, ये लो इस पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, इस पे कर्सर लेके गया, देखो उधर क्या बता रहा है, हाई कितना है, 337.45। जब मैं इसको 15 मिनट के कैंडल में कन्वर्ट करूंगा तो कौन सी कैंडल का हाई इतना होगा, कोई जरूरी नहीं है, वो चार कैंडल को कंपैरिजन कर लेना, जो सबसे टॉप पॉइंट बन रहा होगा ना उस वाले कैंडल का हाई बनेगा ये इतना आपका। बोलोगे हाई कहां देख रहे हो,
अब नहीं नजर आ रहे तो हम क्या करें, इतना बड़ा तो करके दिखा रखा है आपको स्क्रीन पे, 337.45 हाई दिख रहा है। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे लाइन लगा के दिखाओ ना, ये लाइन लगाने के लिए प्लस साइन क्लिक करना पड़ेगा। अब इस पर लेके जाऊंगा तो कुछ जरूरी नहीं एग्जैक्टली वो लाइन हमें उसी लाइन पे उसी पे जाएगा, कभी कि 10-5 पैसे ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना। इसीलिए वो चीज़ अगर देखना है तो इस कर्सर पे लाइन लेके जाइए और उधर देखिए, इधर जो आपको आ रहा है ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको लाना है या नहीं लाना है ये डिपेंड करता है इससे। इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखो मैं कहीं लेके जाऊंगा कुछ नहीं आएगा, फिर एक बार क्लिक करूंगा तो देखो बड़ा बड़ा दिखाएगा उसी कैंडल पे, ठीक है। एक बार फिर क्लिक करूंगा तो फिक्स कर देगा साइज इसका, मतलब उसी स्पेस पे दिखाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो अब दिख रहा है आपको, ओपन हुआ है 333.40 पे। आपको पता है मैं 15 मिनट का कैंडल लूँ या 5 मिनट का कैंडल लूँ या 1 मिनट का कैंडल लूँ, दिन का शुरुआत जो दिखाएगा ना वो 333.40 से। ये चाइनीज समझ आया आपको? 1 घंटे का शुरुआत जो है वही हमारा 5 मिनट का शुरुआत है, वही हमारा 15 मिनट का शुरुआत है, वही हमारा 1 मिनट का शुरुआत है, लेकिन वो दिन का शुरुआत होनी चाहिए। समझ में आया? कितना बता रहे ओपनिंग बताइए, 333.40। एक काम करता हूँ कैंडल बदल रहा हूँ मैं, 15 मिनट का कर दिया मैंने, ये देखिए इसका शुरुआत देखिए कितने पे हो रहा है, ये देखो 333.40 का। लेकिन ये जो मैंने कितने मिनट लिया, 15 मिनट ना, 15 मिनट का क्लोजिंग कितना है देखो आप, 335.90। क्या ये आवरली क्लोजिंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो आवरली ग्राफ दिखा रहा है वो 1, 2, 3, 4 का मर्ज किया हुआ है। आप इस चारों कैंडल को कंपैरिजन करिए, हाईएस्ट पॉइंट कौन सी कैंडल पे दिख रहा है, इस पहला चार को कंपैरिजन करिए किस पे दिख रहा है, थर्ड पे। थर्ड का हाईएस्ट कितना होगा ये देखो, थर्ड वाले कैंडल पे लेके गया, हाईएस्ट कितना है बताइए, 37.45। यही हाईएस्ट आपके किस पे दिखेगा, आर्ली ग्राफ पे दिखेगा। यानी कि आर्ली ग्राफ पे हमारा 337.40 हाईएस्ट दिखना चाहिए, 337.40 ये लीजिए, ये लीजिए 337.45 दिखा रहे हैं आपका। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, एक दिमाग में एक माइंड सेट हो जाएगा, अरे कोई भी टाइम फ्रेम रखो हाई और लो नहीं बदलने वाला। समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ, ये जान सकते कि कौन सी आवर पे जाकर वो हाईएस्ट पे पहुंचा था, कौन सी आवर पे वो क्या था हमारे लिए, लोअर पॉइंट पे था। तो मेन चीज जो है, जब भी चार्ट एनालिसिस करने जाओगे तो सबसे पहला बेसिक जो होता है ये कैंडल को समझ पाना कि वो कहना क्या चाह रहा है, तभी तो आप हिस्ट्री को देखोगे और तभी तो आप क्या कहते हैं ट्रेंड को एनालाइज करोगे। ट्रेंड एनालाइज करना, हिस्ट्री देखना, वो तो तब हो पाएगा जब पहले आपको क्या समझ आए, कैंडल। और ये जो चार्ट है ना, ये टाइम फ्रेम बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। मेरे हिसाब से टाइम फ्रेम अब आपको समझ आ गया। मैं 30 मिनट का अगर कैंडल बनाऊं तो आप मुझे बताइए क्लोजिंग कितना दिखेगा, 337.20 ही रहेगा। अब क्या होगा बताइएगा, जो पहले आवरली ग्राफ पे हमारा जो कैंडल था ना, वो अब एक एक कैंडल दो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब मान लीजिए कोई यही अगर हम एक एक घंटे का करेंगे तो ये दो जो होगा ना क्लब हो जाएगा, नहीं ये दो नहीं क्लब होगा, इधर से काउंटिंग होगा, 1, 2, ये दो क्लब होगा, 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 लास्ट रह जाएगा, ठीक है। हाँ, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइम फ्रेम यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि टाइम फ्रेम बदलने से जो हो गया ना। अब चलो एक काम करते हैं, आप मुझे बताइए इतने देर में देखा जाए 12 दिसंबर से, दिसंबर 20 से लेके अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ नजर आ रहा है, यही पॉइंट नजर आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको 30 मिनट की जगह अगर मैं आवरली ग्राफ भी करूंगा ना, तो हाई वही रहेगा, हाई नहीं बदल सकता कभी भी, टॉप नहीं बदल सकता। हाँ, होगा क्या, वो दूसरे कैंडल पे जाकर टॉप बन जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए, मैं ध्यान से देखिए, अभी ये जो पिछले कुछ दिनों से मैं ग्राफ देख रहा हूं, उस ग्राफ में मुझे जो दिख रहा है, ये चार्ट दिख रहा है, ये देखो कि ये जो है ना 20 दिसंबर को 1:45 पे ये हाई बना हुआ है। नहीं, उसने मिनट पे नहीं, उस कैंडल पे हाई बना है, दिख रहे आपको? हाई कितना है बता सकते कोई, 339.50 दिख रहा है ये। मैं कोई भी ग्राफ उठाऊं ना, उसका हाई वही रहेगा, कितना, 339.5, वो नहीं बदल सकता है। बोलोगे कैसे, ये तो 30-30 मिनट का ग्राफ था ना। मैं एक काम करता हूँ, इस ग्राफ को थोड़ा सा कंप्रेस करता हूँ, मैंने इसको एक एक घंटे का करता हूँ, याद रखना ये इसका हाई कितना है, 39.5, ये देखो मैंने आवरली कर दिया, अभी भी हाई, सबसे हाई कौन सी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये देखो कितना दिख रहा है हाई में, 39.5। मैं हाई को ये क्यों करूँ, एक एक दिन का करोगे तब भी ये देखो ये हाई होगा वही 39. नहीं, हमने यहाँ तक देख रहे थे, अभी हम लोग यहीं तक देख रहे थे, क्योंकि हमारे स्क्रीन पे कम दिखता था, अब हमारे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है,
ज्यादा दिन दिख रहा है, ये बहुत पुराना डेटा दिख रहा है हमारा। ये देखो हमने जो देखा तो 20 था, याद है कुछ? हमने जो अभी देखा था हाई वो कौन से दिन का था? 20 दिसंबर का था। ये देखो यही तो 20 दिसंबर हमारा हाईएस्ट देखे, देख रहे 39.5। लेकिन अब देखो ये भी हमारा पुराना डेटा भी तो आ गया ना, ये पुराना हाई कितना दिख रहा है? 351। तो आपको मालूम है कि अगर मैं वीकली ग्राफ भी करूंगा तो हाई कितना दिखेगा हमारा? 351। ये देखो वीकली भी करूंगा तो हाई वही रहेगा, ये देखो 351 दिख रहे कुछ। तो मेरे हिसाब से अब चार्ट को ब्रेक करना, मर्ज करना, ये आपको समझ आ गया होगा। समझ में आ गए? ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग अब उसको देख सकते हैं कि ये कुछ रेसिस्टेंस सपोर्ट ये सब होता है। तो एक काम करिए, छुट्टी करने से पहले एटलीस्ट ये पढ़ लेते हैं कि देखो ये जो कैंडल बनाती है टाइम फ्रेम ले सकते हैं हम लोग, ठीक है? ओपनिंग क्या बताता है, क्लोजिंग क्या बताता है, हाई और लो हमने बता दिया। एनालिसिस ये होता है, देखो ग्रीन कैंडल ये बताता है कि हाई डिमांड, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है। हो गया बस 2 मिनट और। नीचे से ऊपर गया है, इसका मतलब क्या हुआ? शुरुआत नीचे से हुआ था लेकिन दिन में लोगों ने इतना डिमांड क्रिएट कर दिया कि प्राइस क्या हो गया? ऊपर चला गया। तो आप मुझे बताइए मोमेंटम क्या है? अपसाइड की तरफ। भीड़ ज्यादा किधर की तरफ है? खरीदने की तरफ। डिमांड साइड ज्यादा भीड़ है, जरूर कुछ अच्छा न्यूज आ चुका होगा या आने वाले होगा, क्योंकि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। समझ में आ गई बात? तो आपको किसको ज्वाइन करना है? हमेशा स्ट्रांग पार्टी को ज्वाइन करना है, याद रखिएगा। मार्केट में कभी भी ट्रेड करना है तो आपको स्ट्रांग पार्टी को ज्वाइन करना है। लेकिन नवसिखुआ को कभी भी ये चीज समझ नहीं आता है, जब प्राइस ऊपर जाएगा तो बेचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में चलता है महंगा हो गया बेचते हैं, ये नहीं सोचता है कि महंगा क्यों हुआ है। समझ में आ गई बात? वापस आइए, तो बायर्स आर स्ट्रांगर देन सेलर। ग्रीन लॉन्ग ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ह्यूज डिमांड, वेरी लेस नंबर ऑफ ट्रेडर वर इंटरेस्टेड टू सेल स्टॉक, मैक्सिमम ट्रेडर वर इंटरेस्टेड टू बाई, समथिंग गुड न्यूज फॉर कंपनी। स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए था? ट्राई टू पार्टिसिपेट इन बाई, नेवर ट्राई टू सेल दिस स्टॉक अनलेस यू आर एक्सपर्ट इन टेक्निकल। समझ में आ गई बात? कोई स्टॉक आज 10% ऊपर चला गया, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल है, सपने में भी ये नहीं आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, बेचना है। कोई स्टॉक 10% ऊपर चला गया, सपने में भी ये नहीं आना चाहिए कि मुझे बेचना है। जो स्टॉक आज 10% गया अगले दिन 20% भी ऊपर जा सकता है। समझ में आ गया? हाँ, अगर बहुत एक्सपर्ट हो तो आप बेचो, यही मैंने बोलना चाहे। ग्रीन कैंडल में अगर बेचने जा रहे हो तो आप एक्सपर्ट होने चाहिए। रेड कैंडल क्या बताता है? बहुत ज्यादा सप्लाई हो गया, सब लोग बेचना चाह रहे हैं सस्ते सस्ते, तभी तो प्राइस नीचे आ रहा है। शुरुआत हुए 100 से, आज आगे 90 पे, सस्ता लोग बेचा तभी तो 90 पे आया ना। क्यों सस्ता बेचने को तैयार है बताइए मुझे कोई? कुछ ना कुछ बुरा है। सेलर्स आर स्ट्रॉन्गर देन बायर, लॉन्ग रेंज कैंडल, ह्यूज सप्लाई, मैक्सिमम ट्रेडर्स आर इंटरेस्टेड टू सेल शेयर इवन एट लोअर प्राइस, समथिंग बैड न्यूज फॉर कंपनी, ट्राई टू सेल, खरीदना मत। कोई स्टॉक आज 10% नीचे गया तो खरीदने की कोशिश नहीं करना है। फिर कुछ लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या हम अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं या हम अभी शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हैं? शॉर्ट टर्म, एक दिन की मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग। ट्राई टू सेल, नेवर ट्राई टू बाई अनलेस यू आर एक्सपर्ट इन टेक्निकल एनालिसिस। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक और चार्ट होता है, चलो उस पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आपका एनालिसिस ज़्यादा करेंगे तो पूरा दिन भी जा सकता है, एनालिसिस थोड़ा कम करेंगे तो ब्रेक तक हो सकता है। हाँ जी बोलिए। लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट यूज करना है, लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मुझे HDFC AMC खरीदना है, तो मैं HDFC AMC कौन सी लेवल पे खरीदूँ, तो वो लेवल के लिए हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आप एक दो दिन के लिए होल्ड नहीं करते हो, ठीक है? और 5 साल में वो जो होते हैं ना 4-5% जो होते हैं ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके लिए। जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, रुकिए अभी आप। आज मान लीजिए किसी ने 100 रुपये का शेयर खरीदा और किसी ने 95 में खरीदा और किसी ने 110 में खरीदा, ठीक है? आज तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा होगा, कैसे बताओ? अरे मैंने 10% महंगा खरीद लिया, अरे मैंने तो 15% सस्ता खरीद लिया, मान लीजिए वहां से चेक करूँ तो, है ना? तो आपको यहाँ पे तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नजर आएगा। जब आप इसको 5 साल बाद देखते हो, मान लीजिए आज का हमारा इतना प्राइस है ना 1, 2, 3, 4, 5, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट 5 ईयर रखता हूँ, जब 5 साल बाद जाओगे तो ये प्राइस मान लीजिए पहुंच चुका है 280 पे। तो अब एक काम करिए, आप अपना रिटर्न निकालो, इसका रिटर्न निकालो, इसका रिटर्न निकालो, ऑलमोस्ट सेम नजर आएगा आपको। बात समझ में आ गया? तो कोई फर्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले को कि 100 रुपये में खरीदे या 95 में खरीदे या 110 में खरीदे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, क्योंकि
क्योंकि 5 साल बाद जब आप पहुंच रहे होगे तो उस टाइम तक के लिए रिटर्न जो होगा ना वो डेसिमल में डिफरेंस नजर आएगा आपको। बात समझ में आ गया? इसलिए चार्ट वगैरह साइड कर दो, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट को खरीद लो। जैसे मान लीजिए मुझे HDFC AMC खरीदना है, मैं सब चीज़ भूल के अभी खरीद लूँ मैं तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है 1 साल तक नीचे रह जाता है तो मुझे कमाई थोड़ा सा ज़्यादा दिन के बाद मिलेगा, इसीलिए हम होल्ड कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी।